हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ीसा रीजनल स्टडी फ्रेंड। तो बेसिकली ये वाला जो वीडियो है, आप लोग का जो अभी डीसी का एग्ज़ाम है, 100% फ़ायदेमंद होगा। इसमें मैं आपको 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि मतलब लगभग 100 इम्पोर्टेंट मतलब 100 क्वेश्चन का बराबर है। उसके साथ 152 सेट क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि आपको पूरा फुल तैयारी करवा देगा DC1 का। ठीक है, DC1 का कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही वीडियो में हो जाएगा, जो कि थोड़ा लंबा जाएगा, 3 से 4 घंटा जाएगा। आपको इतना से टाइम निकाल के देखना है। ठीक है, मैं भी कैटेगराइज कर दूंगा, ये नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नीचे भी आप कोई भी नंबर पर डायरेक्ट स्किप करके जा सकते हैं, ऐसे मैं करवा दूंगा। ठीक है, दिखेगा, नीचे दिखेगा आपको। तो फिलहाल चलो एक बहुत अच्छा वाला स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ, कैसे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, हमारे साथ कैसे जुड़ना है, सारे चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, हमारा वेबसाइट कहाँ है, इसका डायरेक्ट लिंक कहाँ है, PDF कहाँ है, A to Z में एक क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये वीडियो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया तीनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक, थोड़ा कोऑपरेट करना है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करना है। आप कोऑपरेट करेंगे तो आप आराम से, आपको एग्जाम के लिए मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम आगे है ना, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो, और ये वीडियो को चार और भी शेयर करना है, और जो भी है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको लिखा है कि पोस्ट नाटल डेवलपमेंट, आपका बेसिकल 3 टाइप का डेवलपमेंट है, मतलब 3 टाइप का पीरियड है आपका। तो एक प्री नाटल, जो कि बिफोर बर्थ, बर्थ होने से पहले, एक पेरिनेटल ड्यूरिंग बर्थ, मतलब आपका DC1 में ये पूरा लिखा है। तो 3 स्टेज जो है, एक बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। अभी हम आफ्टर बर्थ पढ़ेंगे, मतलब पैदा हो, बच्चा पैदा होने के बाद उसके साथ कैसे डेवलपमेंट, कौन सी स्टेजेस होता है डेवलपमेंट का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 15 मार्क का पूछ सकता है, 20 मार्क का पूछ सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। 5 मार्क के लिए मतलब आपको प्लानिंग करके लिखना है, ऐसे नहीं कि मैं पूरा पढ़ा दिया, 5 मार्क का क्वेश्चन आया, आप 15 मार्क का जैसा लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। तो पहले क्वेश्चन चलो कवर करेंगे, ये अभी मैं 15 मार्क जैसा लिखा हूँ। ठीक है, तो आगे चलो मैं बताऊंगा। हाँ, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं एक दो क्वेश्चन निकाल के भी आपको दिखा दूंगा, उसके लिए तरीका, मतलब बहुत लंबा वीडियो रहेगा, तो आपको शुरू से एंड तक रहना है। आपको एंड में मैं जो 150 क्विज करूंगा ना, 150 क्विज के बाद, ठीक है, 150 क्विज के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, एक DC1 का प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं 40 लाया हूँ, ये 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मतलब मैं उसमें से छांट के अच्छा वाला क्वेश्चन लाया हूँ, आपको 40 दिया हूँ, मतलब आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट इज पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या है ना, लिखा है, क्या लिखा है, इट कवर्स द होल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू द इंडिविजुअल बिकमिंग ए फुली फंक्शनिंग एडल्ट। मतलब एक बच्चा पे कंसेप्शन से, मतलब कंसेप्शन होने के बाद ही बच्चा होगा, जो भी है, कंसेप्शन हुआ उसके बाद 18 साल हो गया, वो जो पीरियड को बोलेंगे, ये बेसिकली इसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसमें बच्चे का फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सारे चीज़ का डेवलपमेंट होता है। ये एक सेकेंड पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कौन सा वो स्टेजेस है। देखो, दिमाग लगा के इसको याद रखना है, सर 5 स्टेजेस है, बेसिकली 4 है, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फिर भी आप 5 स्टेजेस लिख सकते हो। एक हो गया इन्फांसी, जो कि 0 to 2 ईयर है, दूसरा हो गया अर्ली चाइल्डहुड 0 to 2 to 6 ईयर, देन मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, देन एडोलेसेंट 12 to 18 ईयर, देन आपका हो गया एडल्टहुड, जो 18 ईयर्स टू ऑनवर्ड। ये हो गया आपका 5 स्टेजेस। ये इतना तक आप लिख लिए तो मतलब आपका 2 से 3 मार्क 4 मार्क भी हो गया इसमें, इतना पूछा तो। लेकिन आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 15 मार्क, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो उस हिसाब से हम इन्फेंसी क्या है लिखेंगे,
ठीक है। तो इन्फेंसी लिखा है उनकी बर्थ से 2 ईयर, पहला कंडीशन लिख दिया। और इसमें लिखेंगे कि इस टाइम में टोटली केयर गिवर के ऊपर बच्चा डिपेंड रहता है, हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, इसमें रैपिड ग्रोथ होता है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हूँ कि क्या लिखा हूँ कि चाइल्ड स्किल्स एबिलिटी इंक्रीज, धीरे धीरे उसका स्किल्स एबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही चीज है, थोड़िया बुला बुझी पाल समस्ते, नॉर्मल कथा थिला, नॉर्मल कथा थिला जे बेसिकली 5टा स्टेजेस अछि हमर पिलार डेवलपमेंट रो, ठीक अछि। बहुत परे ठीक है, पिला माने 5टा स्टेजेस अछि। तो ये 5टा स्टेजेस होछि 0 to 2 ईयर हेले इन्फेंसी, 2 to 6 ईयर हेले हमरो अर्ली चाइल्डहुड। हिंदी बच्चे के लिए बोलूंगा थोड़ा कोऑपरेट करना, मैं थोड़ा, मैं इतना ज्यादा उड़िया में बताऊंगा नहीं कि आपको बोरिंग आ जाएगा, ऐसे नहीं है। तो कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा क्लास जाए, मतलब ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो हाँ, तो मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 वर्ष है, एमती 5टा स्टेज अच्छी। तो इन्फेंसी आम कह 0 to 2 ईयर, तापर कह बहुत पूरा डिपेंड रोचे माँ उपर केयर गिवर उपर पिलाटी, तापर कह आम रैपिड ग्रोथ होची तार है ये टाइम रे, और तापर कह धीरे धीरे तार स्किल इंप्रूवमेंट होची। तो ये हो गया आपका इन्फेंसी, अच्छा समझ में आया। चलो उसके बाद हम देखेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है ना, 2 to 12 ईयर, जो कि आपका दो टाइम हो गया, मतलब 2 to 6 हो गया जोटा कि एर्ली, 6 to 12 हो गया आपका, ठीक है। एक एर्ली चाइल्डहुड होगा, एक मिडिल चाइल्डहुड होगा, जैसे कि मैं आगे बताया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बोलेंगे कि इन्फेंसी जैसा इतना स्पीड डेवलपमेंट, मतलब रैपिड ग्रोथ नहीं होता है, वही मतलब पहला वाला का पॉइंट ही इधर डाल दिए, हो गया। मतलब इसमें उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें बोलेंगे उसका फ्री रीडिंग स्किल वगैरह सारे चीज़ डेवलपमेंट होता है, इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। इतना पॉइंट थोड़ा लिख देंगे, काम हो गया, आराम से वही लिखा हूँ। मतलब अरे ऐसे ऐसे नहीं है कि पूरा जितना पॉइंट लिखा है उसका रट के जाइए आप लिखिए, नहीं, आप समझ जाइए, आप आराम से लिख सकते हो, रट के जाके कुछ नहीं होता, ये याद रखिए, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको हाँ मैं बताऊंगा, बोला ना क्लास के ए बी जस्ट एक क्वेश्चन के बाद बताऊंगा हमारा एप्लीकेशन A to Z। आप आराम से PDF देख सकते हो खुद, अरे अरे हाँ सही है ये है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ टेंशन है। हाँ एक एक काम कीजिए, अभी ये वीडियो देख लीजिए, एक बार तो कंप्लीट कर दीजिए, दूसरी बार नोट पेन, मतलब आपका नोट और पेन लेके बैठिए, तो इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, तो आपका एक नंबर प्रैक्टिस होगा। ऐसे 40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, 60 क्वेश्चन सब देख के क्विज, मैं क्विज बनाया हूँ, बैठ के क्विज बनाया हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको मतलब ऐसे आपको 150 क्वेश्चन और याद हो जाएगा आराम से क्विज देके, वो हो गया तो फिर आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद आपका आ गया ना, हाँ, और एडोलेसन में, मतलब आपका जो चाइल्डहुड में दो स्टेज लिखना है, 2 to 6 ईयर आपको इसको बोलेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड हो गया 2 to 6, 6 to 12 ईयर, इसको लिखना है, इसको ऐड करेंगे तो फिर अच्छा आपका, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एडोलेसन 12 से 18 साल, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है और इसको लिखना है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैं मतलब आपको ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन आ सकता है, सर चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं आया था, पूछा था हाउ डू मीन बाय एडोलेसेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ओनली 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है एडोलेसेंट के बारे में। बोली तो बोलोगे सर नहीं आया था क्वेश्चन में, अरे क्यों नहीं आया था, ये तो आया था ना। तो ऐसे नहीं कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट ही पूछेगा, कुछ भी इसके अंदर से पूछ सकता है, तो आपको पूरा रेडी होकर जाना। एडोलेसन तो हाँ मालूम है मुझे, एडोलेसन मतलब 12 से 18 ईयर, 12 to 18 वर्ष हो चाहे एडोलेसन है। तो उसके बाद क्या है ना, उसको बोलेंगे कि इसमें द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी, प्यूबर्टी चालू होता है, जिसको बोलते मतलब प्यूबर्टी मालूम है ना आपको, यस प्यूबर्टी चालू होता है, जो कि हाँ ये चीज़ याद रखना है, गर्ल से गर्ल का जल्दी होता है, जो बॉय है उनका थोड़ा लेट होता है। लिखा है देखा, प्यूबर्टी रेफर्स द स्टेज अराउंड 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज व्हेन देयर इज ए स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ, मतलब जैसे कि फेशियल, एक मतलब बॉय का फेशियल हेयर आता है, मूछ दाढ़ी वगैरह आता है, वो प्यूबर्टी का मतलब सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो यही जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है आपको मालूम है, वो सारी चीज़ भी आता है, तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ठीक है। लिखा हूँ देखिए, हेयर इन बॉय लिखा हूँ, तो ये सारी चीज़ आता है। और लिखा है द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज अर्लियर फॉर गर्ल देन फॉर बॉय, मतलब
प्यूबर्टी गर्ल का पहले आता है। तो समझ में आ गया, तो बुझी पाल पिला। तो एडोलेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, जे 12 रु 18 वर्ष एथे बेसिकली मानने कौन हुए ना प्यूबर्टी ही स्टार्ट हुए बेसिकली पुआ पिलांकर झील पिला तुलना टी लेट्रे आसे आम पु पिला दाढ़ी निश ये सब हुए ये सब कथा लिखार अच्छे कौन क्लीयर हो गला बुझीगल। देन उसके बाद आपका आ गया एडल्टहुड। एडल्टहुड मतलब क्या है, 18 साल से आगे। तो इसमें क्या होता है, आप सोचिए क्या होता है, अभी तो आपको 18 साल से हो गया, किसी का शादी होगा जो भी है, नहीं तो कोई अभी पढ़ रहा है जो भी है, कोई बॉय है नहीं तो कोई गर्ल है, कोई शादी कर चुका है कोई करने वाला है, जो भी है इस कंडीशन में आप लोग होता है, आपको 18 साल हो गया तो आप क्या करो, वही लिखना है और क्या। हम सर 18 साल के बाद थोड़ा हम मैच्योर पर्सन बन जाते हैं, हम कोई शादी करके घर बसाता है, कोई जॉब करके घर को संभालता है, वही चीज़ लिखा हूँ। क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस क्राइटेरिया ऑफ द कंसिडरिंग द पर्सन इन एडल्ट, वही लिखा हूँ, कोई फैमिली को सपोर्ट करता है। उसके बाद लिखा हूँ कुछ लीगल टर्म्स भी है, जैसे कि 18 साल में 18 मतलब मैरिज करने के लिए 18 साल गर्ल के लिए, 21 साल बॉय के लिए, ऐसे कुछ लीगल प्रोसीड्योर भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एडल्टहुड हो गया आपका। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो गया, हिंदी इंग्लिश तीनों ओडिया तीनों लैंग्वेज में समझा दिया, समझ तो बुझी पाल लो। ओके चलो एबे देखिबा केमदा मा, अभी चलो देखेंगे। ठीक है, अभी एक एक नंबर क्वेश्चन आ गया, ऐसे हम 40 क्वेश्चन कवर करना है आपको, अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप आराम से, अभी मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का 6 मार्क का, जो जितना भी आएगा आप आराम से लिखना। मैं लास्ट को मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो हमारा एप्लीकेशन हमारा वेबसाइट हमारा सारी चीज़ दिखाता हूँ। पहले चीज़ ये तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, जाइए यूट्यूब पे जाइए, आपका यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए ओडिशा रीजनल स्टडी पैन, क्या सर्च मारना है, ओडिशा रीजनल स्टडी पैन सर्च मारिए, पहला आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है आपको मालूम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब हो गया अच्छा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, ये हो गया, और आपको देखना है पुराना वीडियो वगैरह देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे चीज़ इधर ही दिखेगा। देखिए क्या लिखा है प्लेलिस्ट में, आपको इधर डीसी का प्लेलिस्ट देखो कितना 185 वीडियो 208 वीडियो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके देखिए इधर। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने, सो प्ले स्टोर में जाइए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सो सर्च मारिए ओ आर एस पी, जैसे सर्च मारोगे ORSP एजुकेशन आप उसको ओपन कीजिए, जैसे ओपन करोगे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अभी वही एप्लीकेशन से ही मैं पढ़ा रहा था। हाँ ये चीज़ ज़रूरी था क्योंकि किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी मतलब बोर नहीं होना, जस्ट कितना 30 सेकेंड लगेगा और कि 1 मिनट लगेगा। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन जैसे ओपन हुआ, 3 डॉट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे इसमें आपको DC का सेक्शन मिल जाएगा, देखिए इसमें सारे चीज़ है, DC 1 का यूनिट वाइज भी आपको देखना है तो यूनिट वाइज देख सकते हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब DC 1 अभी एक ये वीडियो बन रहा है जो कि 3 से 4 घंटा रहेगा, फिर DC 2 का भी एक वीडियो आएगा, DC 3 का भी वीडियो, ये तीनों वीडियो देख के जाइए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका एग्जाम अच्छा मार्क से क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ ऑलरेडी 3 स्टेजेस का बच्चे जा चुके हैं, सबका अच्छा मार्क आया है, आपका भी आएगा। ठीक है, और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इधर है, मैं आपको लास्ट को बताऊंगा, और क्विज भी इधर देखिए, डी में बोला कि क्विज DC 1 का DC 2 का DC 3 का भी क्विज आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो यूनिट वाइज देख सकते, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सारे चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं आपको, 1 भी रुपया कोई भी सिचुएशन में आपको देना नहीं पड़ेगा हमें। तो रेगुलर आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, चारों ओर शेयर कीजिए, बच्चे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ, और किसी के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा है तो आप प्ले स्टोर आपका क्रोम में जाइए, सर्च मारिए डायरेक्ट, क्या सर्च मारना है ना, www.orsp.co.in, ठीक है, www.orsp.co.in हमारा वेबसाइट डाउनलोड क्या है, www.orsp.co.in, जैसे आप हमारा वेबसाइट क्लिक करोगे www.orsp.co.in ये सेम चीज आपका ओपन होगा, जैसे एप्लीकेशन में ओपन हुआ था ना सेम चीज ओपन होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशनल पार्ट, ये आपको जानना था तो मैं मतलब बोल दिया आपको किधर क्या है, तो सारे सेम चीज ओपन हो गया, देखो सेम है एप्लीकेशन में दोनों सेम। हाँ कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है मतलब सर ये एग्जाम वो ये जो भी आपका डाउट है मेरे साथ आप बात कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट नीचे जाइए कंटैक्ट अक्स लिखा है उसको ओपन कीजिए, उसमें एक फॉर्म रहेगा उसको भर लीजिए, मैं आपको कल बैक करूँगा, बिल्कुल मैं आपको कल बैक करूँगा, ये कंटैक्ट अक्स उसमें एक फॉर्म में भर लीजिए, मैं आपको कल बैक करूँगा, नहीं तो हर संडे रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आपका टेलीग्राम ओपन कीजिए, सर्च मारिए उसमें आपका टेलीग्राम ओपन कीजिए, सर्च मारिए
सर्च मारिए, क्या सर्च मारना है, ORSP सर्च मारना है क्या आपको, कि एस आपको सर्च मारना है ORSP फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्च मारिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्च मारिए, ORSP फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्च मारिए, इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। नहीं तो फिर नंबर दिख रहा है उसमें, टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं भी खुद ऐड कर दूंगा आपको, नहीं तो वो मैं फॉर्म बोला वो फॉर्म भरिए, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे ऐड होना है, आपको ORSP फ्रेंड सर्कल ग्रुप मिल जाएगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, बता दिया सारी चीज़ कैसे क्या है। चलो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, तो क्वेश्चन को कैसे जाएंगे, वही जैसे हमारा एप्लीकेशन में ओपन किया, DC1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया, देन आ गया, इसको ऊपर क्लिक किया, ये आ गया। और अभी क्या करेंगे, इतना से 39 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद क्विज देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, और आराम से आपको खुल के बैठ जाना है कि हाँ, मतलब बिना टेंशन पर फ्री होकर बैठ जाना है कि हाँ मैं, मुझे तो अभी आ गया DC1, अभी DC1 तो मेरा क्लियर हो गया, ऐसे सोच के बैठना है, 100% मैं क्लियर करवा के दूंगा आज, ठीक है। चलो चलो, और थोड़ा मैं स्पीड रखूंगा अभी, ये जो 15 मिनट गया एक क्वेश्चन में, मैं समझता हूँ, बट मैं अभी स्पीड रखूंगा। चलो पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन, तो पहला मैंने चला 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो आपका, मैं जैसे बोला प्री नेटल, एक प्री नेटल स्टेज भी है, ओके, प्री नेटल मतलब बिफोर बाद, मतलब वो जो 9 महीना बोलते हैं ना, कंसेप्शन से बच्चा पैदा होने तक 9 महीना ना, उस वही बारे में बोल रहा हूँ, उसी टाइम को बोलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट, ठीक है, प्री नेटल डेवलपमेंट। तो ये भी बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड है, एक ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस, ओवम एम्ब्रियो फीटस, याद रखिए, अभी याद रखिए, ओवम एम्ब्रियो फीटस, ओके। तो ओवम क्या है ना, ओवम बेसिकली आपको एक पॉइंट लिखना है, ओवम मतलब कंसेप्शन, ओवम पीरियड का पीरियड मतलब कौन सी, किधर से एक स्टार्ट होता है, किधर एक पीरियड, किसको बोलते हैं, इधर से स्टार्ट होता है, इधर एंड होता है, इसको पीरियड बोलते हैं ना, तो वही चीज है, पीरियड लास्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, मतलब बच्चा, मतलब जब कंसेप्शन हुआ तब से 2 वीक तक ये पीरियड ऑफ ओवम रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पहले के जैसे कंसेप्शन होया ना, एक सिंगल सेल बनता है पहले, एक छोटा एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है। वो बनने के बाद धीरे, मतलब ह्यूमन लाइफ कैसे बनता है, पहले कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन होने के बाद एक पहले एक सेल बनेगा, मतलब हम सभी एक पहले एक छोटा सा सेल, मतलब आपको कैसे बताऊं, हाँ लेट से हमारा अभी, हम कितना, मैं अभी 29 साल का हूँ, ठीक है, मैं 29 साल का, मैं जितना बड़ा देखता हूँ, मैं रेत मालूम है ना, बालू, बालू रेत में लेके मेरा मूर्ति बनाया जाएगा, ठीक है, मेरा मूर्ति बनाया जाएगा तो कितना रेत लगेगा, आप सोचिए, मैं 29 साल का हूँ तो बड़ा सा एक, बहुत सारा रेत रेत लगेगा, ओके, बहुत सारा रेत लगेगा आपको लग रहा है, ठीक है। एक एक रेत का एक छोटा का पार्टिकल, एक छोटा रेत मतलब एक ही रेत, मतलब कितना सा, बहुत सारा बालू लगेगा आपको मालूम है, एक छोटा रेत ले लीजिए, मतलब एक ही मतलब डर्ट जैसा, ठीक है, डर्ट जैसा बालू रहेगा ना, वही पहले हम ऐसे ही थे, यस, पहले हम पहले जब बनते हैं ना, ऐसे छोटा सा रेत जैसा बनते हैं, उससे भी छोटा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो धीरे धीरे एक रेत से 2 रेत, 3 रेत, 10 रेत, ऐसे मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे होने के बाद हम एक फुली फंक्शनिंग एक चाइल्ड बन जाते हैं जो कि 9 महीने बाद पैदा होता है, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस है, थोड़ा लंबा हो गया टाइम, ओके, जो भी है। तो सिंगल सेल जो बनता है, तो पहला कंडीशन हो गया 0 to 2 वीक, उसके बाद हो गया सिंगल सेल बनता है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके बहुत सारा सेल बनता है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हूँ ना, एक दो क्या लिखा है, दिस मास ऑफ सेल डिफरेंस, ठीक है, सेल डिफरेंस डिफरेंशिएट इनटू इनर एंड आउटर लेयर सेपरेट बाय द होलो कैविटी, मतलब ये जो सेल बहुत बन गया, उसको एक होलो कैविटी को बीच में रखे, मतलब 2 लेयर बनता है, एक इनर एयर लेयर, एक आउटर लेयर बन जाता है, ठीक है। और लिखा है क्या, इनर लेयर जो रहेगा, आप सोचिए, थोड़े दिमाग लगाए, इसे पिक्चर है क्या, पिक्चर नहीं है, जो भी एक इनर लेयर जो कि बच्चा जिसके अंदर रहेगा,
और बाहर लेयर रहेगा जिसको अंदर बच्चा बच्चा प्रोटेक्टिव भी रहेगा ना, तो उसके लिए इनर लेयर में क्या होता है ना, फॉर्म द बेबी। इनर लेयर में बेबी फॉर्म होता है, आउटर लेयर में जैसे कि प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, अमनियोटिक सैक, ये सारे स्ट्रक्चर होता है, ये सारे चीज़ आपको लिखना है। हो गया है? तो पीरियड ऑफ ओवम खत्म हो गया, अभी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा, एम्ब्रियो वर्ड क्या है, द डेवलपिंग बेबी लिखा है। देखो द टर्म एम्ब्रियो इज रेफर टू द डेवलपिंग बेबी, मतलब तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। तो फिर उसका जो इम्प्लांटेशन से बोन फॉर्मेशन होता है, लिखा है, लिखा लिखा देखा क्या लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ द बोन फॉर्मेशन, पहला पॉइंट हो गया एम्ब्रियो स्टेज में जो बोन उसका बनना चालू हो जाता है, ठीक है। और हाँ, इसका टाइम भी सही है ना, यस, 2 सप्ताह से 2 वीक से 8 वीक तक, उधर 0 to 2 week, 2 week से 8 वीक, ये हो गया। उसके मैं थोड़ा स्पीड रखूँगा धीरे धीरे, थोड़ा सभी लोग को समझाना है। उसके बाद हाँ, सब ओडिया पिला कहूँ, मुझे जस्ट कंप्लीट कर देवी गोटे, मैंने गोटे क्वेश्चन मुझे ओडिया टी कहीदेव तो मुझे निश्चय बुझी पार्बि, किसी प्रॉब्लम नहीं। यार हिंदी ओडिया इंग्लिश कौन अच्छे, इंग्लिश तो लिखा है, मुझे हिंदी में कहूँ आ मुझे कंपलसरी सब क्वेश्चन जस्ट सर टिके जस्ट 2 मिनिट कहीदेवि आ मुझे 100% सर तुमको बुझे। अरे तुम्हें ओडिया पिला मुझे पिला कहीं तुम बुझे, मुझे जानी तुमने बुझीपार, जस्ट कंप्लीट कर दिव मुझे निश्चय तुमको कहीदेवि, डोंट वरी। ओके, ये हो गया आपका 0 to 2 to 3rd week से स्टार्ट होता है और एंड होता है 8th week से, ये हो गया। इसमें और कुछ इतना सिस्टम नहीं है, इतना लिखना है आपको, ठीक है। ओके, मेजर ऑर्गन जैसे क्या लिखा है, द पीरियड इज क्रूशियल इन प्रीनेटल डेवलपमेंट सिंस इट्स नाउ ऑल द मेजर ऑर्गन टिश्यू सिस्टम ऑफ द वजन बींग फॉर्म, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है क्योंकि अभी बहुत सारा ऑर्गन जैसे कि हमारा आई, हमारा सर्कुलेटर, मतलब सब सिस्टम और ऑर्गन दोनों सारी चीज बनना है अभी, तो इसलिए स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया पीरियड ऑफ फीटस, मतलब अभी धीरे धीरे बच्चा मतलब रेडी हो रहा है। क्या लिखा है, द पीरियड एक्सटेंड द बिगिनिंग ऑफ द 9th, अभी वो 8th में खत्म हुआ, ये वाला पीरियड याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम पीरियड 9th से टिल द बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ तब तक ये पीरियड ऑफ फीटस रहता है। बोन स्ट्रक्चर अच्छी से, जितना भी डेवलपमेंट होता है अच्छी से रिफाइनमेंट हो जाता है, अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। तो फिर और क्या लिखा है, रिफाइनमेंट क्या लिखा है, ड्यूरिंग, याद रखो ये वर्ड यूज करना है आपको ये स्टेज में, रिफाइनमेंट मतलब अच्छा बनता है, जो बना था तभी, मतलब पीरियड ऑफ हमारा किस में, एम्ब्रियो में, इधर अच्छा होता है वो, तो लिखा है क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब रिफाइनमेंट होता है ना, द ग्रोथ एंड हेड रीजन भी, हेड रीजन का भी डेवलपमेंट होता है। ये हो गया आपका जे क्या कि प्री नेटल डेवलपमेंट का स्टेजेस, समस्त बुझी पार्ल, तीनटा स्टेज अच्छे, ओवम, एम्ब्रियो, फेटस। ओवम में आम कह 0 to 2 weeks पर्यंत, आ जो कनसेप्शन है आम जाइगोट कह, ठीक अच्छे, आईटा पुणी बहुत ये गोटे गोटे होता है, बहुत मल्टीपाई हो, बहुत सेल हो जाए, सेल होगापर पुणी गोटे कौन हुए ना, दुईटा गोटे इनर लेयर तैयार हुए, गोटे आउटर लेयर तैयार हुए, इनर लेयर पिलाटी या हुए बा डेवलप हुए, आउटर लेयर को लगिकी प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड ये सब रुहे। देन तापर रहा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कथा कौन कहना, एम्ब्रियो आम कह जे 3 सप्ताह 9 सप्ताह 8 सप्ताह पर्यटन ये चले, बोन स्ट्रक्चर चालू हुए, विभिन्न प्रकार ऑर्गन तैयारी हुए, तेणु ये स्टेज बहुत इंपोर्टेंट। तापर आम लास्ट को ये कही सारापर तापर आम कह ओके तापर आम कह पीरियड ऑफ फिटनेस रे कौन कहवा ना, यहाँ 9th week रु टिल बर्थ पर्यंत यहाँ हुए, आती सबूर रिफाइनमेंट हुए, ये पॉइंट आमको आड करने पड़े, ये पॉइंट कहले तुम निहाती मार्क तुम्हें कह सब कथा देला, क्लीयर हो गया। तो अभी चलो तीसरी क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो हिंदी बच्चे में हिंदी में लिखा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको हिंदी में लिखना, ओडिया पिला टी ओडिया भी लिखी देखिए तुम पढ़ापी, बट हाँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, दो क्वेश्चन हो गया, अभी तीसरा क्वेश्चन है सभी के लिए। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप ओनली हिंदी नहीं तो ओनली इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो ना, तो आप मिक्स कर सकते हो ना, उड़िया लैंग्वेज में इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हो, नहीं आइधर हिंदी नहीं तो इंग्लिश, और ये डिसीजन आप कभी भी ले सकते हो, एग्जाम हॉल में भी ले सकते हो। एग्जाम हॉल में आपका मन में आया मुझे हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा जो डिसीजन लेना है अभी लीजिए, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ना, हाँ सर मुझे हिंदी में लिखना, हाँ सर मुझे इंग्लिश में लिखना है, डिसीजन अभी लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके घबराना क्यों है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है,
थोड़ा मैं स्पीड अभी मेंटेन करूँगा, बहुत टाइम हो गया, ओनली 2 क्वेश्चन गए हैं। यस, बोल रहा है क्या है कि डिस्क्राइब द फिजिकल ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ अनवर्ड टिल द एंड ऑफ द टडलर हुड। फिजिकल ग्रोथ सब क्या होता है, ठीक है, तो बर्थ टू टडलर हुड तक क्या क्या डेवलपमेंट होता है। मतलब टडलर हुड मतलब 12, क्या लिखा है, द चाइल्ड क्या, द टडलर हुड इज, अब टडलर हुड पीरियड थोड़ा याद रखिए, 12 महीने से 36 महीना, मतलब 3 साल तक टडलर हुड रहता है, ठीक है। टू टडल, टडल का मतलब क्या, थोड़ा समझाइए, एग्जाम में टडलर हुड पूछा है तो व्हाट इज टडल, व्हाट इज टडलर, सारे चीज़ वो समझाना है ना आपको, लिखिए 12 से 36 महीना। टडल मतलब चलना, चलने के लिए जो मतलब रेडी टू वॉक, उसको बोलेंगे टडलर, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मैटर डेवलपमेंट होता है, फाइन मैटर डेवलपमेंट होता है, विजनिंग विजन डेवलपमेंट होता है, हियरिंग या स्पीच का डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वही लिख दिए। तो फिर इसमें लिखे फिजिकल ग्रोथ उसका साइज में, वही सोचिए साइज में इंक्रीज तो होता है सारी चीज़ उसका। ग्रॉस मटल मतलब उसका लार्ज मसल, जो कि वो 3 साल हो गया बच्चे का, दौड़ नहीं पा रहा है क्या, दौड़ पा रहा है ना, तो फिर दौड़ने के लिए उसको लार्ज मसल, पैर का मसल, लार्ज मसल यूज हो रहा है, हाँ कि नहीं। तो फिर हो गया ग्रॉस मटल डेवलपमेंट होगा। फाइन मटल डेवलपमेंट मतलब छोटा मसल डेवलपमेंट होना, मतलब आप सोचिए, तो उसको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, एक्चुअली थोड़ा इधर नॉइज हो रहा है, डोंट वरी, आप थोड़ा क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। तो बेसिकली बोलना चाहूँगा आपको, तो यस, तो बेसिकली बोलना चाहूँगा जो कि आपका फाइन मैटर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फाइन मैटर मतलब आपका स्मॉल मसल, जैसे कि एक बच्चे को एक कोई छोटा सा बॉल दे दीजिए, नहीं तो मटर दे दीजिए, मटर मालूम है ना जो खाते हम, उसको पकड़ लेता है, 3 साल बच्चा पकड़ लेता है, लेकिन एक छोटा एक 6 महीने का बच्चा पकड़ पाएगा कि नहीं पाएगा ना। तो फिर टेडलरहुड के टाइम पे फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि छोटा मसल है, एक उंगली में पकड़ना एक छोटा मसल है ना, और विजन कोई भी बच्चा मतलब पैदा होने से ही दिख पाता है, यस। देन हियरिंग स्पीच, ये तो पैदा होने से ही रहता है। सोशल डेवलपमेंट, यस, 3 साल का बच्चा, वो रूठना मालूम है उसको, उसको उसका चीज़ दोगे नहीं दोगे तो वो रूठेगा, तो फिर ये सारे चीज़ें तो सोशल डेवलपमेंट। नहीं तो फिर वो उसका लेट से वो बहने उसका एक भाई हुआ, तो फिर मतलब 3 साल जो है वो टडलर हो, टडलर स्टेज में आ गया, 3 साल जो वो बहन है वो भाई हुआ, तो फिर सोशल डेवलप, मेरा भाई है मतलब केयर करता है, आपको दिखता है ये सारी चीज़ फैमिली में, तो ये सारा उसको सोशल डेवलपमेंट, वही सारे चीज़ में लिखा हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख देना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, आप आराम से थोड़ा थोड़ा लिख देना है, हो गया क्लियर। पिला बुझी पाल तो टडलर हुड सब मैंने पिलार कौन डेवलप, आम कह जे 12 रु 36 वर्ष हो, 36 वर्ष नहीं 36 मास होची टडलर हुड समय। यही समय रे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हुए, ठीक है। हिंदी बच्चे थोड़ा कॉपरेट करना है, नहीं तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं। तापर टडल मतलब, टडल माने कौन ना, चलने जे सक्षम है धीरे धीरे, सेटा टडल कहे, एम लिखी सारापर तर फिजिकल ग्रोथ हो, साइज बढ़ुच्छे तार, देन ग्रॉस मटल मान दौड़ा दौड़ी कर लंबा मान बड़ बड़ मसल यूज हो ना, दौड़ा दौड़ कर, फाइन मटल मैंने छोट मसल यूज हो, मानते तुम्हें गोटे से गोटे जिनस धरू धर छुंची सूता पुरुष से सिचुएसन जी से कौन अच्छे 3 वर्ष पिला तो पूरे पारे तो चेस्ट कर गोटे छोट मटर दिए धरी पक, तो यहीटा हूँ कथा। तो भिजन देखिपार हिरींग ये सब जिन हो तुम लिखिपार ये क्वेश्चन ने क्लियर है, ओडिया भी लिखी टी पढ़ी पार। देन चलो चौथी क्वेश्चन जाएगा कि फाइन एक बच्चे का, व्हाट डज द चाइल्ड फाइन मटर स्किल ऑफ ग्रास्पिंग डेवलप ओवर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल में बच्चे का फाइन मटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये है क्वेश्चन है। आराम से हम लिख सकते हैं, हम बोलेंगे पहले तो व्हाट, अरे की वर्ड को समझे आप साले, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखेगा एग्जाम में, हाउ डज द चाइल्ड फाइंड, ऐसे नहीं लिखता एग्जाम में, वो चेंज करके लाएगा ऐसे, क्यों आप सोचिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के ऐसे, तो फिर वो जो बैठ बैठ के सैलरी ले रहे वो लोग क्या करेंगे, कुछ तो नया करेंगे, तो फिर वो प्लानिंग करके क्वेश्चन को डिफरेंट करके देंगे, लेकिन आपको की वर्ड पकड़ना है। फाइन मोटर आ गया क्वेश्चन में, आपको खुश हो जाना, इस फाइन मोटर मुझे मालूम है छोटा मसल यूज होता है, उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हो, मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल क्या है, लिखा देखो, फाइन मोटर स्किल एबिलिटी मेक द मूवमेंट यूजिंग द स्मॉल मसल इन आवर हैंड एंड रिस्ट, हो गया। उसके बाद मैं लिखा हूँ क्या, को होल्डिंग ए पेन और पेंसिल, ड्राइंग फिक्सर, राइटिंग नीटली, यूजिंग कीबोर्ड,
यूजिंग सीजर रूलर, ये सब हो गया आपका। आप सोचिए इसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है या इसमें ये जितना भी मैं पॉइंट लिखा हूँ, नहीं है ना, इसमें छोटा छोटा आपका मसल यूज होता है, नहीं मतलब एक छोटा, सोचिए नहीं इतना सोचिए, एक 6 महीने का बच्चा ये सब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। यस, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होता है तुरंत, उसको टाइम लगता है। तो यही सही चीज़ है आपको लिखना, 3 साल का बच्चा हो गया, टडलरहुड उसको आ गया, वो आराम से ये सब काम कर सकता है, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो चुका है व हो रहा है, अच्छे अच्छे धीरे आगे अच्छा होगा। क्लियर हो गया? तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, यही चीज़ें। और इसमें थोड़ा मैं अच्छी से और लिखा हूँ कि 7 मंथ, ये आपका इतना क्लियर हो गया ना, ये यही लिखना है, और थोड़ा लेंदी करना है तो आप लिख सकते हो कि 7 टू क्या लिखा है, द 7 मंथ ओल्ड कैन टेक इट, रेक लिखा है, टेक होगा, टेक आट स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड हर फिंगर विथ कैन नॉट पिक पिक देम। बोल रहा है कि मतलब हम क्या बोल रहा है, 3 महीने 3 साल तक क्या हुआ है उसका है, फाइन मोटर डेवलपमेंट वही लिखा, पहले 7 महीने का बच्चा लिख लिए, तो वो किसी को देखो छोटा एक चीज़ देखो पकड़ेगा फिर हाथ से गिर जाएगा, नहीं कर पाएगा, धीरे 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 उसका डेवलपमेंट होगा, वही सारी चीज़ में लिखा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ्सिंग मतलब किसको पकड़ना, ग्राफ्स मतलब पकड़ना, ठीक है, वो सारी चीज़ धीरे धीरे वो उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में लिखा हूँ स्क्रैबल, देखो लिखा है पिक्चर में दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ एक बच्चा कर सकता है, 3 साल का बच्चा, हाँ कि नहीं? ओके। उसके बाद जैसे कि इसको पकड़ना, एक दिख रहा है ये छोटा नट्स, एक उंगली पकड़ता है आपका, मालूम है बच्चा पकड़ता है, इसको ग्राफ्सिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रैबलिंग, स्क्रैबलिंग बच्चा ऐसे ऐसे करता है, देखिए ऐसे करता है ना, तो इसको बोलते हैं स्क्रैबलिंग। इस सारे चीज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। ये हो गया आपका अभी सर, ठीक है, अभी हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन आया था आपको ऐसे लिखना है, तो पिला मैंने बुझी पालो। हाँ सर, आप थोड़ा स्किप किए इसमें, सर पूरा नहीं पढ़ा है। अरे सुनिए, आपको एग्ज़ाम देना है, मैं एग्ज़ाम जैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसे, ये बुक जैसा हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसे जाके लिखेंगे क्या? इतना नहीं, मुझे समझ जाना है सर, मुझे समझ जाना है, मैं समझ गया व्हाट डू मीन बाय फाइन मोटर डेवलपमेंट, मैं से समझ गया एग्जाम्पल मुझे मालूम है, जाके मैं आराम से लिख सकता हूँ, ऐसे सोच ऐसे मतलब एग्जाम के टाइम पे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। और मैं जितना अभी बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल 80 से 90 मार्क ला सकता है, हमारे बच्चे 96 तक लाए हैं, 96 100 से 96 तक भी लाए हैं बच्चे हमारे पास से पढ़ से पढ़ के, बहुत एक नहीं, एक नहीं दो नहीं, बहुत बच्चे लाए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि ये सारी चीज़ कट कट डीसी में यही प्लानिंग से आप पढ़िए, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ आज, थोड़ा आगे तक वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। हौड़िए पिला कौन आते अच्छी किसी तो नहीं है गला तो यही कथा एग्जाम्पल ना ये मुझे बुझे भी नहीं, तुम जानगल बुझीगल ये तो पेनसिल धरू ये करपरि सब करपरि छोट छोट मसल यूज करपरि से तार फाइन मोटर डेवलपमेंट गोटे पिलाटा सब करपरचुडिंग ना कौन। ओके चलो ओडिया भी लिखी टी पढ़देव ना कहीं पढ़ टाइम कहीं वेस्ट कर पढ़े दो शुणी दियो। देन उसके बाद क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे, कोई 10 मार्क आ सकता है, 5 मार्क आ सकता है, उससे हमें मतलब नहीं, जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम लिखेंगे, लेकिन हम अभी समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आप एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाना जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, एनुमेरेट द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर बाय यू व्हेन लुकिंग टू फॉर ए स्पेस फॉर सेटिंग ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर। एक चाइल्ड केयर सेंटर आप बनाने जा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपका ध्यान किसके ऊपर रहना चाहिए, मतलब आपका मतलब किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। बेसिकली मैं इसमें अच्छी से लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं भी अभी आराम से आपको समझा दूंगा। जैसे क्या लिखा हो, एनकरेजिंग सेफ एक्सप्लोरेशन, सॉरी सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। हाँ आपको मैं अभी जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपको लिखना है कैसे भी करके, एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट जॉब फॉर द चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। क्या लिखा है, ये पॉइंट आपको लिखना है, ये माइंड में फिक्स कर दीजिए। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन का मतलब बड़ा होने के बाद अलग रहता है लेकिन सेम रहता है फिर भी, लेकिन एक चाइल्ड को आप आपका शादी हो गया है तो फिर मैं पूरा रिकमेंड करूँगा
आप बच्चे को एक्सप्लोरेशन के लिए सुविधा दे दीजिए, ऐसे नहीं कि बुक दे दिए नहीं पढ़िए, यार पढ़ लीजिए तू अच्छा, मतलब बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो खुश हो रहा है, नहीं उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत कुछ जैसे कि पजल जैसा, मतलब वो खुद जितना एक्सप्लोर करेगा ना आपको भी इतना, मतलब लेट से इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं हो पा रहा है आज, मतलब क्योंकि बहुत लंबा जाना है, जो भी है बच्चे को एक्सप्लोरेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खुद एक्सप्लोर करेगा तो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। वही लिखा है सेफ, और फिर बाजू में सेफ लिखाया गया, सेफ क्यों, क्योंकि एक चाइल्ड केयर सेंटर मतलब आप बच्चों को लाके आपके पास आप बहुत कुछ सिखाने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, मतलब उस कोई फैमिली कोई पेरेंट्स उसको उसका बच्चा आपके पास छोड़ेगा, तो आपके पास छोड़ेगा मतलब वो सेफ होना जगह से, वो जो प्लेस है वो सेफ होना चाहिए ना, तो इसलिए सेफ एक्सप्लोरेशन, बच्चा आएगा एक्सप्लोर करेगा लेकिन वो एरिया सेफ होना चाहिए बच्चे के लिए। सेफ मतलब कुछ भी हो सकता है बच्चे के लिए, बहुत कुछ नहीं, जैसे कि लेट से कुछ इलेक्ट्रिकल वायर ऐसे ओपन रख सकते हैं क्या, नहीं, कुछ ऐसे नोकीला चीज़ रख सकते हैं क्या, नहीं, तो ये सारे चीज़ को ऊपर आपको ध्यान देना, वही चीज़ ये आपको समझ में आ गया, मैं इतना स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और आप बार बार ऐसे मतलब आप जगह ही खराब रखोगे, और बच्चा को बार बार अरे उधर मत जाइए, उधर पानी है उधर मत जाइए, उधर उधर इलेक्ट्रिकल वायर है उधर मत जाइए, ऐसे बार बार बच्चे को आप डांटोगे तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह में, वो खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएगा, वही चीज़ मैं इधर लिखा हूँ, ठीक है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी एग्जाम में अच्छा मार्क तब तक नहीं आएगा जब आप मतलब सॉरी रट के जाओगे तो अच्छा मार्क नहीं आएगा, आप समझ के जाओगे अच्छा मार्क आएगा, इसलिए समझ के जाइए, रट के मत जाइए, रट के जाने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पास, रट के जाके क्या फायदा है, ठीक है, तो समझ जाइए। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट दिया हूँ, आप अभी कमेंट बॉक्स में सभी लोग ये पॉइंट लिखिए। पहला हो गया चाइल्ड ट्राई ए चाइल्ड आई व्यू, पहला पॉइंट हो गया, मतलब बच्चा जैसा सोचिए, मतलब क्या लिखा है, आप बैठ जाइए इधर आइए ना, आप बैठ जाइए नीचे नीचे, छोड़ बच्चा जितना बड़ा है उसी हिसाब से चलिए, किधर हो रहा है इधर सट, मतलब इधर दिख रहा है कि इधर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए, वही लिखा है गेट डाउन गो द चिल्ड्रेंस हाइट एंड वॉक क्राउल अराउंड द स्पेस, मतलब आप बैठ जाइए बच्चे का हाइट जैसा बन जाइए, आप सोचिए ऐसे रियाक्ट बनाए, मतलब आप कितना बड़े हो, मैं जैसे कि मैं अभी 5 फीट जो भी है 10 इंच की 11 इंच में बहुत दिन हुआ मापा नहीं हूँ, जो भी है तो मैं मेरे हिसाब से रैक बनाऊंगा तो जो छोटा बच्चा वो क्या करेगा, उसका हाथ आएगा क्या उधर, नहीं आएगा, तो फिर आप बच्चे जैसा हाइट बन जाइए उसी हिसाब से रैक बनाइए, इधर डॉल रहेगा इधर ये खिलौना रहेगा उधर पजल रहेगा इधर फुटबॉल रहेगा उधर क्रिकेट बॉल रहेगा, जो भी है आप रख रहे हो तो बच्चे का हाइट से रखिए ना, अब आपका हाइट क्या रखिए तो क्या होगा, तो ये चाइल्ड आई व्यू एक पॉइंट हो गया, मैं इसको डिटेली नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद अरेंज योर स्पेस वाइजली, मतलब आपका जो स्पेस है जितना जगह है उसको वाइजली अरेंज कीजिए, मतलब मतलब क्या लिखा है, आप उसको ठीक से लेट से पूरा खुला प्लेस दे देंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे गिरेंगे पड़ेंगे, हाँ कि नहीं, तो फिर आप स्पेस मतलब इधर लिख सकते हैं, इधर जो बच्चा रहेगा वो फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल ऐसे बोल रहा हूँ बच्चे के लिए अलग अलग गेम रहता है, इधर जो बच्चा रहेगा इधर वो बकेट वाला गेम खेलेगा, जो भी है, तो फिर ऐसे हम स्पेस को अच्छे से मैनेज करेंगे तो बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। ये पॉइंट आपको ये पॉइंट लिखना है, अरेंज द स्पेस वाइजली, और कुछ लिख देना है आपको, ऊपर वाला पॉइंट लिखना है ट्राई चाइल्ड आई व्यू, मैं बोल दिया क्या करना है तो आप लिख दिए, तो ये पॉइंट आप सिर्फ लिखिए याद रखिए। ऑर्गेनाइज टॉय एंड सप्लाइज टू मेक द थिंग्स इजी फॉर द चिल्ड्रन, क्या लिखा है, यस, जितना टॉय मतलब खिलौना जितना चाहिए उतना लाइए और उसको उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करिए, ऐसे नहीं कि कोई बॉल ढूंढ रहा है बॉल नहीं मिल रहा, एक बॉल लेके आ गए 10 बच्चे बोल रहे हम बॉल खेलेंगे फिर प्रॉब्लम हो गया, तो फिर उसी हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। ये हो गया, लिखा है क्या है कि हाँ जैसे कि लिखा है प्लेस द टॉय ऑन द लो स्लिप्स, मतलब जो नीचे वाला रैक है ना उधर टॉय रखिए, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा टॉय पसंद है, आप उसको पूरा ऊपर रख दोगे तो वो रोता बैठेगा सर मुझे टॉय चाहिए टॉय चाहिए, आप इधर बिजी रहोगे फिर बच्चा भी रुट रहा है आपको भी टाइम नहीं हो रहा, तो ये सारे चीज़ें। उसके बाद मेक श्योर देयर आर एनफ टॉय, आपके पास मतलब जो भी टॉय है जो भी है वो एनफ रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेक श्योर द टॉय मैच द चिल्ड्रेंस एज एंड एबिलिटीज, मतलब आपके मतलब 3 साल का बच्चा है आप उसके लिए लेके आओगे वॉलीबॉल लेके आओगे खेलने के लिए,
फुटबॉल लेके, फुटबॉल तो कभी खेल लेते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, लेकिन वॉलीबॉल लेके आओगे तो फिर वो नहीं खेल पाएंगे ना। तो ऐसे कुछ उनके जैसा खिलौना लाना है, ठीक है? तो टीच द चिल्ड्रेन हाउ दो है, फिर बताना है ये टॉय को ऐसे खेलना है, वो टॉय को ऐसे खेलना है, या करना है, वो सारी चीज़ बताना है। टीच द चिल्ड्रेन हाउ टू हैंडल द बॉय। हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन था शायद, और 35 क्वेश्चन कवर करना है बच्चे, आपको दिखना है अभी। डोंट वरी, अभी स्पीड हम ले चुके हैं, क्योंकि पहला 20 मिनट में एक क्वेश्चन गया था, ये 20 मिनट में 4 क्वेश्चन हो गया, तो फिर स्पीड आ चुका है। डोंट वरी, ओडिया पिला आउ एथे कौन अच्छी गोटे चाइल्ड केयर सेंटर तुम बड़ा हेल्ले बनैब जी पाई बा जो मैंने बनाऊँच ये सब जिनस ना एक हूँ सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने पिला तार ता हिसाब से सबकि एक्सप्लोर कर कादुओ सहित खेलू कि से आउ जहाँ करूँ से तो सेल्फ सेफली से जिन प्रोभाइड करवा दरकार आ बारम्बार ये जानी से जानी एमती ठीक नुहे आसू पॉइंट उपर ध्यान देव जमीक पिला जीक हाइट से ही हाइट्रे सब जिन मैनेज कर तुमको ना ना मुझे पूरा ताजा उपर रखीदेवि से प्रोब्लेम हम ये सब जिनस को मुझे कहली पिला तुम बुझीपाल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कंजर्वेशन, आर प्री स्कूल चिल्ड्रेन एबल टू कंजर्व, जस्टिफाई योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फाइगेट एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च डन लेटर। क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन क्या है, क्या प्री स्कूल बच्चा कंजर्वेशन कर सकता है, कंजर्व वो कंजर्व कर सकता है, और जो पाइगेट है ये कि चाइल्ड डेवलपमेंट लॉजिस्ट है, मतलब वो बच्चे के ऊपर स्टडी करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, वो एक साइंटिस्ट है, चाइल्ड साइंटिस्ट सोचिए ऐसे, ठीक है? वो एक रिसर्च किए थे, तो उनका रिसर्च के हिसाब से जो बच्चे का जो कंजर्वेशन वो कैसा है, आप थोड़ा समझाइए, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है? तो फिर हम कैसे है उसको समझाएंगे, पहले तो कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन मतलब बच्चा, जैसे कि हम अभी इधर बैठे साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं है सारी चीज़ ध्यान दे पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, लेकिन बच्चा ऐसे नहीं कर पाता है तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या लिखे, कंजर्वेशन मीन्स बींग एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द सर्टन सब्सटेंस रिमेन सेम इवन इफ द शेप चेंजेस एंड द ट्रांसफर टू कंटेंट टू अनदर। मतलब क्या है कंजर्वेशन, क्या है ना कंजर्वेशन का मतलब ये है कि एक बच्चा समझ, उसको समझ में नहीं आता, जैसे कि मैं बोला ना उसको समझ में नहीं आता, लेट से हम बोलेंगे एक ऐसे बोलेंगे एक पानी का ग्लास है, ठीक है, उसमें फुल पानी है, ठीक है, एक बड़ा वाला ग्लास लाएंगे वही पानी को डाल देंगे उसमें क्या होगा, आधा पानी होगा, उसको बोलेंगे किसमें ज़्यादा पानी है, बच्चा बोलेगा जिसमें फूल है वो इसमें ज़्यादा पानी है, वही खुद देखा अभी बच्चा देखा कि से ये पानी को लेकर उसमें डाला, अभी फिर भी उसको बोलेंगे कि कितने ज़्यादा पानी है, बोलेंगे सर ये जिसमें फूल है इसमें ज़्यादा पानी है उसमें कम है, वो बोलेगा, क्यों, वो कंजर्व नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता कि शेप चेंज होने से अमाउंट सेम रहता है और ज़्यादा बेसी कम ज़्यादा नहीं रहता है, बस उसको समझ में, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ ना, कंजर्वेशन मीन्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट द क्वालिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम इवन इट्स शेप इज चेंज्ड और इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर सो लॉन्ग नथिंग इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। एग्जैक्ट लिखना है, फिर से बोल रहा हूँ एग्जैक्ट, मैं ऐसे बताऊंगा कौन सा है, मन से कुछ नहीं लिखना, इधर एग्जैक्ट लिखिए, क्योंकि आप मन से लिख सकते हो चलेगा, फिर भी एग्जैक्ट लिखिए आपके लिए ईजी होगा, ठीक है? हो गया कंजप्शन क्या है, ओके, बच्चा का नहीं कर, हमें तो मालूम है बच्चा नहीं कर पाता है ये चीज़, ठीक है? तो जो पिगेट है वो एक चाइल्ड साइंटिस्ट है, वो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं उसको मैं अच्छी से लिखा हूँ, ऐसे 2 ग्लास लिए थे मैं, जैसे जो एग्जांपल बोला ना वही सेम चीज़ वही लिखा हूँ, वो उसको एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे बड़ा ग्लास दिए उसको, बच्चे को बोले कि यार किस में ज़्यादा पानी, बच्चा बोलता है कि सर इसमें ज़्यादा पानी है लेफ्ट साइड में, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट इधर बताया। पैगेट से एक्सप्लेनेशन क्या था ना, बच्चा क्या करता है ना, उसका बच्चे का टेंडेंसी है टू सेंटर, मतलब जो देखा उसमें चिपक जाता है, उसमें ही ध्यान देता है, मतलब अभी जो दिख रहा है वो मतलब पीछे क्या हुआ, वो पीछे जो वही पानी को लेकर उसमें डाला हुआ है वो ध्यान नहीं देता, अभी दिख रहा है इसमें ज़्यादा पानी है, यही पानी है ज़्यादा,
वही ऐसे बोलता है बच्चा। तो टू सेंटर ते लिखा है द प्री स्कूलर चिल्ड्रन डू नॉट कंजर्व बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू सेंटर, मतलब अभी जो दिख रहा है वही पीछे एक मिनट से पहले क्या हुआ था वो नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी कितना, अभी हम लोग किसी के ऊपर किसी के ऊपर तो रुठना नहीं चाहिए पहला चीज़ है जो भी है। अरे तू उस दिन वो बोला था, छोटा बच्चा ऐसे नहीं बोलते, आज रुठ जाएंगे 5 मिनट के बाद फिर खेलेंगे मिट के, एक्चुअली ऐसे करते हैं, मिल के खेलते हैं। तो ये मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में ध्यान देते हैं, वो उतना पास्ट में ध्यान नहीं देते बच्चे लोग। वो ऐसे ही रहना चाहिए लाइफ में, खुश रहना है तो आपको, ठीक है। और हाँ, पास्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए ओनली सीखने के लिए। यस, ये मैं गलती किया था, ये नहीं गलती नहीं दोहराऊंगा, ये सीखने के लिए पास्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। बट और बैठ के रोना धोना के लिए पास्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो लेटर रिसर्च में वही बताया गया है कि बच्चा कंजर्व नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे ये कंजर्वेशन का उसको बच्चे को सीख मिलता है, धीरे धीरे सीखता है वो। और कंक्लूजन में आप बताएं कि प्री स्कूलर शो कंजर्वेशन ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन व्हेन आर नो डिस्ट्रैक्शन एंड व्हेन सिचुएशन इज फैमिलियर, मतलब कभी कभी कंजर्वेशन दिखाते हैं, कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होगा तो फिर हो सकता है, ठीक है। तो समस्त ओडिया पिला बुझी पाल कंजर्वेशन कौन कौन एक्सपेरिमेंट है इतना भले से लिखी पार चित्र भी कर दो। यस, आप लोग मतलब फिगर भी बना देना, ऐसे जैसे फिगर बनाए ना ऐसे बना के लिख देना, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसे ये क्वेश्चन का क्यू आर क्या है, कंजर्वेशन, एग्जाम में आया तो कंजर्वेशन, क्यू आर क्या है, पाइगेट एक्सपेरिमेंट, ये भी क्यू आर है, पाइगेट एक्सपेरिमेंट मतलब वही कंजर्वेशन के बारे में लिखना है, तो फिर आपको ध्यान दे के लिखना है पिला। अब किसी नहीं क्वेश्चन, चलो 7 नंबर क्वेश्चन, ओके ठीक है, स्पीड मेंटेन करेंगे अभी, अभी थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे, ये बहुत लेट हो गया नहीं, ओके चलो और आगे जाएंगे। क्वेश्चन क्या आ गया आपका क्वेश्चन, यस, व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, एक्सप्लेन हाउ द चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस कैन हेल्प द पॉजिटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब सेल्फ कंसेप्ट क्या है, बच्चे का रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, लालन पालन जो बोलते हैं, मतलब बच्चे का जो कैसे आप उसको केयर करते हैं उसको बोलते हैं। तो फिर ये अच्छा केयर लेने से बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट कैसे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये लिखा है आज द चाइल्ड एबिलिटी डेवलप्ड सी अचीव ए फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, सी रिकाउंट हर एबिलिटी सेइंग आई कैन जम्प हाई, आई कैन क्रॉस द रोड माई सेल्फ, मतलब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है जब वो बोलता है हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं अकेला नहा सकता हूँ, मैं अकेला ब्रश कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट, खुद के ऊपर बिलीव आना, सिंपली ये सिंपली गोटे एक वर्ड याद रखिए, खुद के ऊपर बिलीव आना बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि माई नेम इज़ देव, आई एम 5 ईयर ओल्ड, आई लिव इन भुवनेश्वर, ऐसे बच्चा बोलता है उसके बारे में तो फिर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छा हुआ। और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्सेप्ट भी लेटर ईयर, मतलब धीरे धीरे सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है बुरा होता है, अच्छा होता है मतलब अच्छा और डेवलपमेंट होता है ओवर द ईयर, द चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम मोर एलाबोरेट, वो अच्छा बोल पाता है। आज लेट से आप सोचिए, बचपन में आपको कोई पूछता है कि आपके बारे में बताइए, आप क्या आपका नाम बताए होंगे, आपका मम्मी का नाम बताया, आपका पिताजी का नाम बताया, भाई बहन के बारे में बताया, लेकिन आज पूछेगा, आज कोई आपको पूछेगा कि आपके बारे में बताइए तो बहुत कुछ है बोलने के लिए ना, हाँ कि नहीं। तो फिर ये धीरे धीरे ये एलाबोरेट होता है, बड़ा होता है ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, बुझी पाले समझते। तो सेल्फ कंसेप्ट के बारे में ऐसे लिखना है, मैं अच्छी से समझाया हूँ, आप जाके पढ़ लीजिए, फिर भी मैं आइडिया दे दिया ना, और आपको दिख रहा है चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस, यस क्वेश्चन जैसे था कि चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस हेल्प करता है क्या, यस यस हेल्प करता है, चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस कैन हेल्प द चाइल्ड डेवलपमेंट इन पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, द मेथड यूज बाय द पेरेंट सोशलाइज द चाइल्ड टू आर द अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड अवॉइड द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, दे आर द मेथड ऑफ द रीडिंग प्रैक्टिस। वो क्या बोल रहा है कि बच्चे को आप देखो, एक बच्चा गलती करेगा जो भी करे उसको पेरेंट्स कैसे समझा रहा है, दो टाइप का आपको मालूम है, आगे भी है क्वेश्चन, क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस दो टाइप का हो सकता है, एक है जो कि आपका केयरिंग वाला, ठीक है, जो कि आपका आगे हम देखेंगे, एक पावर ओरिएंटेड, एक अफेक्शन ओरिएंटेड, दोनों टाइप का आपका
रीडिंग प्रैक्टिस हो सकता है। तो फॉरवर्ड ओरिएंटेड मतलब ऑर्डर देना, अरे ये क्यों किया, अरे वो क्यों किया, ऐसे ऑर्डर देना जो कि सही नहीं है। और जो कि अफेक्शन ओरिएंटेड मतलब प्यार से बोलना, तो फिर जितना इसलिए लिखा होगा इसमें देखिए, अब अफेक्शन ओरिएंटेड बच्चे का केयर लोगे तो द अफेक्शन ओरिएंटेड वे ऑफ डिसिप्लिन इज मोर इफेक्टिव टू सोशलाइज द चाइल्ड। मतलब बच्चे को जितना अफेक्शन ओरिएंटेड आप क्या करोगे, इसका रियरिंग प्रैक्टिस करोगे, तो फिर उसका वो ज़्यादा सोशलाइज होगा, ज़्यादा अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा और बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा और आगे बढ़ेगा। वही चीज़ लिखा है, हो गया। ओडिया पिला कौन अच्छी सब तो ये तो कथा हो ना नहीं, तो पिला निज निज को केमी भले से बिलीव कर आग को बढ़ो तापाई तुम्हें कौन तार लालन पालन भल भाव करें तार डेवलपमेंट हे ना कौन ना यहाँ किसी लाभ कै हाँ सर लाभ कै तार जब भल से आम मानने भल पाइबा सहित आम केयर ने निहाती पिलार सेल्फ कनसेप्ट भल हम बोली से कथा ये लिखाई है। चलो आठवीं नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलो नंबर एट। ओके हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्लास चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, आप आराम, ऐसे नहीं कि एक दिन बैठ के सारना है, ऐसे नहीं है। एक हफ्ता लीजिए, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके पढ़िए। मैं बना रहा हूँ, मैं भी टाइम लेके बना रहा हूँ, आप भी टाइम लेके पढ़िए, टाइम है आपके पास, एग्ज़ाम आगे है, टाइम है, डोंट वरी। और हमारे साथ जुड़ जाइए, सारे चीज़ आपको मैं बोला, मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि क्या करना है, हमारे साथ कैसे जुड़ना है, क्या नहीं, एक एक भी क्लास एक क्वेश्चन के बाद बोला हूँ, फिर भी आपको नहीं देखा है तो एक क्वेश्चन के बाद जाइए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ तब बताया, नहीं तो लास्ट को फिर से बताऊँगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, अबे व्हाट इज मीन बाय एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, मतलब एक बच्चा सोचता है कि सारे चीज़ में लाइफ है। मतलब बच्चा देखता है कि ये चेयर है इसमें भी लाइफ है, बच्चा देखता है ये गाड़ी जा रहा है मतलब गाड़ी में भी लाइफ है, मतलब दिख रहा है खिलौना हिल रहा है इसमें भी लाइफ है। बच्चा सोचता है लाइफ सार चीज़ में है। प्री स्कूलर बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग, दे हैव इंटेंशन एंड फीलिंग एज वी डू। मतलब हमारा बच्चे मतलब हम हमारा जैसे फीलिंग है, हमें रोना आता है, बोलना आता है, जो भी आता है, जो फीलिंग है, ठीक है, और हमारा जो इंटेंशन जैसे मैं खाता हूँ, तो आपको देखा होगा ना, एक छोटा बच्चा है उसका खिलौना का मतलब वो कोई डॉल को खिलाता है, आप देखे होंगे, तो किस लिए खिलाता है, बोले मैं खाता हूँ ये भी खाएगा, ऐसे सोचता है बच्चा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म, और कुछ नहीं। हो गया खाना, ये क्वेश्चन कम्प्लीट, यस, और कुछ भी नहीं लिखा हूँ, वही एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ओडिया पिला अब मुझे भी सर कौन कह। चलो ऑटोनॉमी क्या है, जो मैं सेल्फ कंसेप्ट पढ़ा गया है ना, वही सेम चीज़ है ऑटोनॉमी। मतलब बच्चा खुद का काम खुद कर पाता है, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। व्हाट इज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स बीइंग एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, टू बी एबल टू मेक वन्स चॉइस। द टडलर डेवलप ऑटोनॉमी व्हेन पेरेंट एनकरेजिंग हर एफर्ट टू डू ऑन हर ओन। मतलब ऑटोनॉमी मतलब बच्चा खुद का काम खुद कर पाता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, और जो पेरेंट लोग हैं वो बच्चे को एनकरेज करना चाहिए ऑटोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए, खुद का काम खुद करने के लिए। वही चीज़ मैं लिखा हूँ इधर, ठीक हो गया। तो फिर इसमें क्या होगा, बच्चा खुद का काम खुद कर पाएगा, खुद सीख पाएगा। ऐसे दो मार्क का क्वेश्चन आया, पाँच मार्क का क्वेश्चन आया, आप आराम से लिख सकते हो। पिला ऑटोनॉमी कौन आने, पिला निज काम निजे करपरुच्छी, तापाई ताको बापा मामा माने ताको कौन से ध्यान देवा दरकार, केमती कौन से निजे कर सब काम, है ना, जहाद्वारा कि पिलार ओवरऑल डेवलपमेंट हम से कथा दे। चलो हो गया ऑटोनॉमी। हाँ सर, इसमें सब की वर्ड है, ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमी की वर्ड है, सेल्फ कंसेप्ट में सेल्फ कंसेप्ट की वर्ड है, एनिमिज्म में एनिमिज्म की वर्ड है, ये सारी चीज़ समझाना है। ऐसे व्हाट इज एनिमिज्म में पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ एनिमिज्म आर देयर इन चिल्ड्रेन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सर बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन हम आप तो पढ़ाए नहीं, अरे मैं एनिमिज्म पढ़ाया हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन में आपको पढ़ाया व्हाट इज एनिमिज्म, ये पूछा है बच्चे में कैसे एनिमिज्म होता है, तो फिर दोनों सेम है, आप प्लानिंग करके लिखिए। ठीक है, क्यू आर पकड़ना है। चलो आगे, इसमें जैसे क्यू आर अटैचमेंट, ठीक है,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म अटैचमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट द इन्फांट टू डेवलप बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट विथ केयर गिवर। अटैचमेंट क्या है, एक केयर गिवर क्या है, पहले तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर। केयर गिवर वो है जो बच्चे का केयर लेता है, वो उसकी मम्मी हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, उसका कोई भी हो सकता है, केयर गिवर कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि ओनली पेरेंट, कोई भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, यही है, और मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी आराम से देखिए, ऐसे नहीं कि एक दिन में ख़त्म कीजिए क्वेश्चन। लिखा है विद इन अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट मीन्स द अफेक्शन बॉन्ड और लाई बिटवीन द इंडिविजुअल चाइल्ड, और वही लिखा है अटैचमेंट थ्योरी में बताया, अटैचमेंट मतलब एक बच्चा और केयर गिवर के बीच जो बॉन्ड रहता है उसको अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, बच्चे का सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, क्योंकि बच्चे का वही बॉन्ड इसलिए बनता है कि बच्चा को लगता है कि मैं इधर सिक्योर हूँ, इधर में सेफ्टी मिल रहा है मुझे, और मैं इधर प्रोटेक्टेड रहूँगा, तो इसलिए ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। और चलो ये चीज़ें आपको लिखना है, मैं लिख दिया हूँ, चलो अभी नहीं आ उड़िया पिला बुझी गल तो कौन अटैचमेंट आ कौन केमी माँ सहित पिलार केयर गिवर सहित पिलार जो संपर्क भल पाया संपर्क सहीटा ही से अटैचमेंट ही सहीटा आईटा सेफ्टी सिक्यूरीटी आमर ठीक है प्रोटेक्शन ही यहाँ बनी था। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें की वर्ड आ गया इवोल्यूशन, इज क्या लिखा है, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू इवोल्यूट चिल्ड्रेन सफ Substantiate your answer with reason। आपको लगता है बच्चे लोगों को इवैल्यूएशन करना चाहिए, मतलब उनका चेक करना चाहिए, एग्जाम करना चाहिए, आपको लगता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, एस करना चाहिए, ठीक है एस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए पहला चीज़ है, आप किसी को जानोगे नहीं तो फिर इसको सिखाओगे कैसे, आप कौन है, आप जो पढ़ रहे हो आप कौन है, आप बनने वाले हो एक चाइल्ड केयर वर्कर, नहीं तो फिर आप बनने वाले हो एक एडुकेटर, मतलब आप एक शिक्षक बनने वाले हो, मतलब बच्चों लोगों का केयर लेने वाले हो, बच्चों लोगों को पढ़ाने वाले हो, इसलिए आप DC2 में साइंस आप कितना कुछ पढ़ रहे हो मालूम, अभी DC1 में सीख रहे हो कैसे बच्चों लोगों को केयर लेना है, DC2 में सीखोगे साइंस क्या है, DC3 में सीखोगे सब प्रोसीड्योर, तो मतलब आपको पूरा सारे चीज़ बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा बच्चों का डेवलपमेंट में, ठीक है। जो भी है जब आपका जॉब मिलेगा, नहीं तो कोई भी आप ये सर्टिफिकेट लेके कोई भी चाइल्ड केयर में सेंटर में जाइए, आपको तुरंत ही जॉब मिल जाएगा, तुरंत ही, अभी तो सब खुल रहा है, जॉब मिलने का इस सर्टिफिकेट के साथ बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट आ चुका है, अभी कोरोना की वजह से किसी को कोई जॉब में ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो मैं वो भी बताता, लेकिन अभी कोरोना क्लियर हो गया, अभी जॉब मिलना चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको हेल्पफुल होगा ये, मतलब क्लियर कर लीजिए, सर्टिफिकेट आ जाएगा 15-20 दिन में आपके पास, नहीं तो मैं हूँ, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, फॉर्म भरिए कंट्राडक्स फॉर्म, मैं पहले बताया दो एक एक नंबर क्वेश्चन के बाद बताया, वो भरिए, मैं आपको बिल्कुल कॉल बैक करूँगा। क्या हुआ, यस हाँ क्यों चाहिए इवैल्यूएशन करना, यस बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब आया फर्स्टली द इवैल्यूएशन चिल्ड्रेन वी कैन कम टू नो अबाउट देयर बिहेवियर देयर पेरेंट्स लेवल एंड इंफॉर्मेशन एंड द स्किल एंड एबिलिटी। पहला करना चाहिए क्योंकि बच्चे का लेवल जानेंगे, बच्चे को समझेंगे, बच्चे को बारे में जानेंगे, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ हमें समझेगा जब इवैल्यूएशन करेंगे। इसलिए जब बच्चा आएगा, इफ द इवैल्यूएशन हर तीन से चार महीने में एक बार इवैल्यूएशन बच्चे को करना चाहिए, जब आया तब करना है, हर 3 से 4 महीने में करना है और जाने से पहले करना है, तो फिर क्या होगा ना, हम समझ पाएंगे बच्चे का क्या स्टेज था, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और अभी कौन सा स्टेज है, तो ये सारे चीज़ मैं इधर लिखा हूँ फर्स्टली सेकेंडली थर्डली पॉइंट में। जैसे कि सेकेंडली लिखा है इवोल्यूशन कैन हेल्प द प्लान द करिकुलम, जैसे कि आप बच्चे को इवोल्यूशन करोगे तो इस हिसाब से प्लान करेंगे, लेट से हाँ इसमें बच्चों का डाउट है, ठीक है अब तो फिर इसके लिए कुछ करेंगे, अभी ये प्लान करेंगे, ये पढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, ये सारी चीज़ कब होगा, जब इवोल्यूशन करोगे, ठीक है। आप काउंटिंग प्रैक्टिस बच्चे को सिखाए हो, ठीक है, फिर भी गलत हो रहा है देख रहे हो, तो उसी हिसाब से और कुछ प्लानिंग कर सकते हो, कोई
जैसे कि बच्चे को ये पसंद, ये खिलौना पसंद है, वही खिलौना का बहुत सारे लेके आ जाओगे, ये एक खिलौना, ये दो खिलौना, ये तीन खिलौना, ऐसे करके बहुत कुछ आप एक्टिविटी बना सकते हो। इसीलिए जो भी है, इवैल्यूएशन कैन हेल्प यू टू प्लान करिकुलम एंड मेक इट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे का जैसे चाहिए उसी हिसाब से आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हो। तो फिर इसलिए सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द पेरेंट आस्क यू अबाउट हाउ द चाइल्ड बी डूइंग, यू विल एबल टू टेल देम द स्पेसिफिक थिंग। एक बच्चा मतलब पेरेंट आए आपको पूछेंगे हमारा बच्चा कैसे का, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, आपके पास स्पेसिफिक है, हाँ जब आया था इसका सिचुएशन ऐसे था, हम 3 महीने 4 महीने के बाद एग्जैक्ट एग्जाम उनका एक इवेल्युएशन किए थे, फिलहाल आपका बच्चा इधर है, मतलब अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि कम डेवलपमेंट हुआ है, कि हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बच्चे का इधर वीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे पास रहेगा। इसलिए आज ए चाइल्ड केयर सेंटर, आज ए चाइल्ड केयर वर्कर, आज ए टीचर, ये सारी चीज़ हमारे पास रहना चाहिए। फाइनली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन हेल्प द रेज द मोरल ऑफ द टीचर। कीपिंग इवेल्युएशन रिकॉर्ड हेल्प यू टू नो हाउ द चाइल्ड हैज़ ग्रोन देयर एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट। मतलब एक जो टीचर के हिसाब से, हाँ ये बच्चा मेरा अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो फिर मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे सारे एक वो टीचर के लिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आप अच्छा, जैसे कि मैं बोला एक बच्चा 90, मैं उसका नाम भी बोल सकता हूँ अभी, जो भी है, तो ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है, तो फिर मैं ऐसे कैसे बोलता, मुझे खुशी लगा कि हाँ मेरा बच्चा मतलब मेरे स्टूडेंट ने इतना अच्छा मार्क रखे, इसलिए खुशी लगा, इसलिए बोला आपको, तो यही चीज़ है। तो फिर एक टीचर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसका मोरल हाई होगा, हाँ, तो फिर मैं मतलब एक टीचर के लिए वो अच्छा लगा, मतलब मोरल हाई होता है इससे। तो वही चीज़ है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका DC1 DC2 DC3 सारे वीडियो में आपको दे दूंगा, ऐसे कंप्लीट करके तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है, हाँ और आगे चाहिए, तो फाइनली इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो ओडिया पिला एथेरे कौन अच्छी जे हूँ कथा बच्च पिला मानकर परीक्षा करिया दरकार, हाँ दरकार, जिते आस कर मझे 3 मास 6 मास थे कर, 3 मास 4 मास थर थर कर, जीवा बेलूपर भी तुम इवाल्युएसन तरह कर, जहाँद्वारा कि आम पिलार कौटी प्रोब्लेम अच्छे से ही दिग्गे आम तर डेवलपमेंट करवा है ना। लास्ट को आम थर्ड पॉइंट रूम कौन कहली ना, थर्ड पॉइंट कहली जहाद्वारा कि मैंने पिलार कौन डेवलपमेंट होती न होती कौ दिग्गे काम करके पड़े से दिग्गर प्रति तुम कर। चलो अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यस मैं बोल रहा था ना कि डिसिप्लिन कैसा है, डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ डिसिप्लिन, एक्सप्लेन व्हाई द अफेक्शन ओरिएंटेड वे ऑफ डिसिप्लिन इज मोर इफिशियंट एंड सोशलाइजिंग द चाइल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिसिप्लिन कितना टाइप का है पहला चीज है, तो और क्यों अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन बच्चे को अच्छा सीख देता है, अच्छा सोशलाइज करता है, समाज के साथ अच्छा मिलने के लिए मतलब सिखाता है। चलो देखेंगे, तो बोलेंगे डिसिप्लिन ऐसे सिचुएशन आता है बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, मतलब अरे बच्चा सब सीख के नहीं, मतलब जब उसका पैदावार सब सीख के नहीं आया ना, उसको सिखाना पड़ता है। हम भी ऐसे थे, हम भी कभी बच्चे थे आगे नहीं का क्या बोलते, मैं भी कभी छोटा बच्चा था, यस और कोई बच्चा था आगे नहीं, नहीं आज भी बच्चे जैसा रहिए आप खुश रहेंगे, छोटा बच्चा था नहीं मैं भी बच्चा हूँ बोलो, तो फिर आप खुश रहोगे लाइफ में जो भी है। क्या बोल रहा था, यस तो दो टाइप का अफेक्शन मतलब बच्चे को गाइड करना, मतलब इधर जो बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या है, बच्चे को गाइड करना, तो कैसे, दो टाइप का गाइड होता है, एक है अफेक्शन मतलब प्यार से, एक है पावर, ए चुप बैठ उधर ऐसे बोलना, ऐसा तो किसी को बोलना नहीं अच्छा नहीं, उसको बुरा लगता है, ठीक है। अफेक्शन ओरिएंटेड क्या है, पेरेंट पॉइंट आउट द कंसिक्वेंस ऑफ द चाइल्ड एक्शन टू हर, रीजन विथ हर अ फील और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसर्न फॉर द अदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग। क्या बोला है, बच्चे को समझाता है यार ये चीज़ अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे करने से ये प्रॉब्लम होगा, अब अच्छा चीज़ कीजिए, तो बच्चा समझता है, बच्चा इन्वॉल्व होता है इसमें, हाँ ये इसलिए नहीं करना है, बच्चा समझता है, ये अफेक्शन ओरिएंटेड है। व्हेन द डिसिप्लिन ऑफ द चाइल्ड दे लाइक टू से डोंट हिट, ओके ऐसे वही बोल रहा है कि बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो आपको दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसे बोलते हैं, उसको ऑर्डर नहीं देते हैं, वही लिखा है, ठीक है। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ के एग्जाम दीजिए, रट के नहीं,
फिर से बोल रहा हूँ आपको याद आ, मैं बोल दिया डिसिप्लिन। हाँ सर, सर बोले थे दो टाइप का, अफेक्शन पावर। अभी अफेक्शन में बोले थे प्यार से, क्या कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, या एक एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ। आपके बच्चे के बारे में सोचिए, आप कितना प्यार से उससे बात करते हो, वो लिख दीजिए। ठीक है, यस, वो भी ठीक होगा। ठीक है, और हाँ वो क्या लिखा है, यस मतलब अफेक्शन ओरिएंटेड जो है वो ज़्यादा सोशलाइज करता है। क्यों करता है, मैं नीचे लिखा हूँ। ठीक है, पावर ओरिएंटेड क्या है, ऑर्डर देना, ये रे वो मत कर, डू, आप ये करोगे तो आपको आज एक रूम में बंद कर दूंगा, आपको मार्केट नहीं जाऊंगा, आपको घुमाने नहीं जाऊंगा, ऐसे धमकी जैसा देना, इसको बोलते हैं पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिन, जो कि सही नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, सही नहीं है, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्यों सोशलाइज करने के लिए अफेक्शन ओरिएंट, क्योंकि बच्चा, पहला पॉइंट लिखिए, बच्चा इन्वॉल्व होता है, बच्चा समझता है, बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि क्यों ये नहीं कर, इसीलिए उसको ज़्यादा सोशलाइज होता है। द एनहांस द चाइल्ड सेंस ऑफ मॉरल वैल्यू बिहेवियर एंड प्रोमोट द सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द चाइल्ड एक्सेप्ट द पेरेंट्स रूल हर ओन, क्या बोल रहा है कि बच्चा जो रूल 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 जो बनाया अभी, जैसे कि ये नहीं करना है, ठीक है, ये चेयर इधर रहेगा, इसको उधर नहीं लेना, बच्चा समझता है चेयर इधर रहेगा तो मैं आके बैठूंगा, ये चेयर इधर उधर रहेंगे तो कोई आके उसका छोटा भाई आके गिर जाएगा उसके ऊपर टकरा के, तो उसको ऐसे बच्चा ऐसे उसका पेरेंट समझाया कि अरे उधर चेयर रखेंगे तो क्या होगा, नहीं तेरा भाई आएगा गिर जाएगा उधर, उसको लग के लग जाएगा उसको, चेयर इधर रह दे तो इधर बैठ के टीवी देख, ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ। तो यही चीज़ है, बच्चा समझ जाता है, बच्चा हाँ ये रूल सही है, नहीं मेरे भाई को लग जाएगा, वो समझ जाता है, तो फिर इसीलिए वो ज़्यादा सोशलाइज होता है। ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, समझ गया ना। चलो अभी देखना, उड़िया बिला कौन आओ अच्छी दी पकड़ गाड़ी, ए मैंने गाड़ी सो दी पकड़ पिलार डिसिप्लिन कर, गोटे हूँ रागिक तू ये करनी तू से करनी, आ गोटा हूँ प्यार से, हाँ ना नहीं पॉइंट गोटे जाणीगल से लिख अपनी कौन। चलो नेक्स्ट ओडिया मुवि लिखी देखीद। उसके बाद आ गया आपका पनिशमेंट, देखो वो हो गया अफेक्शन और पावर ओरिएंटेड की वर्ड समझ जाइए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका आ गया पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट भी एक अच्छा वाला कीवर्ड है। व्हाट इज पनिशमेंट, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द केयर गिवर शुड कीप इन माइंड एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, यस। और उसके बाद लिखा है द चाइल्ड फ्रिक्वेंटली पर्टिकुलरली फिजिकली, वही बोला कि पनिशमेंट क्या लिखा है, यस, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट द फ्रिक्वेंटली पर्टिकुलरली फिजिकल, ओके फिजिकली पनिशमेंट हो रहा है तो क्या नेगेटिव इफेक्टमेंट हो सकता है, द टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट क्यों बटा रहे, ठीक है। दो चार पॉइंट क्वेश्चन है इसमें, दो चार क्वेश्चन है, टाइमिंग क्यों, मतलब कौन सी टाइम पे पनिशमेंट देना है, और ज़्यादा फिजिकली पनिशमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये सारे चीज़ के ऊपर हम ध्यान दें। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट बेसिकली ये दो तीन टाइप का है, एक है फिजिकल पनिशमेंट, एक है वर्बल पनिशमेंट, एक विद होल्डिंग मटेरियल, एक विड्रॉल ऑफ लॉ, मतलब फिजिकल मतलब मारना वगैरह वो सही नहीं है, ठीक है, वर्बल पनिशमेंट गाली करना वो भी सही नहीं है, विद होल्डिंग मटेरियल आज तुझे ये खिलौना नहीं दूंगा मैं, ये क्यों कर रहा है, ये भी सही नहीं है, जो भी विड्रॉल ऑफ लॉ उसको ध्यान ही नहीं देना, बच्चा बोल रहा है मम्मी 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 आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये वाला कंडीशन है। चलो देखेंगे ये सारे चीज़ पनिशमेंट में जाता है। व्हाट आर द एस्पेक्ट कैरगिवर कोड इन माइंड, क्या पहला क्वेश्चन, मतलब पनिशमेंट देने वक्त क्या माइंड में रखना चाहिए। पहला है पनिशमेंट मस्ट बी कोटियसली, मतलब उसको समझाना है इसलिए तुम्हें मैं ये पनिशमेंट दे रहा हूँ, आप इसलिए इसे किए तो इसलिए दे रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो कभी नहीं, ये नहीं ये सही चीज़ नहीं, आप ये नहीं मत कीजिए, ऐसे समझाना है उसको, गिव ए रीजन, उसको समझाना है ऐसे नहीं करना चाहिए पनिशमेंट, ऐसे नहीं जाके अरे ऐसे क्यों किया मार के आगे, ऐसे क्यों किया गाली करके आगे, ऐसे नहीं करना है, उसको समझाना है। टाइमिंग, यस, आप मतलब वो कल गया मतलब लेट से वो जानबूझ के चेयर को जोर से फेंका था कल, आज उसको बोल रहे हो अरे तू चेयर क्यों जोर फेंका था कल, ऐसे नहीं, वही टाइम पे बोलिए, क्यों बच्चा भूल जाते, मैं बोला ना पहले बच्चा भूल ही जाता है वो कल क्या किया था, क्योंकि उसका टेंडेंसी वही है, वो याद नहीं रख पाता है, तो तभी कीजिए अरे ऐसे नहीं करना, तभी बोलिए उसको, वही बोलिए।
टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, जो पेरेंट अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन बच्चे को करते हैं, वो बच्चा का मतलब वो बच्चा अच्छा मतलब पनिशमेंट को समझ पाता है, वो गलती एक बार करता है दूसरी बार नहीं करता है। लेकिन जो बच्चा को पेरेंट आप पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिन करोगे, जितना भी पनिशमेंट दो वो समझेगा नहीं, क्योंकि आप कुछ नया नहीं किए, कल भी कर रहे थे जो आज भी वही कर रहे हैं, मतलब कल भी पावर ओरिएंटेड करते आज पनिशमेंट दे रहे हो, तो फिर क्या भाई कुछ समझ में नहीं आता उसको। तो जैसे कि लेट्स एक एग्जांपल देता हूँ, एक मम्मी एक मदर, ठीक है, वो अफेक्शन ओरिएंटेड से बच्चे को रोज मतलब डिसिप्लिन करता है, वो कुछ गलती किया बच्चा, ठीक है, तो ये जो विड्रलिंग एक पॉइंट था ना, विड्रल ऑफ लव, ऐसे मतलब मम्मी इग्नोर कर रहा है उसका बच्चे को इग्नोर कर रहा है, वो जितना बुला रहा सुन नहीं रहा, वो आज सोचेगा मेरा मम्मी तो इतना मुझे प्यार करता आज क्यों नहीं मेरा बात सुन रहा है, वो सोचेगा हाँ मैं इधर गलती किया था इसलिए नहीं बात कर रहा है मुझसे, मैं आज से गलती नहीं करूँगा, तो वह समझ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, यही गला। हाँ और कुछ था क्या? यस, एक हो गया कंसिस्टेंस। यस, आज एक गलती किया बच्चा, आज बोलोगे, कल किया कल नहीं बोलोगे क्योंकि आप बिजी थे, नहीं रोज बोलना है। जब गलती किया नहीं सर, ये जो उसका नाम जो है नाम लेके बुलाओगे कि ये सही नहीं, ये नहीं करना है, दो दिन के बाद वही सेम चीज़ किया तो ये नहीं करना है ऐसे, क्योंकि बच्चा कैसे समझेगा कि ये सही है कि गलत है, बच्चे को नहीं मालूम है, हमें मालूम है, हम बड़े हो चुके हैं, बच्चे को नहीं मालूम होता कि ये सही है कि गलत है, उसको रोज क्या है कंसिस्टेंट। और फेयर एंड माइल्ड मतलब ऐसे नहीं कि जोर से आप मतलब मारोगे कि ऐसे, थोड़ा वो भी ध्यान देना है, मतलब मीडियम नहीं तो लो, उससे ज़्यादा नहीं। और लिखा है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, ये क्वेश्चन हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट बच्चा पूरा ज़्यादा मतलब डर जाता है, तो फिर वो खुद का इनिशिएटिव कुछ भी खुद करेगा, कुछ जैसे कि ऑटोनॉमी हम पढ़ के आए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, वो सब डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हाँ आप वो वाला पॉइंट सब ऐड कर सकते हो सर, आप वो पॉइंट ऐड करोगे तो एग्जामिनर देखेगा ना ये बच्चे को मालूम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे का, इधर मैं लिखा हूँ कि नहीं लिखा मालूम नहीं, फिर भी आप बोल सकते हो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का ऑटोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि खुद कुछ नहीं करेगा, क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएगा, ये सारे चीज़ मैं बताया हूँ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा भूल जाता है, टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ वही टाइम पे बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। अरे पिला कौन पिला को गाली करिबो, पिला को झगड़ा करिबो, पिला को हैरान करिबो, आ तुम्हें ये सब कथा जाने ना मैं बुझेबी, तो जहाँ भी हो पनिशमेंट केत प्रकार ना चारि प्रकार, से चारि प्रकार जिनस ध्यान देवार अच्छे है, आ लिखिबार भी अच्छे जे हाँ टाइमिंग इम्पोर्टेंट यही क्या पिला तो सब भूली जाऊँ, तो जो टाइम जहाँ से बड़े ही कहबी हाँ ना नहीं। ओके, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज एन एग्रेशन ऑन चाइल्ड, व्हाट आर द फैक्टर इन द फैमिली दैट प्रमोट एग्रेशन इन द चाइल्ड। तो फैमिली में ऐसे क्या फैक्टर है जो कि बच्चे का एग्रेशन डेवलपमेंट करता है, एग्रेशन बच्चे में आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्या है तो आप लिखेंगे एग्रेशन क्या है कि व्हेन द टडलर आर अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड दे मे एक्सप्रेस देयर इमोशन बाय द बिहेवियर एग्रेसिवली। मतलब बच्चा जब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है वो क्या करता है उसका एक्सप्रेशन क्या करता है, वो एग्रेशन बिहेवियर दिखाता है, तो फिर वो क्या करता है किसी को मारता है, नहीं तो फिर मतलब कुछ भी कर देता है, हाँ कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन को हम कैसे मैनेज कर, नहीं तो घरवाली भी कुछ बोलता है, अब देखे होंगे बच्चे बोलते हैं ऐसी सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। और फैमिली के मतलब फैमिली के वजह से भी ऐसे होता है कभी कभी, जैसे कि मैं आगे भी दिखाऊँगा आपको, मतलब वही पावर ओरिएंटेड, मतलब इसका इतना नुकसान है, मतलब आप समझो मत, मतलब बच्चे को पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिन करना सही नहीं है, आप पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिन कर रहे हो तो फिर बच्चा उस खुद के अंदर मतलब इतना एग्रेशन उसको रहेगा कि नहीं मेरा मेरे साथ ऐसे होता है रोज, वो ज़्यादा लोनली फील करता है। वही चीज़ में लिखा हूँ इधर, क्या लिखा हूँ कि ये आपका एग्रेशन हो गया, एग्रेशन को कैसे मैनेज करना है, व्हाट आर द फैक्टर
प्रमोट एग्रेशन इन द चाइल्ड, पेरेंट्स आर द मॉडल ऑफ द एग्रेशन, मतलब देखता है कि मेरा मम्मी पापा ऐसे करते हैं, किसी को गाली देते हैं, कि जो भी है वो देखता है तो फिर वही सीखता है, नहीं तो मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे गाली देते हैं मैं जब गलती करता हूँ, वही उधर से ही उसका एग्रेशन डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ इधर लिखा है। ठीक है, लिखा है पेरेंट बिहेवियर टुवर्ड द चाइल्ड मे कॉज द चाइल्ड बिहेव एग्रेसिवली, पेरेंट हु आर हॉस्टाइल और रिजेक्टिंग टुवर्ड द चाइल्ड एंड इंक्रीज इन द चांस ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर एग्रेसिव, वही लिखा है, मतलब बच्चा पेरेंट बच्चे के साथ जैसे बिहेव करें उस हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब एग्रेशन आए, मतलब एग्रेशन आप पेरेंट के हिसाब, पेरेंट उसके बच्चे के साथ हॉस्टाइल बिहेव करेगा, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करेगा, गाली वगैरह रोज करेगा, तो फिर बच्चे का क्या होगा ना, एग्रेशन उसके अंदर आएगा, वही चीज़ आपको लिखना है। पेरेंट आर फिजिकली पनिशमेंट इनकंसिस्टेंटली एंड आर्बिटरी, मतलब फिजिकली पनिशमेंट जब मारना वगैरह करेंगे तो फिर क्या आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, वही चीज़ लिखा। ठीक है, बुझी पहले बिला, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं अच्छी से लिखा हूँ आपको देखिए इग्नो कहता है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप समझ गए ना, आप आराम से लिख सकते हो एग्रेशन क्या है, कि कभी कभी लिखा है, क्या लिखा हूँ, व्हेन द टैडलर अपसेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं किसी वजह से, उसका इमोशन को वो एग्रेसिवली दिखाते हैं, लेकिन ये कंडीशन में, जैसे कि मैं पेरेंट वाला कंडीशन बोला, ये जो पावर वाला कंडीशन बोला, ये कंडीशन में ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उनको पेरेंट ही घर से ही सब सीखने के लिए मिलता है, यही चीज़ है। ठीक है, चलो जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, और कितना रहेगा, और 25 नहीं, तो डोंट वरी पूरा कवर करेंगे, आपको टाइम निकाल के देखिए, मैं भी टाइम निकाल के बना रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, चलो, व्हाट इज एम्पैथी एंड अल्ट्रिज्म, हाउ कैन पेरेंट फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्पैथी एंड फोस्टर प्रो सोशल बिहेवियर इन द चाइल्ड, देखिए ये पहला बहुत अच्छा पॉइंट है, एम्पैथी क्या है, एम्पैथी इज एबिलिटी इमोशनल अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपुल फील सी थिंग ऑन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एम्पैथी मतलब कोई दूसरा बच्चा कैसे दूसरों का फीलिंग समझ पा रहा है, वो इसके बारे में क्या सोच रहा है, उसको समझ पाना को बोलते हैं एम्पैथी, और बच्चे के अंदर ये भी रहता है। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रिज्म क्या है, अल्ट्रिज्म इज द ऑन सेल्फिश कंसर्न और द अदर पीपल, मतलब किसी के लिए कुछ करना, खुद के बारे में नहीं सोचना, हाँ इसको बोलते हैं हम अल्ट्रिज्म, ये बच्चे का अंदर दिखता है, हाँ दिखता है। देखिए पहले तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एम्पैथी का, जैसे कि लेट से आप दिखे होंगे, आप उदास बैठे होंगे तो बच्चा आपको आपके साथ बात करेगा, मतलब वो भी मतलब समझ पाएगा आपको, आपको समझ पाएगा, वो आपके साथ बात करना चाहेगा, आपके साथ खेलना चाहेगा, आपको समझाना मतलब हक करना चाहेगा, ऐसे भी होता है आपको, देखा आप रो रहे हो तो वो रोना पड़ेगा, उसको रोता रोना आ जाएगा, तो ऐसे देखे वो केयर गिवर एक बच्चे के साथ देखोगे आपको, मम्मी हंस रहा, मम्मी खुश हो रहा है, वो भी खुश हो रहा है, तो ऐसे दिख रहा है आपको ना, तो ये सारे चीज़ होगा एम्पैथी में जा रहा है। ठीक है, दूसरों का फीलिंग समझ पाना, और अल्ट्रिज्म ऑन सेल्फिश मतलब खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, ये मेरा दोस्त है इसको मैं दे देता हूँ, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, द अल्ट्रिज्म इज द अन सेल्फिश कंसर्न ऑफ अदर पीपल डूइंग थिंग्स सिंपली आउट डिजायर फॉर द हेल्प। ठीक है, ये हो गया आपका पिला, बुझी पहला अल्ट्रिज्म कौन ना, एम्पैथी होती सहानुभूति जोटा कहे मैंने अन्य मान दुखरे दुख सुखरे सुख आउ मैंने किसी करवा यहाँ हूँ तुम एम्पैथी आउ तुम अल्ट्रिज्म मान हूँ कौन ना बिना सेल्फिश रे किसी भी करदे का क्वेश्चन कही हाउ कैन पेरेंट फर्स्ट बच्चे मतलब पेरेंट कैसे बच्चे का ये अल्ट्रिज्म मतलब ये एम्पैथी बिहेवियर कैसे बढ़ा सकते हैं, वह कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग द वार्मथ बीइंग केयरिंग टू द चाइल्ड, पहला पॉइंट वही ऑलवेज कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा केयर दीजिए, आपसे ही सीखेगा, याद रखिए पहला जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट टीचर इज कौन, मदर, यस ऑलवेज मदर व पेरेंट्स बोलेंगे हम। ठीक है, यस, क्योंकि एक बच्चा घर से ही सब सीखता है, याद रखिए कॉलेज स्कूल जो भी है प्री स्कूल जो भी है
पहले बच्चा घर से ही सीखता है, तो वो पहले स्ट्रंग कीजिए। कभी भी आप पेरेंट्स बनने जा रहे हो, बन चुके हो, ये चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। घर में, घर का माहौल, घर में कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी है प्रो सोशल बिहेवियर, उसको मतलब घर में अच्छा बिहेव करेंगे तो वो सीखेगा। अफेक्शन ओरिएंटेड कीजिए, और हाँ, अफेक्शन होना है, आप हो गए तो बच्चा ज़्यादा ये एम्पैथी सीखेगा। चलो 15 क्वेश्चन हो गया, अभी 16, अभी थोड़ा स्पीड आएगा। कैसे स्पीड आएगा, क्वेश्चन ही ऐसा है कि नहीं। तो क्या लिखा है, फ्रेंडशिप में जैसे बोला, आज उठते हैं 10 मिनट के बाद फिर से मिलके खेलते हैं। यस, नेचर ऑफ फ्रेंडशिप ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर क्या होता है। फ्रेंडशिप प्री स्कूल आर द मोमेंटरी प्लेमेंट, मतलब ये मिल गया आज इसके साथ खेलेंगे, वो मिल गया उसके साथ खेलेंगे, ऐसे रहता है प्री स्कूल ईयर में। यस, वो इतना ध्यान नहीं देते, इतना मतलब धीरे धीरे वो डेवलपमेंट, ये मेरा दोस्त है इसके साथ ही खेलूँगा, वो आगे होता है प्री स्कूल का ईयर में। मतलब प्री स्कूल समझ रहे हो कौन सा, 2 to 6 ईयर, जो प्री स्कूल ईयर, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा मोमेंटरी, ये पॉइंट लिखना, ये जो एग्जाम पॉइंट लिखना है कि मोमेंटरी प्लेमेंट्स, यस, मतलब वही टाइम पे खेलते हैं, फिर कल वही मेला खेलेंगे, नहीं तो और किसके साथ खेलेंगे। टू प्री स्कूल द फ्रेंड समवन हु प्ले विथ दैट टाइम, वही टाइम पे कौन खेल सकता है उसको बोलते हैं प्री स्कूल, मैंने फ्रेंड्स प्ले ऐसे होता है। प्री स्कूल्स आर नॉट कंसर्न अबाउट द लास्टिंग फ्रेंडशिप, मतलब ये मेरा दोस्त है लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो दो से छः साल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। वो ओल्डर प्री स्कूल रियलाइज, धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है वो समझता है, हाँ हाँ मेरा ये दोस्त है, मैं इसके साथ खेलूँगा, ठीक है। पॉइंट है गला, व्हाट आर द व्हाट रोल द प्ले क्या लिखा है, व्हाट रोल डू फ्रेंड्स प्ले फॉर द प्री स्कूल, मतलब वही जो फ्रेंड लोग उनके अंदर मतलब क्या रोल रहता है। बेसिकली फ्रेंड्स प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी, ये तो आपको मालूम है, मतलब इमोशनली अटैच होते हैं जो कि अच्छे रहता है। फॉर्म द चाइल्ड्स लर्न मेनी स्किल, दोनों मिलकर खेलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद वो दूसरों को देखे, वो अच्छा कर रहा है मैं करूँगा, ऐसे मतलब उनके अंदर कंपटीशन भी रहता है, वो अच्छा है। सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और एंजॉय करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे नेचर होता है वो भी बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स प्ले ड्यूरिंग द प्री स्कूल, तो आप प्लानिंग करके उसको लिख सकते हो। उड़िया बिलो बुझी पालो बोधे, और अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, व्हाट डू मीन बाय सेपरेशन एंग्जाइटी, ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चलो देखेंगे। तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, अभी थोड़ा स्पीड रहेगा, ठीक है, जल्दी से हम 25 नंबर तक चले जाएंगे अभी, हाँ 10-15 मिनट में, चलो। चलो, व्हेन वी ट्राई टू अप्रोचिंग इन्फेंट बिटवीन 5 to 12 मंथ ऑफ एज, वी नॉट फैमिलियर विथ यू, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहा है कि एक 5 साल का बच्चा के पास हम की इस 5 महीने का कि 12 महीने के बच्चे के पास आप जाओगे, वो आपको पहचानते नहीं, वो चौक जाता है, वो टेंशन हो जाता है, आप जाओगे तो वो रोने लगता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एंग्जायटी। द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट सच सिचुएशन आज फॉलोज, सी स्टडीज द स्ट्रेंजर, देखता है इसको मैं देखाऊँ क्या कहीं नहीं देखाऊँ, देन द फेस टाइटन, वो बहुत सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है उसका फेस, एंड सी बिगन चुक रहा है, ये आप देखेंगे वो रोना चालू कर देता है, तो यही चीज़ है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एंग्जायटी। और आपको इसमें समझ में आ गया स्ट्रेंजर एंग्जायटी क्या है, और क्या लिखना है इसमें, लिखना है कि टाइम पीरियड कौन सा, लिखना है कि सच एंग्जायटी बिगन अराउंड 6 मंथ एंड रिचेस इट्स पीक एट 8 मंथ, मतलब 6 महीने से चालू होता है, मतलब समझ पाता है ना, ये मेरा मम्मी है, ये दूसरा लोग कौन है, अरे बाबा ऐसे समझ जाता है, मतलब चौक जाता है वो, ठीक है। फिर 6 महीने से चालू होता है, 8 महीने में पूरा सबसे ज़्यादा रहता है, 12 महीने में क्या होता है धीरे धीरे वो 15 से 18 महीने तक वो क्या होता है मैनेज, वो फिर समझ जाता है कि हाँ सब लोग फैमिलियर है, कुछ टेंशन नहीं, वो समझ जाता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंजर एंग्जायटी। और सेपरेशन एंग्जायटी क्या है, वो सेम चीज़ है, जैसे कि वो उसका मम्मी के साथ उसका अटैच हो गया, अच्छा अटैच हो गया, अच्छा अटैचमेंट हो गया, मम्मी जैसे बाहर जाएगा वो रोना चालू कर देगा, वो टेंशन हो जाता है,
वही लिखा है, ठीक है। वही लिखा है कि लेटर लेटर है ना, ए लेटर आफ्टर इन्फान लेटर, लिटर नहीं लेटर, लेटर मतलब बाद में। बिकम द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर एग्जैक्टली समझ गए ना आपको, अभी वो जिसके साथ अटैच हो गया उसको, उसको मतलब उधर से सेपरेशन होने के लिए उसको डर लगता है, नहीं मम्मी चला गया वो डर डर लगता है, जिसको बोलेंगे सेपरेशन एंग्जाइटी। इसका भी टाइम पीरियड है 12 से 18 महीने तक ये पीक में रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है, फिर 20 दो साल जैसे हो गया उसको समझ में आता है हाँ मम्मी गया है, मम्मी 100% आएगा, उसको समझ में आ जाता है ये चीज़ें, ठीक है। ओके चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट कैन यू से दैट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, बोले कि आप कैसे बोल सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट एनवायरमेंट फैक्टर ऊपर डेवलप डिपेंड करता है। हाँ करता है, एक बार लिखा है, क्या लिखा है, द रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम क्लियर व्हेन वी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट, क्या है, नो चाइल्ड कैन लर्न लैंग्वेज टिल ही हियर अनस्पोकन, वो एक बच्चा नहीं सुन पाएगा तो कभी भी नहीं बोल पाएगा, ये रियलिटी है, ये भी सच है, कोई नहीं सुन पा रहा है तो कभी बोल ही नहीं पाएगा, कैसे बोलेगा, वो सुनेगा तो बोलेगा ना, तो इसलिए एनवायरनमेंट, अरे कहाँ से सुनेगा, एनवायरनमेंट मतलब क्या है, मतलब घर, घर एक एनवायरनमेंट ही है ना, मम्मी से कुछ सीखेगा, भाई से कुछ सीखेगा, फादर से कुछ सीखेगा, ये सारे चीज़ को ही एनवायरनमेंट बोलेंगे, तो फिर मतलब वही लिखा है कि वो सुनना सुन पाएगा तो हो सकता है नो ओके। उसके बाद क्या लिखा है, द ई चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज सी हियर सी स्पीक वे हियर इट, जैसे सुनता है ऐसे बोलता है। चिल्ड्रेन लिविंग इन द इंस्टीट्यूशन शो द लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हेन द केयर गिवर स्टिमुलेट द चाइल्ड हर लैंग्वेज, यस केयर गिवर जितना स्टिमुलेशन मतलब कुछ अच्छा मतलब सिचुएशन क्रिएट करना जैसे कि बच्चा सीख पाए, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए केयर गिवर क्या कर सकता है, स्टोरी सुना सकता है, कुछ सॉन्ग गा के सुना सकता है, तो फिर बच्चे लोग सुनेंगे तो सीखेंगे, यही चीज़ है, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपका हो गया लिस्ट फोर वे, मतलब एक केयर गिवर कैसे बच्चे के, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि केयर गिवर कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में हेल्प कर सकता है। ए कैरिगिवर कीप देयर लैंग्वेज सिंपल व्हेन टकिंग दो इन्फेंट, जैसे इन्फेंट के साथ बात कर रहा है तभी उसका लैंग्वेज क्या करना कर सकता है, सिंपल रख सकता है, वो ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज करेगा तो समझ में नहीं आएगा उसको, है ना, नहीं तो कैरिगिवर को क्या करना है कि सिंपल वर्ड यूज करना है तो फिर बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। दे शो द डिजायर्ड डिस्क्राइब, दे शो एंड डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट, मतलब दिखाना चाहिए ऑब्जेक्ट और डिस्क्राइब भी करना चाहिए, ठीक है। दे कमेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे के आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी कमेंट करना चाहिए, बताना चाहिए, तो फिर बच्चा सीखेगा, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट वो सुनेगा तो, जैसे कि मैं बोला ऊपर वाला क्वेश्चन में, सुनेगा तो बोलेगा, तो सुनाने के लिए तो कोई होना चाहिए, वही क्या के बार वही चीज़ है और क्या। दे ऑल्सो प्ले लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज गेम और उसको एनकरेज करना चाहिए कि आप भी बोलो, तो ये सारे चीज़ एक केयर गिवर कर सकता है, ठीक है। चलो आगे ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया लिस्ट द एक्टिविटी दैट यू वुड प्लान फॉर इन्फेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, एक क्वेश्चन है जस्ट आपको आपको जानने के लिए, एग्जाम में आया था इसलिए लिख दिया हूँ, फिर भी ऐसे आपको समझ आए कि कुछ जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए नहीं मतलब उसको अच्छा लगने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या एक्टिविटी कर सकते हो, उसको हग कर सकते हो, उसको कडल कर मतलब उसको उसके साथ कुछ टॉय जैसा गेम से खेल सकते हो, एक क्या न्यू बॉर्न बेबी मतलब बेबी जस्ट पैदा हुआ 2 महीना हुआ 4 महीना हुआ उस सिचुएशन में, तो ऐसे करते हो उसको ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, जैसे कि मैं दिया हूँ है कि नहीं, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 से 3 महीना हुआ है बच्चे को उसके साथ क्या सकते हो, ट्रैकिंग द साउंड, साउंड वाला कुछ आप कैसे करोगे तो फिर उसको अच्छा लगेगा और आप देखेगा, जैसे कि ऐसे वाला एक सिचुएशन किया हो तो फिर ये हो गया ट्रैकिंग द साउंड, ट्रैकिंग द वैसे ऑब्जेक्ट एक कुछ ऐसे लगा के लटका के ऐसे हिला गए तो फिर उसको अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें
उसको मसाज कर सकते हो, है कि नहीं। ये सब एक्टिविटी है, कौन क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है, मैं लिखा हूँ आप देखिए, ठीक है। और सिंगिंग, उसके साथ बात कर सकते हो, कुछ सिंगिंग टॉकिंग ये सारी चीज़ कर सकते हो। 3 to 6 ईयर, 6 मंथ हो गया, तो फिर उसके साथ क्या कर सकते हो, कुछ दूर में एक ऑब्जेक्ट रख के उसको बोलेंगे आ जाओ मेरे पास, आ जाओ ये ले लो, तो फिर ऐसे कर सकते हो। तो फिर बच्चे का अच्छा ओवरऑल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या बोल रहा है कि मेरे स्पेस नहीं है, थोड़ा 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 डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा अभी, मैं भूल गया थोड़ा, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं स्पेस तुरंत ही बना लेता है अभी। किधर रहेगा, टोटल काइन मिनिस्ट्री हटा देंगे, ठीक है। नो यस, थोड़ा एक्सपर्ट हटा देंगे अभी, शायद हो जाएगा स्पेस। देखें कितना स्पेस हो गया, 52 नहीं और चाहिए, सॉरी एक्चुअली स्पेस में एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए स्पेस कम गिर रहा है बोल रहा है। और किधर है स्पेस, और किधर है, थोड़ा थोड़ा, डोंट डरी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये प्रॉब्लम में सेट आउट कर दूँगा, वीडियो में रहेगा। चलो वीडियो, वीडियो और डी सी एम, यस यस, रिस्टोर नहीं चाहिए कैमरा, इस कैमरे में सेट करेंगे, सेट बाय बिगर टू स्मॉलर, हाँ ये खाली कर लेंगे, ठीक है। ये जितना भी दिख रहा है इसको खाली कर लेंगे, और ये सब डिलीट कर लेंगे, जाने दो, बहुत था। कुछ मैं खाना बनाता हूँ, ब्लॉग चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए आओ, इतना खाली कर देंगे तो हो जाता। हाँ, ब्लॉग चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वायरल स्टूडेंट जोन, वायरल क्या है, भूल गया मैं, ब्लॉग चैनल वायरल स्टूडेंट ब्लॉग चैनल नाम है, ठीक है, अब सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अभी बहुत खाली हो गया, अभी टेंशन नहीं, ठीक है, चलो पढ़ेंगे। सॉरी इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन क्या करेंगे, क्लास के अंदर ऐसे सिचुएशन आ गए तो क्या करेंगे, ठीक है, चलो। हाँ, तो फिर दूर में रखे ऐसे बुला सकते हैं उसको। उसके बाद क्या हो गया आपका, उसको एक्टिविटी दैट मोटिवेट हर टर्न हर साइड, मतलब उस साइड को सोया है उसको कैसे मोटिवेट करो, उस साइड को देखिए, उस साइड को देखिए, तो फिर ये सही है, उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा उसमें। और साउंड कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो जैसे कि मैं बताया, ठीक है, ये सारे चीज़ आप कर सकते हो बच्चे के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, केयर गिवर हो आप क्या कर सकते हो। द केयर गिवर कैन हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द इन्फेंट स्टिमुलेट एक्सपीरियंस इन कीपिंग विथ इन्फेंट लेवल अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको कुछ स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कैसे वो समझ पाएगा जो भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसी हिसाब से स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। स्टिमुलेशन का मतलब क्या, एग्जाम में व्हाट डू मीन बाय स्टिमुलेशन फॉर द चाइल्ड। स्टिमुलेशन इज अ थिंग बाय व्हिच वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो और अंडरस्टैंड और डेवलप हर एबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब स्टिमुलेशन ये चीज़ है जिसमें बच्चे का को ओवरऑल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। द कैरेबियर मस्ट प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ प्ले मेटेरियल, ज़्यादा प्ले मेटेरियल दोगे तो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा खेलेगा, और उसके साथ बात करोगे, गाना गाओगे, सारी चीज़ उसको कैरेबियर कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद 22 में बोल रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स क्या है। मोरो रिफ्लेक्स ये है कि बच्चे को आप थोड़ा क्या लिखा है, ऑन हियरिंग ए लाउड साउंड और रिसीविंग फिजिकल शॉक द चाइल्ड इन्फेंट आउट हर आर्म एंड आर्स हर बैक, मतलब वो ऐसे हाथ खुला कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ग्रास्पिंग कुछ पकड़ लेना। टॉनिक नेक मतलब वो क्या लिखा है, इन्फेंट हेड इज टर्नड वन साइड द आर्म एंड लेग दैट साइड एक्सटेंड
विथ वाइल दोज आर अदर साइड, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा और रूटिंग रिप्लेस दिखा देता हूँ। इधर देखिए, ये हो गया आपका टॉनिक नेक, ये दिख रहा है ना, इसको ऐसे मतलब एक साइड में वो साइड में ऐसे हाथ करके ऐसे बच्चा रहता है, मोरो रिफ्लेक्स ऐसे हाथ खुला कर देता है। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया ग्रास्पिंग, जैसे कि मैं बोला ये हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको ध्यान देना है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको छोटा छोटा दुम्मा का क्वेश्चन आ सकता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो मैं लिखा हूँ ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द इफेक्ट इन एडिक्वेट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड द बेबी। मतलब बच्चे को और मम्मी को, मदर को आप प्रेगनेंसी के टाइम पे सही से डाइट नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम है, क्या लिखा है, देर आर द रेंज ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद द मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन सिचुएशन आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, देर इज ए रेंज ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद द मैटरनल अंडर द न्यूट्रिशन, इट कैन अफेक्ट द बोथ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द डेवलपिंग बेबी एंड द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। मतलब मम्मी को भी हो सकता है और बच्चों को भी हो सकता है, इसलिए आपको ये से सिचुएशन नहीं लाना है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वही चीज़ में लिखा हूँ, चलो देखो क्या हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा, ओके थोड़ा थोड़ा, यस। क्या लिखा है कि हाँ क्या हो सकता है ना, बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड एज, एक तो हो गया आपका माल न्यूट्रिशन और एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ये दोनों सिचुएशन होता है, एक माल न्यूट्रिशन हो गया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गया। माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन अकर ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूम्स, मतलब कम खाना खाएगा तो फिर क्या होगा, तो माल न्यूट्रिशन सिचुएशन आएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या है, मतलब जो चाहिए, जैसे कि आपका आँख सही रहने के लिए विटामिन ए चाहिए, हाँ कि नहीं, तो विटामिन ए आप नहीं खाओगे उसके, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाओगे तो फिर आपका क्या होगा, बाद में आपका जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं तो और जो भी है वो डिजीज हो सकता है। तो यही चीज़ है, तो फिर ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, वही चीज़ में लिखा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके चलो आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बोल रहा है कि इन व्हाट डज एक्सेसिव स्मोकिंग एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल द प्रेग्नेंट वोमेन हार्म द बेबी। मतलब ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करेंगे तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। यस, एक ही चीज़ याद में रखिए, यस बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सभी में सेम है, प्री मैच्योर बर्थ मतलब जो 9 महीना उससे पहले बर्थ हो जाएगा वो प्रॉब्लम है। लो बाथ वेट, जो बाथ वेट आपका 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए, उससे कम होता है वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद इनकैपेसिटेंसी ऑफ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी सही नहीं रहता है, इस कंडीशन सिचुएशन आ जाता है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। और मैं एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है, कि ना मम्मी मतलब जो मदर है वो अल्कोहल ज़्यादा मतलब प्रेग्नेंट समय ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है क्या, वही लो बर्थ वेट प्रीमैच्योर बर्थ, वही चीज़ लिखा हूँ, ठीक है। लो बर्थ, हाँ लो बर्थ साइज भी, साइज में भी चेंज हो सकता है, और प्रॉब्लम इन ईटिंग स्लीपिंग, प्रॉब्लम इन सीइंग एंड हियरिंग, बच्चे का खाने पीने में दिक्कत होगा, वो नहीं दिख पाएगा, इस सिचुएशन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, नहीं कभी भी नहीं करना है प्रेगनेंसी टाइम पे, तो छोड़िए, ओके। और स्मोकिंग, ये भी वही चीज़ है, स्मोकिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं लिखा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ सब उड़े बिला तो बुझी पड़ो नहीं कौन है अच्छे हो है ना, नहीं तो थे मैं लिखी बट बुझी पड़ो समझते। देखो आगे 25 नंबर पे, कितना 15-20 मिनट ही हुआ, यस ज़्यादा 15 मिनट भी हुआ, 15 मिनट में 25 में और 15 क्वेश्चन है, कवर लेकिन जाना नहीं 15 मिनट, ये और आधा घंटे या 45 मिनट में और 15 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, उसके बाद 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा और एग्जाम के लिए टिप्स दूंगा
और आज का टिप्स मतलब क्या करना है, और उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा हमारे साथ कैसे जुड़ना है, क्या करना है, क्या करना है, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ना है, कुछ भी डाउट है तो मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो, सारे चीज़ मैं बताऊंगा और क्लास को एंड करेंगे भाई, ये वीडियो को एंड करेंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियो को चारों ओर शेयर करना है। मैं नीचे भी ये एक नंबर क्वेश्चन है, ये दो नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन, ऐसे मैं लिख दूंगा, कोई भी क्वेश्चन में आप टच करके डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसे बना दूंगा मैं, ये एक पॉइंट कर आपको हेल्प करूंगा। और दूसरी बात, आपको वीडियो को चारों ओर शेयर करना है, जितना शेयर करोगे ना बच्चे आएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो फिर क्या होगा, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो आगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा है, एक्सप्लेन द डिटेल इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन, देना क्यों इंपॉर्टेंट है, सच में ज़रूरत है क्या? अरे कैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना। प्रोवाइडिंग फ्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन द एज 3 to 6 ईयर इज इम्पोर्टेंट एज चिल्ड्रेन गेन वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्री स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी पिया नहीं, कितना क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन हो गया, पानी पिया नहीं। ओके चलो, यस बहुत इम्पोर्टेंट है। दे डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर चिल्ड्रेन बाय प्रोमोटिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी मतलब क्या है, जैसे कि बच्चे को ये प्री स्कूल में क्या होता है ना, वेरियस फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, मेंटल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसलिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, चिल्ड्रेन प्री स्कूल अटेंड करने से क्या होगा, बेटर प्री रीडिंग स्किल, मतलब प्री रीडिंग समझ रहे हो ना, प्री स्कूल मतलब क्या है, 2 से 6 साल के अंदर बच्चा एक स्कूल में जाता है, उधर बहुत कुछ सीखता है। 6 से 12 साल जो हुआ उसको हम स्कूल एज बोलते हैं, उसी टाइम पे बच्चे का जो मिडिल चाइल्डहुड जो है उसी टाइम में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सारी चीज़ होता है। तो उससे पहले प्री रीडिंग स्किल मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, सारे लेटर क्या है, जो भी है ये वाला स्टडी के बारे में नहीं, तो कैसे किसके सबके साथ मिलना है, बोलना है, कैसे खेलना है, सारी चीज़ वो समझ जाता है, पहले समझाया हुआ है उसको, तो इसलिए प्री रीडिंग स्किल वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर वोकैबुलरी बहुत कुछ सीख जाता है, और स्ट्रांग बेसिक मैथ और मैथ भी समझता है, तो इसलिए प्री स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखा हूँ कि इम्पोर्टेंट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन क्या क्या देते हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो इसे लिखना है। प्रोवाइडिंग फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग का फाउंडेशन देते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू बी स्ट्रक्चर, सारे चीज़ स्ट्रक्चर में समझते हैं, उसके बाद ABC 1 2 3 वो सारी चीज़ समझते हैं, और फिर इमोशनल सोशल बनाना, चूँकि दोस्त के साथ मिलते हैं सारी चीज़ समझते हैं। मैं इसको साइज करके लिखा हूँ, जैसे कि प्रोवाइडिंग प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, क्या लिखा है, प्री स्कूल टीचर टीचर्स ऑफर ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ गेम्स एंड एक्टिविटी दैट हेल्प देम टू एक्वायर नेसेसरी एकेडमिक एज वेल एज द सोशल स्किल व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग। क्योंकि आप प्री स्कूल में जाओगे तो बहुत कुछ गेम्स वगैरह सारी चीज़ उसको सिखाते हैं, दिखाते हैं, तो फिर सीखता है वो, तो सारी चीज़ उसको डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, वही चीज़ लिखा है, देखो, प्री स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी स्टूडेंट और चिल्ड्रेन टू बी स्ट्रक्चर सेटिंग, टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रेन आर दे आर लर्न हाउ टू, सारी चीज़ वो सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन से कैसे समझना है, क्या करना है वो सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और बोला कि ABC 1 2 3 जो कि बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ समझते हैं। उसके बाद हेल्प द सॉल्विंग देयर वेरियस क्वेश्चन, आस्क देयर आर क्यूरियस, बच्चा लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ कि नहीं, घर में आप बिजी रहोगे, मम्मी बिजी रहेगा, तो फिर कौन सा उनका क्वेश्चन सॉल्व करेगा, लेकिन प्री स्कूल में भेजेगा तो उनका काम वही है, तो बच्चा जो पूछेगा, हाँ सर ये क्यों गोल है, ये इतना गोल क्यों हुए, सर ये क्यों इतना ऐसे दिख रहा है, तो जो भी पूछेंगे प्री स्कूलर टीचर जो है आप जैसे बनोगे, आपको बच्चा जो पूछेगा उसको डांटना नहीं, अरे चुप बैठ नहीं, उसको हाँ ये इसलिए है, वो इसलिए इसे समझाना है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चला आगे। कंक्लूजन में क्या लिखा है, प्री स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, विल हेल्प देम द फ्यूचर लाइफ ऑफ टैकलिंग वेरियस इश्यूज। यस, होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्री स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो और आगे जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पिला ओडिया पिला किसी नाई रे ओवरऑल डेवलपमेंट पे प्री स्कूल एजुकेशन बहुत इंपोर्टेंट से हम प्री स्कूल एजुकेशन दबा दरकार पिला को तापर कहि डिस्क्राइब द वेरियस फाइव बिहेवियर ऑफ वन ईयर चाइल्ड विथ गिव एविडेंस ऑफ द थिंकिंग एबिलिटी डिस्कस हाउ द प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फर्स्ट टू ईयर। क्या बोल रहा है आप कुछ एग्जांपल दीजिए कि बच्चे का थिंकिंग डेवलपमेंट हुआ है एक साल में क्या क्या बच्चा करता है इसलिए थिंकिंग डेवलपमेंट हुआ है तो फिर बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहला चीज़ है देखो बच्चा क्या करता है दूसरों को इमिटेट करते हैं मतलब इमिटेट मतलब क्या है मतलब ऐसे पुलिस 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 जैसे दिखता है ऐसे वो बिहेव करते हैं मैं पुलिस हूँ तू चोर है ऐसे करते हैं ना डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं मैं डॉक्टर हूँ उसके डल को खिलाते क्या हुआ है पूछते हैं ना तुम्हारा क्या हुआ है बुखार हुआ है ऐसे पूछते हैं तो ये सारे चीज़ बच्चे लोग इमिटेट करते हैं एडल्ट जैसे आप दूसरों को देखते ऐसे करते हैं। रिमेंबर गेम्स मतलब कोई भी गेम उसको याद रखते हैं। रेस्पेक्टिंग हिज नेम मतलब आप उसके नाम लेके पुकारोगे तो वो सुनेगा तो ये सारी चीज़ तो दिखता है ना उसका थिंकिंग डेवलपमेंट हुआ है। थिंकिंग डेवलपमेंट इज नथिंग बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको याद रखना है ठीक है। रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स ये सारी चीज़ मैं लिखा हूँ उसको साइज करके लिखा इमिटेशन ऑफ एडल्ट क्या है एग्जांपल लिखा है इफ समवन डांसिंग सी ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग कोई डांस कर रहा है खुद डांस कर रहा है बच्चा। अब कोई देखे होंगे बाराती में कोई बच्चा खुद उसको कोई नहीं बोलता कि डांस करो खुद डांस करने लगता है तो फिर वो इमिटेट करता है वही चीज़ है। रेस्पेक्टिंग हिज नेम जैसे मैं बताया कोई बुलाएगा जस्मिन तो वो सुनेगा तो फिर रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर्स मतलब ये मेरा भाई है ये मेरा बहन है ये मेरा मम्मी है वो समझता है तो ये सारी चीज़ें। रिमेंबर ये गेम का क्या बेसिक रूल है हाइड एंड सीक गेम खेल रहा है बच्चा जैसे एक दो तीन कोई बोलना चालू करे वो छुप जाएगा जाकर उसको मालूम है ये गेम का रूल है तो याद रखता है वो सारी चीज़ें ठीक है और इंस्ट्रक्शन समझता है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है टेक्निक टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कैसे कर सकते हैं मैं लिखा हूँ प्ले विथ योर चाइल्ड बच्चे के साथ खेलना है लेट हिम टू एक्सप्लोर मतलब कॉग्निटिव कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे बच्चे का कर सकते हो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपको याद नहीं रखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ। प्ले बच्चे के साथ खेलिए बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए उसको साथ कुछ पिक्चर बुक वगैरह रीडिंग करने के लिए दीजिए उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कुछ सोचने के लिए पजल गेम दीजिए। मैं उसके बारे में भी थोड़ा लिखा हूँ ये अच्छा वाला क्वेश्चन गया है 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है मैं आशा करता हूँ इस बार एग्जाम में आपको आए और आप लिखिए क्योंकि मैं अच्छे से समझाया हूँ आपको ठीक है। चलो हो 27 नंबर क्वेश्चन कुआड़े गलो रे असरे यस क्या लिखा है कि आपके पास क्या क्वालिटी क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि आप एक अच्छा कैरगिवर बन पाओ। डिस्कस द एटीट्यूड एंड क्वालिटीज व्हिच आर नेसेसरी टू फॉर वर्किंग एज ए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर होने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए पहला चीज़ क्या है कि आप एनर्जेटिक रहना चाहिए आप केयरिंग नेचर होना चाहिए नहीं तो फिर जाएगा सब। आपका पेडागोजी में मतलब कैसे पढ़ाना है उसका नॉलेज होना चाहिए पेशेंस वो तो सबसे ज़्यादा चाहिए नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे सर मतलब बच्चे लोग एक ही बात 10 बार पूछेंगे तो पेशेंस होना चाहिए ठीक है। उसके बाद इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आप खुद क्रिएटिव होना चाहिए क्योंकि बच्चों को एक ही चीज़ बार बार अच्छी नहीं लगेगा आपको दूसरा कुछ करके दिखाना है ठीक है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सिचुएशन ऐसे होता है कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है आपको खुद को वो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना है। पैशनेट अबाउट टीचिंग टीचिंग के बारे में आपको ज़्यादा फैशन रहना चाहिए फ्लेक्सिबल मतलब आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए कोई सिचुएशन गलत हो गया उसको कैसे ठीक करना है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और गुड कम्युनिकेटर मतलब आप खुद बोल पा रहे हो वो होना चाहिए और खुद गुड लिसनर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप बच्चे का भी सुन रहे हो अच्छा नहीं सुनोगे तो कैसे होगा। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए और उसको अच्छे से मैं समझाया हूँ आप आराम से पढ़ सकते हो अच्छा वाला पॉइंट देके मैं समझाया हूँ। और कंक्लूजन में क्या लिखना है ये प्री स्कूल टीचर शुड हैव नंबर ऑफ स्किल विथ डील विथ द लिटिल किड शुड जो भी पॉइंट लिखा सारे चीज़ें रहना चाहिए एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सारे पॉइंट उसके पास रहना चाहिए क्लियर ओके। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिंदी पिला ओडिया पिला मु सब बुझेदेली भले से पढ़ एग्जाम भले से दबो नहले
28 नंबर क्वेश्चन नाले क्या लिखा है सजेस्ट द फाइव स्ट्रेटजीज फॉर द पेरेंट यूजिंग व्हिच दे कैन हेल्प देयर इन्फेंट एक्वायर लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट ईयर. मतलब लैंग्वेज मैं जैसे कि ऑलरेडी बताया के आया हूँ कि एक साल का बच्चा है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट आप क्या कर सकते हो. अरे पेरेंट्स शुड कीप देयर लैंग्वेज सिंपल में बोल के आया ना, उसका लैंग्वेज सिंपल रखना चाहिए. मतलब आप कोई हाई फाई लैंग्वेज में बात करें बच्चे को समझेगा कैसे, सिंपल रखना चाहिए. व्हेन इन्फेंट इज अराउंड 4 to 5 month एज पेरेंट बिगन टू शो द टॉय एंड हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट. मतलब जैसे 4 से 5 महीना हो गया बच्चे को, अब दिखाए ये चेयर है, ये है टॉय वगैरह, देखिए ये है बॉल है, ये डॉल है, ऐसे सारे चीज बताइए बच्चे को, बात करो उसके साथ. 6 to 7 month हो गया तो फिर कोई एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसके बारे में बात कीजिए, ये सारे चीज के बारे में बात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद जो आजू बाजू में जो हो रहा है, देखो उधर ये जा रहा है, वो हो रहा है, बस जा रहा है, ऐसे आजू बाजू में जो हो रहा है उसके बारे में बोलिए, तो फिर बच्चे का ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा. और लास्ट में बताया 9 से 10 महीना हो गया तो उसके साथ लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सिंगिंग डांसिंग नहीं जो भी है ये सारे चीज़ कर सकते हो, लैंग्वेज रिलेटेड काम कर सकते हो जो कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. जैसे कि हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, ऐसे बोलते हैं ना, हेलो बोलो बेटा, हाई कर दो, हाई कर दो, ऐसे बोलते हैं ना. क्यों बोलते हैं, ये नेसेसरी, ये स्टडी है, पेरेंट को मालूम होता है ये नेसेसरी. अब आपको नहीं बोलना कि ऐसे क्यों कर रहे, नहीं वो ज़रूरी है. ठीक है, कंक्लूजन में इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंस इन द लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वही लिखा है. ठीक है चलो 29. यस, इम्पोर्टेंस ऑफ अटैचमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये भी ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, पढ़ा के आया हूँ कि ऐसा अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना अटैचमेंट बच्चा रहेगा उतना सेफ फील करेगा, उतना सिक्योर फील करेगा, और फिर उसका वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि बच्चा जितना एक्सप्लोर करेगा उसका खुद का इतना डेवलपमेंट होगा. तो इसके लिए अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. अटैचमेंट और द अटैचमेंट बॉन्ड इज यूनिक इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन योर बेबी एंड यू. ये हो गया व्हाट इज अटैचमेंट. उसके बाद इट इज़ द की फैक्टर इज द वे ऑफ इन्फेंट बीइंग ब्रेन ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ एंड हाउ द चाइल्ड डेवलप सोशली इमोशनली इंटेलेक्चुअल फिजिकली. इतना लिख दिया ना, आज बहुत अच्छा लिख दिया. यस, मतलब एक बच्चा का अब अटैचमेंट होने के बाद वो सोशली इमोशनली इंटेलेक्चुअली फिजिकली वो गुड फील करता है, जो गुड फील करता है वो आगे जाएगा, हाँ कि नहीं, वो अच्छा एक्सप्लोर करा सीखेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट का. चलो लिखा है सिक्योर अटैचमेंट, एक बच्चा सिक्योर अटैचमेंट होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, ईगरनेस टू लर्न, बच्चा सीखने के लिए रेडी रहेगा रोज, क्योंकि उसको सारी चीज़ सिक्योर अच्छा मिल रहा है. हेल्दी सेल्फ अवेयरनेस, वो खुद समझ सकेगा ये सही है ये गलत है. उसके बाद ट्रस्ट, एक ट्रस्ट रहेगा. उसके बाद कंसिडरेशन फॉर अदर, दूसरे के बारे में भी सोचेगा. ठीक है, दूसरे के बारे में भी बच्चा सोचेगा, तो ये सारे चीज़ रहेगा. चलो उसके बाद 30 ऑटोनॉमी, ऑलरेडी पढ़ा के आया. ऑटोनॉमी मतलब खुद कर पा रहा है. ऑटोनॉमी मीन्स द लर्न मोर द सिंपली ग्रोइंग अप, इट ऑल्सो हैविंग ए सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू ए सर्टेन थिंग, बिकम ए इंडिपेंडेंस एबिलिटी टू एक्ट थिंग बाय योर सेल्फ. खुद करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं कर पाऊंगा बोल के आया ना, मैं ऑटोनॉमी का आया तो वही चीज़ लिखा है. ठीक है, देन उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन, व्हाट इज चिल्ड्रेंस क्यूरियोसिटी. चिल्ड्रेंस क्यूरियोसिटी क्या है, अरे क्या है कि द मोर आपको मालूम है, जितना बच्चा ज़्यादा क्यूरियस होगा उतना उसका क्या होगा, वो ज़्यादा सीखेगा, जितना ज़्यादा सीखेगा वो उतना अच्छे आगे जाएगा, तो वही लिखा है. ठीक है, तो फिर जैसे कि मैं लिखा हूँ कि बच्चा ज़्यादा क्यूरियस है, बेबीज आर बॉर्न लर्नर्स, वो बच्चा बचपन से मतलब पैदा होने से ही सीखने के लिए रेडी रहता है. वही तो इसलिए कमीशली मैं बोलता हूँ कि आप बच्चे जैसा रहिए, क्योंकि आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा जानोगे, तो वही चीज़ लिखा है. ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि न्यूबॉर्न में भी कोई साउंड आया तो उधर ध्यान देता है, तो वही सारी चीज़ सीखने के लिए, क्या हुआ उधर, क्यों हुआ, हम अभी इधर बैठे हैं किधर क्या हो रहा है, हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम इतना जिज्ञासा, हिंदी में जिज्ञासा बोलते हैं क्यूरियोसिटी को. ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना चाहिए, आप ज़्यादा सीखोगे. ठीक है, जो भी, तो ये हो गया आपका क्यूरियोसिटी. उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया आपका इमिटेशन क्या है.
बच्चे लोग सभी को अडल्ट लोगों को इमिटेशन करते हैं, मतलब उड़िया रे अनुसरण हिंदी में उनको देख के, मतलब ज़्यादा क्या हिंदी में, हिंदी बच्चे थोड़ा लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है, जो भी इमिटेट करते हैं, ठीक है, नकल करते हैं, यस लिखा है, बच्चों की वयस्कों का नकल नकल करते हैं, ठीक है, क्यों नकल करते हैं ना, क्योंकि उनसे सीखते हैं वो ए टू जेड सारी चीज़ सीखने, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, मम्मी जैसे कर रहा है उसका बच्ची भी वैसे ही कर रहा है कि नहीं, तो यही चीज़ें नकल करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है, वही चीज़ मैं लिखा हूँ जो कि आपको दे, इसलिए मैं इसलिए बोलता हूँ रोज़ कि फैमिली में जैसे एक नया एक मेंबर आया, बच्चा आया, तो फिर आपको क्या करना है, तो सारे चीज़ मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आपसे ही वो, यू आर द फर्स्ट लर्न, मतलब एडुकेटर फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ योर चिल्ड्रेन, सो आपको याद रखना है कि आपको सारे चीज़ मेंटेन रखना है, तो फिर बच्चा आपसे सीखेगा अच्छा चीज़। उसके बाद चाइल्ड लेबर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाइल्ड लेबर इज समथिंग, मतलब द टर्म चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज द वर्क व्हाट डिप्रीव द चिल्ड्रेन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से कोई, मतलब बचपन से बचपन ही नहीं दे रहा है किसी को, बचपन मतलब क्या है, सीखने के लिए रेडी रहना, सारे चीज़ पूरा हाथों हाथ मिल जाना चाहिए, मतलब उसको सारे चीज़ सारे सुख सुविधा मिलना चाहिए बचपन में, हाँ कि नहीं, तो वही नहीं मिल रहा है, तो फिर हम बोलेंगे ये कंडीशन है। चाइल्ड लेबर क्या कहता है, मेंटली फिजिकली सोशली मोरली डेंजरस है फिर चिल्ड्रेन के लिए, वही लिखा हूँ, ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में मैं आशा करता हूँ हम अभी कोई भी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 साल का कि उससे भी ज़्यादा अभी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो चाइल्ड लेबर के बारे में आप आराम से लिख सकते हो स्कूल, या मुझे इतना ध्यान टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे एक सोशल इशू है जो कि आप समझते हो जो कि सही नहीं है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो। एक अलीगढ़ का लॉक फैक्ट्री का बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको जानना चाहिए, जिसको उसमें उधर से 12 से 14 घंटा काम करते हैं, मैं तो अभी 12 घंटा ड्यूटी जा रहा हूँ, कितना तकलीफ हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग का क्लास भी थोड़ा डिसकंटिन्यू हो रहा है, आप लोग सपोर्ट करो इसके लिए थैंक यू, इसलिए एक लंबा वीडियो लाया हूँ, आप आराम से पढ़ के जाओगे इसको, एग्जाम में पूरा क्लियर करके आओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कभी कभी 18 से 20 घंटा भी काम कर लेते हैं वो, तो फिर उनका शरीर के बारे में, उनका सेहत के बारे में सोचिए, तो फिर यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता होगा, तो ये वाला कंडीशन आपका लिख सकते हो। तो फिर उसमें क्या होता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, एक तो सैलरी कम मिलता है, उनको रेस्ट नहीं मिलता है, वो अच्छा अनहेल्दी सिचुएशन में रहते हैं, उनको हाजार्डियस जैसे कि ऑपरेशन बहुत हाजार्डियस रहता है, बहुत डेंजरियस रहता है, तो उनको क्या होता है कि हैंड ग्लोव्स नहीं देते, काम करवाया मतलब ऐसे ही खुले हाथ में काम, जो कि कैंसर जैसा है, उनको बीमारी भी हो सकता है, तो ये वाला सिचुएशन केमिकल के बारे में, ये वाला सिचुएशन आप किसके बारे में बोल सकते हो कि अलीगढ़ जो लग फैक्ट्री है उधर ऐसे होता है, एग्जाम में आया तो कुछ नहीं, तो चाइल्ड लेबर क्या है लिखने के बाद ये वाला एग्जाम्पल चिपका दीजिए, ठीक है, आपका अच्छा मार्क आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 33, ये हो गया 34, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं लिया हूँ। डेवलपमेंट क्या है ना, डेवलपमेंट द टर्म डेवलपमेंट इज यूज टू चेंज इन ए पर्सन फिजिकल बिहेवियर ट्रेट, मतलब बच्चे का फिजिकल बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिस चेंजेस आर द प्रोग्रेसिव अर्ली लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट मतलब तीनों स्टेज में चेंज होता है, एक है प्रोग्रेसिव वे में चेंज होता है, और एक अर्ली वे में चेंज होता है, और एक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्या है प्रोग्रेसिव, क्या है ना प्रोग्रेसिव, मतलब द टर्म प्रोग्रेसिव इंप्लाई द दिस चेंजेस रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ स्किल एंड एबिलिटी आर कम्प्लेक्स फाइनर मोर इफिशियंट, मतलब धीरे धीरे ज़्यादा आगे जाता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, मतलब धीरे धीरे, आज एक है कल दो है तीन है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। उसके बाद है क्या है, थोड़ा जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे प्रोग्रेसिव का, एक बच्चा चल पाएगा, पैदा हुआ चल पा रहा है कि नहीं, धीरे धीरे क्या कर रहा है, पहले तो लेट के रह रहा है, उसके बाद बैठ रहा है, उसके बाद थोड़ा रेंगते हुए क्रॉलिंग करके जा रहा है, उसके बाद खड़ा हो रहा है, गिर रहा है, नहीं तो सपोर्ट के साथ खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, मतलब इतना सारा स्टेजेस होके जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। और अडरली, अडरली मतलब क्या है, अडरली मतलब क्या है कि एक बच्चा पहले
मतलब सोपर मतलब पहले सो के रह रहा है, उठ के बैठ रहा है, नहीं सो के रह रहा है मतलब सीधा सीधा चलने लगेगा, ऐसे नहीं होगा, एक सीक्वेंस वाइज जाएगा। पहले सोते रह रहा है, फिर उठ के बैठेगा, फिर सोपर लेके बैठेगा, फिर खड़ा होगा, मतलब क्राउलिंग करेगा, उसके बाद थोड़ा खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर अच्छे से चल, मतलब एक अर्डरली वे में जाएगा ये चीज़ें। और उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग क्या है? लॉन्ग लास्टिंग इज समथिंग, मतलब आप ऐसे आप सोच पाओगे क्या मैं कभी चलना भूल जाऊंगा, ऐसे समझ ऐसे कैसे हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। मैं चलना भूल जाऊंगा ऐसे नहीं होगा, बचपन में गिर रहे थे चल नहीं पा रहे थे हुआ था, यस एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस में रहता है। ये सभी को कंपाइल कर देंगे, मतलब प्रोग्रेसिव, अर्डरली और लॉन्ग लास्टिंग तीनों को कंपाइल कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट बन जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? ओके चलो। उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? फिजिकली मतलब साइज में, मैं अभी मेरा वेट कितना है मालूम है आपको? बहुत है, मैं बोल नहीं सकता, जो छोटा जाने दो, अभी हाइट में बोलता हूँ तो मेरा धरा 5 फीट 10 इंच है, अभी 5 फीट 11 इंच हो गया, तो फिर मैं बोलूँगा कि मेरा ग्रोथ हुआ है, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज समथिंग अलग, मैं बोला अभी जो, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो ये हो गया आपका ग्रोथ, वही लिखा हूँ, जैसे कि हाइट में वेट में डेवलप चेंज होना, इसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो चलो अभी 34 क्वेश्चन चलो देखेंगे, एक हो गया कंप्लीट, अभी 35। व्हाट आर द एरिया ऑफ डेवलपमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली आपका मतलब डेवलपमेंट किसी किसी फील्ड में होता है। सर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आप सोचिए सर, हाँ सोशल डेवलपमेंट होता है सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये सारे फील्ड के बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। यस फिजिकल डेवलपमेंट होता है साइज में चेंज होना, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट मतलब वो चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, इसको मोटर डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मैं लिखा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं क्या है ये सब। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब बोल पा रहा है कुछ, धीरे धीरे अच्छा बोल रहा है, ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट में गया, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? मतलब थिंकिंग एबिलिटी उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है। द कंसर्न द इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी इन ए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सोशल मतलब वो सोशल बन रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, खेल रहा है, तो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। और आपका सोशल में भी खाना शेयर कर रहा है, ये भी शेयरिंग भी सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल, इमोशनल वो खुद रो रहा है कभी कभी, कभी हंस रहा है, कभी मतलब ज़्यादा डिलाइट हैप्पीनेस दिखाता है, एंगजाइटी दिखाता है, जो कि हम पढ़ के आए सेपरेशन एंगजाइटी, और एक स्ट्रेंजर एंगजाइटी, जो भी पढ़ के, ये सब हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। उसके पर्सनैलिटी, एक बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी वो भी रहता है, ठीक है। उसके बाद यही है, तो यही चीज़ है इसका आपका एरिया ऑफ डेवलपमेंट। फिर से क्वेश्चन याद रखिए, एरिया ऑफ डेवलपमेंट एक बड़ा सा 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हाट इज माय इमोशनल डेवलपमेंट, व्हाट डू मीन बाय आपका गया ये लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन देख के, और बोलोगे सर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आप नहीं दिए थे, दिया हूँ मैं बोला था ना 100 क्वेश्चन का बराबर है सच में। अभी देखो 35 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अभी ना खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ, अभी 36 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। कितना सारा क्वेश्चन हम करके आए, हाँ कि नहीं? ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, कीवर्ड ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। अभी कितना 2 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन मैं आ सकता हूँ बहुत कुछ आपको सिखा के आया हूँ अभी तक, जितना भी क्वेश्चन आया, लेकिन और आगे खजाना है, वो है 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन है। क्यों क्यों खजाना है बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि उसमें से और ज़्यादा आपको सब्जेक्ट को बा DC1 का समझ पाओगे, क्योंकि मैं पूरा कवर किया हूँ, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा। और लास्ट को फिर मैं क्या दिखाऊँगा बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दिखा दूंगा, तो फिर चलिए गुड 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 अच्छा रहेगा। तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इस एक यूनिवर्सल पैटर्न रहता है डेवलपमेंट में। जैसे कि मैं बोला, एक बच्चा पहले सोता रह रहा है, उठ के बैठेगा कि सपोर्ट लेके बैठेगा, तो थोड़ा क्राउलिंग करेगा, एक पैटर्न होके जा रहा है ऐसे। ये आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा बच्चा तो डायरेक्ट पैदा होगा दौड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपका बच्चा जैसे होगा आप भी ऐसे होंगे, और आपका बच्चा आगे जो आएगा वो भी ऐसे होगा, ठीक है। जो भी है, देयर इज ए सिक्वेंस इन डेवलपमेंट, एस डेवलपमेंट का सिक्वेंस है। एवरी चाइल्ड फास्ट कम्युनिकेट विथ साउंड एंड गेस्चर,
देन सी लर्न वर्ड यूजिंग द एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड फाइनली यूज देम द कम्प्लीट कम्प्लीट करेक्ट सेंटेंस. वो बोला कि सिक्वेंस है, एक एग्जाम्पल दिया है कि लेट से कोई बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, पहले साउंड को सुनेगा जानेगा, उसके धीरे धीरे वो एक्सप्रेस करना चालू करेगा, धीरे 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 कंप्लीट सेंटेंस बोलना चालू करेगा. द सिक्वेंस ऑफ पैटर्न सभी चिल्ड्रेन में सेम है. ऐसे नहीं कि कोई बच्चा जस्ट पैदा हुआ, मम्मी मुझे भूख लग रहा है खाने के लिए दीजिए, ऐसे नहीं बोलेगा, उसको टाइम लगेगा. यही चीज़ है, ठीक है, यही है. ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता नहीं. द सिक्वेंस ऑफ पैटर्न इन कॉमन इन ऑल चिल्ड्रेन दैट इज ईच चिल्ड्रेन पास थ्रो दिस सिक्वेंस ऑन द सेम ऑर्डर. वही बोल रहा है कि सेम ऑर्डर में जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या लिखा है, यूनिवर्सल पैटर्न क्या है ये और क्या. ठीक है चलो और आगे. और एक चीज भी है, एक्सप्लेनिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्वेश्चन चेंज होगा. उधर यूनिवर्सल पैटर्न है, हाँ है, सभी चिल्ड्रेन में एक डिफरेंसेस भी है. क्या डिफरेंसेस है चलो देखेंगे. लेट्स से आपका एक बच्चा है, आपका भाई का एक बच्चा है, लेट्स से मतलब आपका एक गर्ल पैदा हुआ है आपके घर में और एक भी आपके भाई का एक गर्ल पैदा हुआ है. ठीक है, सेम टाइम में पैदा हुआ, जुड़ा तो नहीं बोल सकते, सेम टाइम में पैदा हुआ है. ठीक है, अभी बोलेंगे कि ये नौ महीने में बात करता है, एक साल में ये बात कर रहा है, नहीं तो डेढ़ साल पकड़ लेंगे. डेढ़ साल में ये बच्चा बात कर रहा है, ये रिंकी और चिंकी. ठीक है, रिंकी चिंकी अच्छा नाम है, नहीं जो भी है, रिंकी चिंकी. तो चिंकी भी वही डेढ़ साल में बात कर, नहीं उससे पहले भी बात कर सकता है, ऐसे नहीं मतलब ऐसे मम्मी मुझे भूख लगा है खाने की, मम्मी जो भी जैसे भी बोल रहा है अच्छी से बोल पा रहा है, नहीं तो चल पा रहा है. एक चलने का एग्जांपल ले लीजिए, ये अच्छी से चल पा रहा है, डेढ़ साल हो गया, ये चल पाएगा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे. सभी का डिफरेंस है, कोई जल्दी कर सकता है, किसी को लेट हो सकता है, हाँ कि नहीं. सभी लोग लिखिए, एक टैक्स देता हूँ सभी लोग को. सभी लोग कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आपका अभी शादी हो गया तो बहुत अच्छा है, आपका जो बच्चा है बॉय है गर्ल है जो भी उनका नाम लिखिए. नहीं हुआ है तो फिर प्लानिंग क्या है, मेरे प्लानिंग मतलब नाम क्या दोगे, सोचे तो होंगे ना. मैं सोच के रखा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. आप लोग सोच के रखे तो लिखिए, थोड़ा टॉपिक से हटके फिर भी क्या है, एज ए फैमिली सैम से हम पढ़ रहे हैं, आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में. चलो आगे. ओके, सो इस डिफरेंस रहता है, क्या लिखा हूँ, देयर इज ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट व्हिच कॉमन फॉर ऑल इंडिविजुअल और टू चिल्ड्रेन आर लाइक दे आर वेरी चेंज. किस में होता है, जैसे कि लाइक डिसलाइक, किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा इतना खराब लगता है वो देखता ही नहीं उसको, नहीं मुझे तो खाना ही नहीं, किसी को यही चीज़ है. तो सभी का लाइक डिसलाइक अलग होता है, प्रिफरेंसेस इंटरेस्ट स्किल एबिलिटी सभी का अलग अलग होता है, यही चीज़ें आपको ध्यान देना है. ठीक है चलो, उसके बाद आपका आ गया व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन की 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. डिफरेंशिएशन मतलब मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड विथ सिंपल टू कम्प्लेक्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन एबव प्रोसेस. डेवलपमेंट वाज सीन प्रोसीड फ्रॉम द आइडेंटिकल सेल टू कम्प्लेक्स सेल ईच ऑफ इट्स वन स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, और इंटीग्रेशन मतलब क्या बोल रहा है, देखिए मैं जैसे कि बोला था थोड़ा पानी पीना पड़ेगा शायद थोड़ा 2 घंटा 7 मिनट हो गया ना इसलिए. हाँ लास्ट को बताऊंगा ऐसे सिचुएशन क्यों आया, क्योंकि मैं एक ही टाइम में बैठ के क्लास एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जो भी है. चलो यस, डिफरेंशिएशन ये चीज़ है, मैं पहले बताया कि पहले जाइगोट वाला सिचुएशन देखिए, कंसेप्शन हुआ जाइगोट बना, फिर धीरे धीरे बहुत सारा सेल मिल के आपका हाथ बनेगा, आपका लंग्स बनेगा, आपका ब्लड बनेगा, आपका जो भी है आपका स्टोमक बनेगा, आपका जो भी है लीवर बनेगा, इस सारे चीज़ आपका बनेगा. ठीक है, सभी का अलग अलग फंक्शन है. आपका हाथ का काम जो है वो करेगा, आपका आंख का काम जो है वो करेगा, अंदर का जैसे कि स्टोमक का, लंग्स का, हार्ट का, जो का जिसका जो काम वो करेगा,
हाँ कि नहीं, ये एक सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, मतलब फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब सभी को अलग अलग मतलब स्पेसिफिक जनरल काम दे दिया गया, उसको बोलते हैं डिफरेंस। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, सब मिलके जब कार्य, जैसे कि एक डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या चाहिए, आपका माउथ चाहिए, पहले तो खाना मतलब च्यूइंग करोगे, मतलब च्यूइंग ना क्या बोलते हैं उसको, च्यू च्यू मतलब उसको मतलब खाना खाने के लिए जो बोलते हैं, ठीक है, चोवाना ना क्या बोलते हैं उसको, ओके जो भी है जाने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो कोई एप्पल आप खा रहे हो, ठीक है, पहले दांत का काम आ गया, मतलब माउथ का काम हो गया, उसके बाद इसोफागस होके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद स्टोमाक में जाएगा, स्टोमाक में जाके फिर जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है वो सारे प्रोसेस हो गया, लास्ट को आपका जो भी खाने से जो खाने के आने के बाद जो भी आया जो ब्लड स्ट्रीम में, मतलब जो उसमें न्यूट्रिएंट आया वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, आपका सेल का डेवलपमेंट होगा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ये हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस। कितने लोग काम पे लगे गए, आपका माउथ, आपका इसोफागस, आपका आपका सॉरी आपका स्टोमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड, सारे चीज़ काम पे लग गए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, सब मिलके काम करने के लिए। इंटीग्रेशन मीन्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द फ्रॉम इंटीग्रेशन, समझ गए ना, चलो अच्छा है। ओहो टेंशन सर कितना पढ़ा रहे हो, थोड़ा पढ़ाना बंद कीजिए सर, बंद हो गया, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, चलो। क्रिटिकल पीरियड एक्सप्लेन व्हाट इन वाई क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल पीरियड जो कि बच्चे का जो जब पैदा होना तब से 2 साल तक रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देर इज ए सम पीरियड इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, देर इज ए क्रूशियल डेवलपमेंट एंड लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, द चाइल्ड इज फेवरेबल एक्सपीरियंस हर डेवलपमेंट फोस्टर्ड, इफ द चाइल्ड पीरियड एक्सपीरियंस इज अनफेवरेबल, बोला कि ये जो आप बोल रहे हैं कि क्रिटिकल पीरियड बेसिकली जो 0 से 2 ईयर को हम देखते हैं, ये 2 साल में बच्चे को अच्छा सिचुएशन फेवरेबल बनाए, अच्छा सिचुएशन देंगे तो बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा, खराब सिचुएशन देंगे तो खराब डेवलपमेंट नहीं होगा, वही लिखा है। दिस पीरियड व्हेन द चाइल्ड पर्टिकुलरली सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रिटिकल क्यों लिखा है, बहुत सेंसिटिव है, इस लेट्स से 2 साल हुआ बच्चे को, 2 साल के अंदर उसको एक घर में बंद करके रख दिए, सिर्फ खाना दे रहे हो, खा रहे हैं, आप जा रहे हो खाना खिला रहे हो आ रहे हो, तो फिर उसका सिचुएशन क्या होगा, वो मोरली डाउन होगा, कुछ भी सीख नहीं पाएगा बाहर, मतलब कुछ भी नहीं उसको नहीं मालूम है, हाँ कि नहीं, तो फिर इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ख़त्म कर दिया मैं, हाँ कि नहीं ख़त्म कर दिया, नीचे लिखा हूँ DC1 क्विज, क्या लिखा हूँ इसके ऊपर क्लिक कीजिए, DC1 क्विज स्टार्ट हो जाएगा, करेंगे स्टार्ट, आर यू रेडी, क्विज स्टार्ट करेंगे। नहीं सर बहुत पढ़ा दिया, अभी पढ़ाना बंद कीजिए, अरे कौन छोड़ेगा अभी, अभी 2 बज के सॉरी सिर्फ 2 घंटा 11 मिनट हुआ, मैं बोला था 4 घंटा का क्लास करूँगा, तो अभी देखना है आपको, ऐसे नहीं कि मैं आपको छोड़ दूँगा आप चले जाओगे, ठीक है, पूरा देखना है, एग्ज़ाम में 90 मार्क लाना है ना, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे पढ़ के। चलो क्विज स्टार्ट करेंगे, इधर क्विज है, नहीं तो किधर क्विज है मैं आपको दिखाया था, इधर मैं क्लिक किया डायरेक्ट क्विज ओपन हो जाएगा, चलो क्विज ओपन करेंगे। और हाँ मैं लास्ट को बताऊंगा ये हमारा एप्लीकेशन कहाँ से आया, यह इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, और मेरे साथ बात करना है, क्या करना नहीं करना है, मैं ऑलरेडी 1 नंबर क्वेश्चन के बाद में बताया था, और लास्ट को एक बार बताऊंगा, पहला क्वेश्चन से चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं इसको समझाऊंगा आपको, मैं जूम कर लेता हूं, आपको ईजी होगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, हाँ इसमें 150 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूँगा, देखेंगे कितना देर तक जा रहे हैं, नहीं तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्या होता है, ओ सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए। द सैक व्हिच एनक्लोज द फीटस टोटली, जो सैक रहता है फीटस मतलब बच्चों को कवर करके रखता है, कोई भी सिचुएशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको बचाता है, तो फिर वो सैक का नाम क्या है, उसका नाम है अमनोटिक सैक, है ना, उसका नाम क्या है, अमनोटिक सैक, ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया, इसमें क्या सीखे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अमनोटिक सैक क्या है, ऐसे तो अमनोटिक सैक का काम क्या है ना, सक से सक, सक कोई भी सक होता है ना, सक मतलब मम्मी गिर जाता है कि क्या होता है, तभी बचा लेता है बच्चे को। चलो तो सेक सेक्स ऑफ द फीटस डिटरमाइन बाय द एंड ऑफ, मतलब बच्चा मेल है या फीमेल है कब पता चल सकता है ना, जब जब कंसेप्शन स्टार्ट हुआ ना
तीसरी महीने में पता चल जाता है, ठीक है, थर्ड महीने से पता चलता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बोल रहा है कि इफ द चाइल्ड बॉर्न प्री मैच्योरली, ठीक है ठीक है, बोल रहा है कि बच्चा कौन से महीने में जो प्री मैच्योरली बॉर्न होता है वो सर्वाइव कर सकता है, बच सकता है, सातवीं महीने में बच्चा, सातवीं महीने, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या? अरे नहीं आने दो, बट ये इसको यूज़ कर सकते हो ना आपको, इधर अम्नियोटिक सैक के बारे में किधर यूज कर सकते हो? सर अम्नियोटिक सैक के बारे में मैं यूज़ कर सकता हूँ पीरियड ऑफ ओवम में यूज़ कर सकता हूँ। हाँ सर, पीरियड ऑफ ओवम में जब चालू हुआ ना, 0 to 2 week में बोल रहा हूँ, उसी टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर जो अम्नियोटिक सैक क्या जो सैक बना है वो आउटर लेयर में लगा है, मैं पढ़ाया हूँ, जाके देखिए लगा है, अम्नियोटिक सैक का काम है बच्चे को सक से बचाएगा, लिख दिए काम आ गया, उधर लॉन्ग क्वेश्चन में लगा दिए, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमनेटिक सैक का काम क्या है। आप बोलोगे कोई भी शक है, मदर को कुछ भी हुआ है, कुछ एक्सीडेंटली कुछ हुआ, तो फिर वो बच्चे को सेफ रखता है, ठीक है, यूज कर सकते हो आप चाहो तो। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो वो गया कि प्री मैच्योरली बर्थ के बारे में बोला, ठीक है चलो नेक्स्ट। द मदर कैन फील मूवमेंट, मतलब फिटस का मूवमेंट, मदर कैन फील मूवमेंट ऑफ द फिटस द एंड ऑफ, कौन सी महीने में वो फिटस का मूवमेंट जान सकता है, बच्चा पे मतलब मूवमेंट कर रहा है तो चौथी महीने में जान सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया अम्नेटिक सैक, डिक्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब थाली जैसा स्ट्रक्चर, उसको आपको क्या बोलना है, दैट इज प्लासेंटा, ठीक है, ये भी वही है बाहर रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट फास्टेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो के टाइम में, देखो एम्ब्रियो में ये ऐड कर सकते हैं क्या, एम्ब्रियो के टाइम में जो 0 to 2 week है उसी टाइम में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, फास्टेस्ट होता है, तो ब्रेन होगा लेग नहीं, ठीक है, देखो इसको यूज कर सकते, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये खजाना है, यस ये खजाना है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो फिर इसको फुल कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी तकलीफ हुए कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। 152 क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन जस्ट झलक दिखाने वाला हूँ आपको, रुकना, आप रुकोगे तो सारे चीज मिलेगा आपको, आप नहीं रुकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है चलो आगे। The period of fetus which begin from 9th week is marked by the development of 9th week, ओहो 9th week मतलब period of fetus, बीच में embryo चला गया, ऐसे का मतलब आप ऐसे link करोगे ना आप समझ जाओगे, ओह पहले तो गया ovum, उसके बाद embryo गया, अभी fetus आ गया, ओहो fetus आ गया, ओके, जो कि 9th week से 12th till birth में पढ़ा गया ना, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है तो अभी पढ़ा गया ना, आगे पढ़ा गया, जो वीडियो नहीं देखा आगे जाके देखिए, पूरा देखने के बाद आपको सारी चीज़ पता चलेगा ना जो भी है। हाँ ये बोल रहा है कि क्या क्या होता है, बोन डेवलपमेंट होता है, हाँ कि नहीं, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब बोल रहा है कि हेरिडिटी मतलब वंशन, जब मतलब मम्मी जैसा है बच्चा ऐसा है, अगर फादर जैसा है बच्चा ऐसा है, ये जो कौन ट्रांसफर करता है, ये जीन ट्रांसफर करता है, हाँ कि नहीं, चलो नेक्स्ट। आप लोग अभी क्या कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो क्या, नहीं लिख रहे हो तो क्या कर रहे हो, लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में, ये लिखिए, जितना लिखोगे आपको इतना हेल्पफुल होगा, ये लाइव कमेंट में चालू रखूंगा, आप लिखिए, ठीक है चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बींग, पहला सेल में बोल के आया, दैट इज जायगोट, जो पहला जो बनता है उसको जायगोट बनते हैं बोलते हैं, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म रेफर द बेबी फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑफ द, मतलब द टर्म रेफर द बेबी फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन अंटिल द बिगनिंग ऑफ द बोन ग्रोथ, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया बोन ग्रोथ, वो उसको कौन बोलते हैं, उसको एम्ब्रियो ही बोलते हैं ना, इम्प्लांटेशन टू बोन ग्रोथ, पहले हो गया का ओवम, उसके बाद एम्ब्रियो ही आ रहा है ना, हो गया। देन नेक्स्ट, देन देखो कितना क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन चला, अरे हम खत्म कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या पढ़ना तो है, कितना एक क्वेश्चन एक मिनट भी नहीं जा रहा तो तुरंत ही खत्म कर देंगे, ये सर एक मिनट में 10 क्वेश्चन हो रहा तो 10 क्वेश्चन मतलब 150 15 मिनट में ख़त्म क्विज, हाँ कि नहीं, चलो जल्दी। तो उसके बाद बोल रहा है
द प्रोसेस ऑफ रिदीमिंग कंट्रैक्शन, देखो यूट्रिस में जब लेबर पेन होना चालू होता है, जो रिदीमिंग कंट्रैक्शन उसको बोलते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं, द जाइगोट जो रहता है, द प्रोसेस ऑफ अटैच, अरे ये तो गया रे बाबा, ना ना ये गया नहीं, क्वेश्चन है क्वेश्चन और नहीं दिया है, हाँ द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूट्रिस के साथ जाइगोट जो लग जाएगा उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है याद में, इसको इसको किधर यूज कर सकते हो, वही किधर भी यूज कर सकते हो, जो यूट्रिस जब बन गया ना उसके साथ जो जाइगोट बना, जाइगोट किधर कब बना था सर, जाइगोट पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में बना था, उधर यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई पूछा तो आप समझ जाइए, तो फिर इम्प्लांटेशन बोलते हैं, मतलब बच्चा जाके किस में आपका यूट्रस में लग, जो यूट्रस में जो रहता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द रिदीमिंग कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस व्हिच कॉज द बेबी, मतलब बेबी जब, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पुश आउट करता है बेबी को मदर वोम से, जब लेबर होता है ना उस सिचुएशन का मैं बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं लेबर, ठीक है। नेक्स्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन द कर्ड व्हिच कैरीज द फूड सब्सटेंस, हाँ एम्ब्रियो को, अरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, एक कर्ड खिलाएगा, मदर जो खाएगा बच्चे के पास जाएगा, वो कर्ड का नाम है अम्बिलिकल कर्ड, पिक्चर वगैरह सारे चीज़ें है, जाके देखोगे लंग क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो कर्ड का नाम क्या है, आप बोलोगे अम्बिलिकल कर्ड, है ना, नहीं द एक्टिविटी दैट रिक्वायर, ऐसे आ गया, अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, चलो देखेंगे, मैं थोड़ा इधर पिन कर देता हूँ, द एक्टिविटी दैट अक्यर चिल्ड्रेन टू स्पेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आ रहा है तो फिर क्या है ना, वो विर्गस, क्या लिखा है, ज़्यादा एनर्जी आ रहा है तो फिर विर्गस, विर्गस प्ले मतलब ज़्यादा एनर्जी, दौड़ना खेलना, इसको विर्गस प्ले एक्टिविटी बोलते हैं, तो फिर और क्वाइट प्ले एक्टिविटी किसको बोलते हैं ना, जिसमें कम एनर्जी लगता है, ऑन अदर हैंड दैट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच फिजिकल एक्टिविटी, उसको क्वाइट बोलते हैं, ठीक है, वही लिखा सब है, तो विर्गस एंड क्वाइट होगा आंसर। नेक्स्ट व्हेन द चाइल्ड प्ले हर्सेल्फ, खुद खेल रहा है, खुद खेल रहा है तो फिर इसको इंडिविजुअल प्ले बोलेंगे, ग्रुप में खेल रहा है तो उसको ग्रुप प्ले बोलेंगे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप पे, ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किया गया था आप लोगों से, मतलब आपका 2020 का जुलाई सेशन का बच्चे के द्वारा, क्योंकि मैं उनको सारी चीज़ बताया था, वो बनाए थे, तो बहुत हेल्पफुल होगा इसको पूरा कंप्लीट करना क्विज को, ठीक है। चलो और आगे, इसका सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक नंबर क्वेश्चन के बाद मैं बताऊँ कैसे हमारे साथ जुड़ना है, क्या करना है, देख लीजिए, नहीं तो लास्ट को बताऊँगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन, मैं थक रहा हूँ, क्यों थकूँगा, चलो अच्छी से बराबर फुल जोश से थोड़ा पानी पी लेता हूँ, डोंट वरी, थकने का कुछ नहीं है, मैं प्लानिंग किया था 1 बजे तक, 1 अभी नहीं बजा है तो चलेगा, और सुबह से कुछ खाया नहीं, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो भी है बनने के बाद एक थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, अरे इतना अच्छा क्लास बना लिया बच्चों लोगों के लिए, अभी उनको एग्ज़ाम में अच्छा हेल्प होगा, ये खुशी रहता है एक टीचर का, सच में ये खुशी रहता है, तो ऐसे खुशी मिल गया तो फिर आराम से खाना बन जाएगा अभी 1 से 2 बजे के अंदर, फिर तो फिर ये और क्या, जो भी है चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन है गेम्स आर यूजुअली प्ले ओपन, ओपन आ गया तो मतलब ओपन और रूम, ओपन मतलब आउटडोर, इंडोर हो गया और आउटडोर गेम, ये तो इजी, अरे क्या में पढ़ा है, पढ़ा क्या है, लिखा क्या है, ओपन कर रहा प्लेयर आउट, पहले आउट दिया था तो इसलिए मैं पढ़ना भूल गया, ठीक है, थोड़ा बिस्किट खा के काम करेंगे, क्लास करेंगे क्या, सॉरी मुझे एक्चुअली सच में भूख लग रहा है इसलिए गलत हो गया, तो बिस्किट खा के भी पढ़ा सकता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है, सॉरी लाता हूँ, कितना मैं नहीं क्लास के अंदर एक ही, चलो फुल जोश से, प्ले एक्टिविटी इन व्हिच चिल्ड्रेन फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉर द केयर गिवर, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके काम, मतलब कोई जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रेन है, वो खेल रहे हैं तो फिर इंस्ट्रक्टेड क्या होगा, उसको स्ट्रक्चर्ड प्ले होगा, और नहीं तो खुला छोड़ दिया कोई खेल रहा, तो फिर ये सब, तो इसमें क्या समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर प्ले, फ्री प्ले,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ सर बना सकता हूँ। काइंड्स ऑफ, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ प्ले फॉर द चिल्ड्रेन, ऐसे क्वेश्चन आ गया। सर मैं एक पढ़ा वेरियस प्ले मतलब ज़्यादा एक्टिविटी, एक क्वाइट प्ले मतलब बिल्कुल एक्टिविटी नहीं चाहिए। सर एक में पढ़ा इंडोर प्ले मतलब एक इंडोर एरिया में खेलना, एक पढ़ा मैं आउटडोर प्ले मतलब बाहर खेलना। उसके बाद सर मैं अभी पढ़ा ग्रुप प्ले पढ़ा मतलब ग्रुप में मिलकर खेलना। उसके बाद में पढ़ा इंडिविजुअल प्ले मतलब खुद अकेला खेलना। तो ये सारे चीज़ होगा। और एक भी प्ले अब मैं पढ़ा है अभी, स्ट्रक्चर प्ले मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ बच्चा खेल रहा है, और फ्री प्ले मतलब बच्चा खुला खेल रहा है, अकेला खेल रहा है, कुछ भी कैसे भी करके खेल रहा है। इतना सारा क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में बोला ना 1000 है, इसलिए 1000 है क्वेश्चन आ गया से। डिस्क्राइब द वेरियस प्ले एक्टिविटी और सॉरी प्ले, हाँ प्लेइंग मेथड ऐसे लिख सकते हो ना, वेरियस प्ले ऑफ ए चिल्ड्रेन। तो फिर आप बैठ जाओगे, सर आपने तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया। अरे क्या अभी बता दिया ना, लिखिए। इतना सारा पॉइंट लिखोगे आपको कोई मार्क नहीं देगा, ऐसे हो सकता है क्या? क्या मैं पढ़ा नहीं, क्वेश्चन मार दिया प्ले। सॉरी यार, प्ले शुड बी मीडियम ऑफ लर्निंग फॉर द चिल्ड्रेन बिकॉज लर्निंग बाय, मतलब प्ले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लर्निंग क्या है कि ना कुछ करते हुए सीखना, क्योंकि प्ले रे मतलब क्या होता है, कुछ करते हैं ना बच्चे, इसलिए तो करते हुए सीखते हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक वो याद रखते हैं। सो डूइंग फन है ना, वो फन के साथ याद रखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए चिल्ड्रेन प्ले प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दे आर बट, बच्चों को आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो उसको उनका एबिलिटी समझोगे, प्ले खेलने के बाद उनका एबिलिटी समझोगे, और फिर उनको फिर हम क्या लिखा है, एंड देयर फॉर हेल्प टू असेस देयर डेवलपमेंट इन ऑल स्पेयर्स, माने उनको ओवरऑल प्ले से हम उनका एक्टिव उनका जो एबिलिटी समझ गए और उनका डेवलपमेंट में उनको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट, ठीक है, द नेक्स्ट क्या है, लव एंड अफेक्शन फोस्टर द कॉन्फिडेंट। यस 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 अगर ट्रू, लव अफेक्शन में ओवरऑल तो उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा ना, मैं पढ़ा के इतना पढ़ा के आया। लविंग केयर गिवर फुलफिल द नीड्स, यस लविंग केयर गिवर जो है बच्चे का पूरा नीड फुलफिल करने के लिए ट्राई करता है, ट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज चिल्ड्रेन लाइक एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस द लर्न अबाउट, यस बच्चे को ये पसंद है एनवायरमेंट एक्सप्लोर करना, उसको अच्छा हम जितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके लिए अच्छा है। तो स्टिमुलेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बोले ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं स्टिमुलेशन हर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ऐसे ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन चाहिए और किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है, सभी डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन चाहिए। स्टिमुलेशन रेफर टू प्रोवाइडिंग द चाइल्ड द वेराइटी ऑफ, मैं बोल रहा था स्टिमुलेशन क्या है मैं, लेकिन किधर भी नहीं पढ़ा है आपको, किधर भी क्वेश्चन है स्टिमुलेशन है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, दो मार्क का क्वेश्चन है, इधर ये हो सकता है, मैं बोल दिया है स्टिमुलेशन मतलब क्या है, एक प्रो मैं मुंह में बोला था मतलब सॉरी मैं बोला था लेकिन लिखा नहीं था किधर, ये लिखा क्या लिखा कि स्टिमुलेशन रिफर्स द प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद वेराइटी एक्सपीरियंस दैट मीनिंगफुल टू हर, बच्चे को एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस देगा जो कि उसको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आंसर होगा ट्रू। देन नेक्स्ट, ये एक बार देना है, दो बार देना है, 10 बार देना है, ये वीडियो 10 बार देखिए वो आपका मर्जी है, लेकिन एग्जाम से पहले मेरा दिया गया 40 क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन और जो भी आगे बोलूँगा, ऐसे करके जाओगे तो अच्छा 90% मार्क लेके आओगे, और नहीं करके जाओगे तो सिंपली फिर मुझे वो घंटा क्लास फॉर्म भरना, फिर मैं आपको बोलूँगा फॉर्म फिलअप कीजिए, दूसरी बार एग्जाम दीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन 100% आप अच्छा कर सकते हो। वी रेस्पॉन्ड ऑल द इवेंट, बोल रहा है कि वी रेस्पॉन्ड ऑल द इवेंट अराउंड अस, मतलब हम हमारा चारों चोर जो होता है हम ध्यान देते, नहीं नहीं हम नहीं ध्यान देते, बच्चा ध्यान देता है, हम नहीं ध्यान देते। ऑल चिल्ड्रंस गोल ओल्डर सी बिकम्स इंक्रीजिंगली कैपेबल फुलफिलिंग हर, वही बोल रहा है बच्चा जैसे बड़ा होता है खुद का फिजिकल नीड वो कर सकता है, आंसर इज ट्रू। देन नेक्स्ट, इट वुड मोर फ्रूटफुल टू इनकलकेट रिजेबल ट्रेड एंड बिहेवियर द चाइल्ड विदाउट वरिंग अबाउट वेदर दे आर ट्रेडिशनली मस्कुलाइन और फेमिलाइन, वो बोल रहा है कि बच्चे का ओवरऑल हम ध्यान देंगे, वो बच्चा मेल है मतलब बॉय है और गर्ल है इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उतना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। यस ये सही है,
अरे गर्ल हुआ तो क्या हुआ और कि बॉय हुआ तो क्या हुआ, बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको अच्छा फेवरेबल कंडीशन चाइल्डहुड में मिलना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अदर पेरेंट को और सबको, हाँ कि नहीं। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस दैट मोस्ट पेरेंट इम्पोली हाँ एम्प्लॉय विद द गर्ल और बॉय इज वन ऑफ द फैक्टर दैट प्रमोट द सेक्स रोल स्टीरियोटाइप। वो बोला कि ऐसी सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे मतलब पेरेंट आज के डेट में भी, जो कि 100% गलत है ये याद रखिए, क्या होता है कि बॉय को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते गर्ल के, मतलब कंपेयर करेंगे तो आज के डेट में बहुत फैमिली में ओके हो गया है। अभी कभी कभी एक एक फैमिली में दिखेगा आपको जो कि सही नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि सेक्स रोल स्टेरोटाइप जो कि भावना रहता है इसलिए उसको ये अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा एग्री। ऐसे आज के समाज में भी है जो कि आपको नहीं रखना है, याद रखिए। द यंगर प्री स्कूल नॉट सो रिजिड अबाउट सेक्स रोल स्टेरोटाइप एंड अदर प्री स्कूलर, बोल रहा है कि जैसे कि बच्चा एक छोटा बच्चा, एक गर्ल भी हो बॉय भी हो, वो ज़्यादा मतलब सब उसको पसंद कर, जैसे बड़ा होता है डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। यस आंसर है एग्री होगा, एंगर को पसंद करते सभी लोग पसंद करते, जो कि सभी को हर टाइम पे पसंद करना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है हमारे समाज में जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्री स्कूलर एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ जेंडर कंस्टेंसी अबाउट 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। प्री स्कूलर हैज क्या बोला है, ठीक है, प्री स्कूलर एक्योर द जेंडर कंस्टेंसी अबाउट द 5 ईयर्स, हाँ जेंडर मतलब जेंडर जो मतलब सबका अवधारणा जो रहता है ना, तो जेंडर के वजह से कि बॉय है गर्ल है ऐसे कंडीशन जो है 5 साल के तक ऐसे रहता है। यस अब देखे होंगे ना ऐसे बॉय है लेकिन ये आपको देखे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्री स्कूल चाइल्ड हैज फाइंड टू बैलेंस बिटवीन डूइंग थिंग एज ही वॉन्ट टू डूइंग द सोशल एक्सेप्टेबल, यस ये सही है, सोशल जो एक्सेप्टेबल मतलब ये ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर वही बोल रहा है कि बैलेंस द प्री स्कूल हैज टू फाइंड द बैलेंस, करना चाहिए और करता भी है, आंसर होगा एग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर गिवर मस्ट हेल्प द चाइल्ड लर्न द लिमिट व्हाट सी कैन डू और कौन, यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसका एक लिमिट केयर गिवर को माइंड में फिक्स करना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे को बोलेंगे हाँ आप चले जाओ, रोड रोड खुला है आप चले जाओ, रोड पर छोड़ देगा उसको, तो फिर कुछ भी हो सकता है, नहीं चाहे जाओ मार्केट को जाओ ये लेके आ जाओ ये जाओ आपका चकले लेके आ जाओ, नहीं उसके साथ जाइए आप, उसके हाथ पकड़िए उसके साथ जाइए उसका चकले ला के दीजिए वो खाएगा, तो फिर तो ऐसे करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था रे मैं देखा नहीं, क्वेश्चन था केयर गिवर मस्ट बी चाइल्ड नॉन लर्न द लिमिट व्हाट सी कैन डू एंड कंट्रोल हर अनडिजर्वल एक्शन बाय कबलिंग हर इनिशिएटिव, नहीं नहीं हम क्वेश्चन एक्चुअली में सही से नहीं पढ़ा था, वो बोल रहा है कि वो कुछ अनडिजर्व कर रहा है उसको पूरा रोक दीजिए, नहीं नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे डिसएग्री होगा आंसर। मैं एक्चुअली गलत पढ़ा इसलिए गलत समझा रहा था, डिसएग्री होगा आंसर, ठीक है जो भी है समझ रहे हो, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्री स्कूलर लाइक टेक टू, क्योंकि पूरा पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम जा रहा है ना इसलिए थोड़ा ध्यान, ठीक है चलो। प्री स्कूलर लाइक टू टेक इनिशिएटिव टू फेस द चैलेंज, यस ये तो सही है, प्री स्कूलर ज़्यादा क्या करते हैं कि इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन बड़े जैसे कि हम इतना देर नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोलते हैं, बच्चा बोलता है मैं कर पाऊंगा ऐसे बोलता है, लेकिन हम कभी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, जैसे कि एग्जाम 90% क्यों नहीं ला सकते आप पढ़िए, मैं इतना पढ़ा है सही से, टॉप क्वेश्चन गया अभी सेट क्वेश्चन चल रहा है भी क्या बोलो, चलो पढ़िए और आगे भी बहुत कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूलर आर एबल टू सजेस्ट अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, वन कैन बी बिगिनिंग ऑफ द एबिलिटी एंड वो भी बोला कि अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग वो करते ये ऐसे नहीं हो रहा ऐसे करेंगे, अरे ये कंपलसरी दिखता है प्री स्कूलर में, दिखता है, आंसर होगा ट्रू, ठीक है दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन, ये 4 ईयर ओल्ड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मंथ एंड ईयर, एक 4 साल का बच्चा मंथ कौन सा है ईयर कौन सा है क्या चल रहा है, नहीं वो कैसे कर पाएगा ये, तो फॉल्स वो समझ नहीं पाता वो,
अंडरस्टैंड क्या बोला है, टू अंडरस्टैंड वन टू वन करेस्पॉन्डिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ नंबर डेवलप द सिक्स एंड सेवन ईयर ऑफ एज। देखो अभी एक क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा है कि देखो वन टू वन करेस्पॉन्डेंस में आपको थोड़ा, मैं जब कंजर्वेशन पढ़ा रहा था उधर थोड़ा स्किप किया हो, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो वन टू वन करेस्पॉन्डेंस क्या है, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस क्या है कि वन टू वन करेस्पॉन्डेंस है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये सारे चीज़ को वन टू वन करेस्पॉन्डेंस मतलब बच्चा समझ पाता है, मतलब ये दो पेन है, ये तीन पेन है, ये चार पेन है, तो फिर मतलब उसको समझने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए बोलते हैं ये वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। और कंजर्वेशन तो आपको बताया, वो शेप साइज चेंज होने के बाद भी मटेरियल सेम रहता है, तो वो सोचता है कि नहीं ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर वो बोल रहा है कि 6 से 7 साल एज तक वो डेवलप्ड हो जाता है बच्चे का, आंसर होगा यस, हो जाता है, ट्रू। मोस्ट ऑफ 3 ईयर ओल्ड डू नॉट हैव द कंसेप्ट नंबर ऑफ बियॉन्ड द टू, 2 साल का बच्चे का 2 से ज़्यादा का कंसेप्ट नहीं रहता है, मतलब कंसेप्ट मतलब इतना अच्छा नंबर, कंसेप्ट ऑफ नंबर इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाई कंसेप्ट ऑफ नंबर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर कंसेप्ट नंबर वही है, 1 2 3 4 5, वो फिर से बोलेगा 10 12 18 20, ऐसे बोलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नंबर जो कि 2 साल बच्चे का नहीं रहता है, आंसर होगा ट्रू, नहीं रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिलीव दैट ऑल द थिंग्स आर लिविंग, ये ऑलरेडी पढ़ा गया है हमें, सभी चीज़ में लाइफ है, इसको बच्चे इसको कौन सा बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। चलो एक रिविजन हो गया, ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट टुगेदर, ये क्वेश्चन में इसको कवर नहीं किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कवर करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बुक हो जाएगा। तो बुक तो मैं ऑलरेडी पढ़ा हूँ आपको, मैं दिखाया ना पहले स्टार्टिंग में बताया हूँ कि ये प्लेलिस्ट ले जाके पढ़िए, आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये वाला एक छांटा हुआ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन द बेसिक ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज, सेम कॉमन प्रॉपर्टीज लेके एक ग्रुपिंग बनाती है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमन रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन रिलेशन, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट, मैं बोला ना अभी अमाउंट चेंज, शेप चेंज होने से कुछ मतलब नहीं है, अमाउंट सेम रहे तो सेम रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। अभी पढ़ा क्या है, आहा कंजर्वेशन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, सॉरी उसके लिए। चलो नेक्स्ट, एबिलिटी टू मैनेज आइटम, ग्रेडेशन ऑफ साइज के हिसाब से ग्रेड करना है, उसको क्या बोलते हैं बाबा, सेरिएशन, ठीक है, साइज के साइज आ गया सेरिएशन, ध्यान देके इसको लिखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली आइडेंटिफाई, मतलब क्या बोला, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई, मतलब ये जैसा है ऐसा है, तो फिर क्या है, मैच बोलते हैं ना, मैचिंग, ठीक है। देखो अभी क्या क्या कवर किए, मैचिंग, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, ये सब चाहिए, हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सर जी देखो शॉर्ट क्वेश्चन में कवर हो गया होगा ना, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल करेगा लॉन्च टाइम में, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट द लॉन्च टाइम होम एट होम व्हेन 5 ईयर ओल्ड फ्लैश, देखो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, कॉमन रिलेशन का एक एग्जाम्पल दिया हूँ, चलो यूज कर सकते हो इसको। कैसे लिखा है, एट लॉन्च टाइम एट होम व्हेन 5 ईयर ओल्ड फ्लैश 1 ग्लास ईच ऑफ द वन फॉर मदर हर सिस्टर मम्मी इज बिगर बिगर बिग मम्मी इज बिग तपाईँ बडो ग्लास उनके लिए बड़ा ग्लास मेरा लिखा है दीदी इज स्मॉल दीदी के लिए छोटा ग्लास ऐसे वो कर रहा है तो इसको बोलते हैं कि वो ही इज शोइंग द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड कॉमन रिलेशन तो कॉमन रिलेशन में हमारा तीन मैचिंग नहीं होगा कॉमन रिलेशन होगा और आप कॉमन रिलेशन का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर इस ये एग्जाम्पल चिपका दीजिए हो गया काम व्हेन द प्री स्कूलर टेल्स आर ब्रदर वो ब्रदर को बोलता है आप जितना गाड़ी साइकिल जितना जल्दी चलाओगे हम जल्दी घर पहुंचेंगे तो फिर ये क्या सोच दिखा रहा है कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहा है कि हम जल्दी चलाएंगे गाड़ी तो हम जल्दी पहुंचेंगे ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द प्री स्कूलर रिमार्क द क्लॉथ इज ड्राई फास्टर बोला है प्री स्कूल बोलता है
धूप में सुखा दीजिए जल्दी सूख जाएगा, ऐसे बोलता है। तो फिर वो क्या समझ में आता है उसको, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो जल्दी सूखेगा, यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन द 5 ईयर ओल्डर बिगन आस्क्ड टू स्टैंड हाइट वाइज साइज कर रहा है कि ये बड़ा है, ये हाइट इधर खड़ा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिएशन। मैं बोला कि साइज के हिसाब से मैं बोला ना, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए ये सभी एग्जाम्पल भी आपको मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज सेरिएशन मिल गया, उसका एग्जाम्पल मिल गया, और क्या चाहिए। क्वेश्चन आया था, आप आराम से सर बोले, सर आप मुझे सेरिएशन नहीं पढ़ाए थे, सर मुझे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं दिए थे, ऐसे क्वेश्चन बच्चे लोग करते। अरे सारे चीज़ें आप, मैं जो दिया वो आप नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, ए 6 ईयर ओल्ड टू टेल हर द फ्रेंड टू प्ले आउटसाइड, हु वांट टू प्ले आउटसाइड स्टैंड दिस साइड, मैंने जो बाहर खेलना चाहता है इधर इधर रहिए, इधर खड़ा हो जाइए, जो इधर खेलना चाहता है इधर, ऐसे मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, तो इसको ग्रुपिंग एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट, द एज आट टाइफाइड सेकेंड डोज वैक्सीन कब लेना चाहिए, तो याद रखिए द एज आट 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज, एक फर्स्ट डोज लिए उसके बाद 1 मंथ के बाद आप सेकेंड डोज लेना चाहिए टाइफाइड का, ठीक है। तो 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। देन नेक्स्ट, द एजेस, अरे गया ना अभी, द एजेस डैश टू फर्स्ट डोज कब लेना चाहिए, वो तो हो गया 1 मंथ के बाद सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लेना है। रियली बहुत टायर्ड फील हो रहा है, जो भी है जो कम नहीं हुआ हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन हो गया ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन गया, थोड़ा इधर उधर का बात कर लेंगे, पानी थोड़ा पी लेंगे। दो घंटा 40 मिनट हुआ नहीं, ओके। दो हाँ ये बोला है फर्स्ट डोज तल कब लेंगे, 5 से 6 साल के ईयर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एजेस आर्ट डीटी, जो डीटी वैक्सीन हम कब लेंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन कब लेंगे, ये भी आपका हो गया 5 से 6 साल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर द चिल्ड्रेन डू नॉट नीड रिच इन कैल्शियम आयरन, बोला कि जिसमें मतलब ये बोला है कि जब बच्चा ज़्यादा ग्रोइंग ईयर मतलब 2 से 6 साल 8 साल जो भी ईयर है, वो बोला कि तभी उसको ये सब चाहिए नहीं चाहिए, अरे कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, तो आंसर होगा इनकरेक्ट, चाहिए, इसको चाहिए, वो बोला कि चाहिए नहीं चाहिए, बोला द एनर्जी लेवल ऑफ मालनरिश चिल्ड्रेन इज लो, बेसिकली सही आंसर है कि नहीं, एक मालनरिश चिल्ड्रेन है उसको अच्छे से खाना नहीं दो तो इसका एनर्जी लेवल लो ही रहेगा ना। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या, द प्री स्कूल चाइल्ड कैन ईट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड एट ए टाइम एंड सो नीड्स देयर आर 3 मील्स ए डे, प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है, कि प्री स्कूल चाइल्ड उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाने के चाहिए, ठीक है, उसको एक साथ एक, मतलब हम क्या करते हैं 3 टाइम खाते हैं, बट एक छोटा बच्चे को आप 3 टाइम खिलाओगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 6 टाइम 8 टाइम 10 टाइम जितना खिलाओ, ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मैच्यूरेशन विल डिटरमाइन द एज व्हिच विल रेडी टू, देखो मैच्यूरेशन आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन मतलब बच्चा क्या होता है रेडी टू लर्न और पर्टिकुलर स्किल, कोई भी स्किल सीखने के लिए रेडी रह रहा है, उसको हम बोलेंगे मैच्यूरेशन, आंसर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होल्डिंग ए, आगे ना एक क्वेश्चन, होल्डिंग ए साइज ऑफ ए ब्रेड एंड ग्लास, तो एक पकड़ रहा है, पकड़ना मतलब क्या बोला था मैं, फाइन मोटर स्किल है कि नहीं, तो आ गया ना यूज हो गया ये क्वेश्चन, पुलिंग ऑन शर्ट एंड सॉक्स एंड शू, पुलिंग ऑन शर्ट एंड सैंडल एंड शू, ये हो गया कुछ मतलब, कुछ मतलब पुलिंग मतलब कुछ मतलब लार्ज मसल यूज हो रहा है इधर, तो ग्रस मतलब पुलिंग ऑन शर्ट, शर्ट खोलना, पहनना, एक ही दौड़ना, जो भी है रनिंग करना, ये सब हो गया आपका ग्रास मोटर स्किल। इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर द राउंड एब्डोमिन ऑफ द चाइल्ड बिकम फ्लैट होता है, ये तो सही है, फ्लैट रहता है हमारा एब्डोमिन, फ्लैट रहता है प्री स्कूल ईयर में, द वेट ऑफ 6 ईयर ओल्ड ब्रेन इज,
डैश परसेंट बोल रहा है कि द वेट ऑफ 6 ईयर ओल्ड ब्रेन इज डैश परसेंट ऑफ इट्स एडल्ट। एडल्ट में जितना रहता है ब्रेन 6 साल हुआ है तभी 90% तक ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है 6 साल तक, उसके बाद जस्ट 10% होता है, तो 90% होगा। ठीक है, मैंने अभी हमारा जितना है उसका 90% 6 साल तक बन गया था, ब्रेन का डेवलपमेंट इतना बाद में नहीं होता है। ठीक है, तो बेटर बैलेंस ऑफ पोस्चर ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर रिजल्ट द चेंजेस इन, क्या बोला है, बेटर बैलेंस ऑफ पोस्चर ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर इज रिजल्ट द चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन नर्वस एंड स्केलेटल। बेटर बैलेंस कैसे होगा, तो वही बॉडी प्रोपोर्शन नर्वस एंड स्केलेटल, ये सारे चीज़ बैलेंस रहेगा तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ ऑफ वेट गेन्ड बाय द प्री स्कूलर इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। जितना वेट हुआ क्यों हुआ, मसल डेवलपमेंट हुआ बोली हुआ। ठीक है, उसके बाद विथ इम्प्रूव्ड बैलेंस द वॉक ऑफ प्री स्कूल बिकम स्टीडी, हाँ कि नहीं, मतलब उसका बैलेंस इम्प्रूव हुआ तो फिर क्या हुआ, स्टीडी हुआ उसका, मतलब अच्छा चल पा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्लेइंग गेम प्रिटेंडिंग टू बी ए बोट एंड मूविंग डाउन रिवर, मतलब वो बोल रहा है कि मैं अभी रिवर में बोट में जा रहा हूँ, ऐसे प्रिटेंड करते हैं, डॉक्टर जैसा गेम है वैसा, इसको प्रिटेंड प्ले बोलते हैं, मैंने इसको क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल प्लेइंग गेम विथ प्रिटेंडिंग टू बी ए बोट, मैंने ठीक है मूविंग डाउन विथ द रिवर, इसको प्रिटेंड प्ले भी बोल सकते हैं और सोशल डेवलपमेंट हुआ है, तो ओवरऑल कहना है सोशल से सीखता है ये सारी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिविंग ए टैडलर द आर्टिकल टू पुट इन ए बॉक्स, एक आर्टिकल दे रहा हो उसको बॉक्स में रखो तो फिर उसका मोटर डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो जाएगा चल के जाके रखेगा तो मोटर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट देन क्या लिखा है, सिंगिंग ए राइम इनवॉल्विंग द टैडलर द आस्किंग हाउ टू परफॉर्म, मतलब आप जिसे गा रहे हो उसको बोल रहे हो आप भी गाओ तो फिर क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। मैं ऑलरेडी बोला था कि ऐसे केयर गिवर करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, प्लेइंग ए गेम ऑफ पासिंग द बॉल, बॉल दे रहा हो टनल में दे के उसको बोले कि इसमें बॉल पास करो तो फिर इसका क्या डेवलपमेंट हो रहा, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, मटर डेवलपमेंट होगा, बॉल ऑब्वियसली खेलना है मटर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, दिस चाइल्ड एबिलिटी टू लेबल हिज और वन सेक्स करेक्टली एंड आइडेंटिफाई दे आर द मेन, मतलब वो कैसे समझ पाएगा, मतलब वो बोल रहा है कि द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लेबल हिज और वन सेक्स करेक्टली and identify others as men and women। ठीक है, मतलब बच्चा जान पाता है कि ये मतलब वो उसका उसको क्या बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी है कि नहीं, वो खुद जान पाता है कि मैं बॉय हूँ कि मैं गर्ल हूँ। वंस इवैल्यूएशन ऑफ अनसेल्फ, मैं ऑलरेडी पढ़ा हूँ ये भी सर बोल रहा हूँ यूज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इस्टीम, खुद के बारे में इवैल्यूएशन करना, सेल्फ इस्टीम। ठीक है, खुद का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन होती है, अंडरस्टैंड व्हाट बिहेवियर आर एक्सपेक्टेड मेल एंड फीमेल ऑन वन सोसाइटी। ठीक है, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग द मतलब ऑब्वियसली कौन कह इसको क्या बोलेंगे, सेक्स रोल कंसेप्ट कम बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हर फैक्ट दैट वन स्टे सेम जेंडर थ्रू आउट द, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द एटा द हर नहीं द टी एच ई द फैक्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या आएगा कि द फैक्ट दैट वन स्टे सेम जेंडर थ्रू आउट लाइफ डिस्पायर द चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब मैं जैसे दिख रहा हूँ, मैं अभी बॉय हूँ, मैं कभी भी एक लड़की नहीं बन जाऊँगा, है कि नहीं, जो भी है अभी तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आ गया जो भी है, जो वो नहीं ऑटोमेटिकली बोल रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे जेंडर कंस्टेंसी, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय जेंडर कंस्टेंसी, हम बोलेंगे कि द फैक्ट वन स्टे द सेम जेंडर थ्रू आउट द लाइफ डिस्पायर द चेंजेस इन फेस, कुछ का एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फेस चेंज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं एक लड़की बन जाऊँगा क्या, ऐसे नहीं होता ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन विद इन द टैडलर फॉर्म द सर्टन पीपुल, टैडलर से सर्टन पीपुल का मतलब जैसे कि केयर गिवर जो भी है, इमोशनल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, और क्या, हाँ कि नहीं, पढ़ के आया मैं,
उल्कोची। उसके बाद क्या है कि गिविंग शेयरिंग ऑब्जेक्ट, मतलब बच्चा किसी को कुछ भी दे रहा है खाने के लिए, जो भी दे रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या सोशल डेवलपमेंट क्या है। लेकिन गिविंग शेयरिंग ऑब्जेक्ट टाइम गुड विद द नो ऑब्वियस, मतलब हाँ ये आ गया, कुछ मुझे सेल्फ गेन उनको चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो सबको दे रहा है बच्चा। तो फिर हम पढ़ के आए इसको अल्ट्रूइज्म बोलते हैं, हाँ कि नहीं? ओके, पढ़ के आए हम। ओके, उसके बाद रेस्पेंडिंग द अदर पर्सन इमोशन फीलिंग, इसको हम एम्पाथी बोलते हैं। पढ़ के आए, देखो रिविजन हो गया। इसलिए बोलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन खजाना है, ये आपको बहुत हेल्पफुल है। टडलर लैंग्वेज रिफ्लेक्ट दे अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट, तो फिर ये हो गया आपका करेक्ट। क्या टडलर लैंग्वेज रिफ्लेक्ट, मतलब वो कैसे बोल रहा है पता चलता है कि ये, जैसे कि वो बोला एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि हाँ आप धूप में सुखाए जल्दी सूख जाएगा, तो ऐसे बोला तो कॉज एंड इफेक्ट वो था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन कैन टॉक द फ्यूचर इवेंट बिफोर दे टॉक अबाउट द प्रेजेंट वन, के इनकरेक्ट। फ्यूचर के बारे में वो नहीं बोल सकते, वो प्रेजेंट में ही बनते हैं, जीते हैं। कौन? चिल्ड्रेन। आंसर होगा इसका इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन स्पीच क्रिएटिव एंड रूल गवर्न, यस मतलब क्रिएटिव, चिल्ड्रेन स्पीच इज क्रिएटिव, ये तो सही है, कुछ रूल से नहीं, क्रिएटिव उनका स्पीच रहता है। द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक एरर, और मतलब वो एरर नहीं करते, ये आंसर है। चिल्ड्रेन एरर करते, ओवर ओवर जनरलाइजेशन, ये ओवर जनरलाइजेशन माने उसका मीनिंग क्या है मालूम है? मतलब कुछ भी देखेंगे बल, मतलब कुछ भी देखेंगे, जैसे कि आलू दे दो वो बोलेंगे बल, बल दे दो बोलेंगे बल, कुछ भी गोल जैसा चीज़ दे दो वो बोलेंगे बल। क्यों? उनको बल ही दिखता है, हाँ कि नहीं? उनको मतलब इतना जनरल ओवर जनरल सिर कर देते। इसका आंसर होगा इनकरेक्ट, डू नॉट मेक बोल रहा था इसलिए इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, 78, आधा गया और आधा है, कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। डिसीजन लिए हैं तो कंप्लीट कर लेंगे, और भले ही 3.5 घंटे का वीडियो हो, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हाँ आप लोगों के लिए ये सब करना किया जा रहा है, मैं आशा करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूरा देख रहे हो, और आगे भी मैं जो बताऊँगा वो देखना है। और फिर DC 2 का भी वीडियो जाएगा, DC 3 का भी वीडियो जाएगा, संडे संडे जाएगा, अगले संडे DC 2 जाएगा, अगले उसके बाद संडे DC 3 जाएगा। तो फिर आपका ये पढ़िए, एक हफ्ता पढ़िए इसको आराम से, पूरा नीट एंड क्लीन करके पढ़िए, लिंक मैं दिया हूँ, लिंक में आप पढ़िए, वीडियो देख के पढ़िए। वीडियो तो 2-3 बार देखना है और शेयर करना है, आप शेयर नहीं करोगे तो फंस गया, मतलब कौन फंसा? मैं नहीं, मैं तो आपके लिए वो किया हूँ जो मैं मतलब अभी क्या किया हूँ तो वो बोलना सही नहीं रहेगा, फिर भी आपके लिए ट्राई किया हूँ अच्छा चीज़ देने के लिए। लेकिन आपके दोस्त लोग चाह रहे हो और शेयर करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जिधर भी जो है शेयर करोगे, तो फिर दूसरे बच्चों को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इतना लंबा वीडियो DC के बारे में यूट्यूब में ही नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को आप हेल्प कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है? ओवर जनरलाइजेशन मीन्स द यूजिंग वन वर्ड रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यस। एक वर्ड ये बल है, ये बल है, सही है, इसको ही ओवर जनरल दिया है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन इतना सही है, आपको मैं समझाया वही चीज़ लिखा है इधर, मैंगो एप्पल स्पिनाच कैबेज, क्या है? ओहो, इसमें कौन सा विटामिन है क्या? मैंगो एप्पल स्पिनाच विटामिन एंड मिनरल्स, क्या है ये? समझ समझ में नहीं आ रहा, जो भी है विटामिन एंड मिनरल। ओके, दिनेश किचन, चपाती राइस जौर बाजरा, इसमें हाँ ये सही है, चपाती राइस जौ बाजरा, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये सही क्वेश्चन है, वो गलत था, वो क्या करना था इसमें, नहीं बटर ऑयल, इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? फैट रहेगा और क्या। चलो नेक्स्ट, सर इसको हम कहाँ यूज कर सकते? अरे कहाँ यूज कर सकते हो, किधर भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देने के लिए मिल्क DC 2 में अच्छा काम आएगा ये, एक्चुअली सच में। ठीक है, मिल्क की कर्ड, इसमें क्या है? इसमें मिल्क की कर्ड, मिल्क आ गया मतलब प्रोटीन, और आँख बंद करके पुण्य मारी है। द इमोशनल स्टेट दैट द न्यू बॉर्न शो, इमोशनल स्टेट दैट द न्यू बॉर्न शोज द, आइदर खुश रहेगा डिस्ट्रेस, नहीं तो खुश टेंशन होगा, और बाकी कुछ नहीं। बच्चा जो पैदा है तो यही कर सकता है। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, इसके बारे में अच्छे से मैं बताया हूँ, अब लिखिए, आप लिखिए लिखिए,
सर टेंजर एंग्जाइटी स्पीक्स अराउंड स्पीक पिक माने ज़्यादा होता है 12 से 18 तक और ख़त्म हो जाता है, याद रखे बोला था 20 से 26 दो साल तक एंड हो जाता है, ठीक है यही आंसर। नेक्स्ट सर सेपरेशन एंग्जाइटी दिखा कि किसको क्या याद है लिखिए, मैं पढ़ा गया लिखिए जल्दी लिखिए। सर 6 महीने से चालू होता है और 15 से 18 महीने में ख़त्म हो जाता है, पढ़ा का आया आप नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप अच्छी से नहीं पढ़े, जाके फिर से पढ़िए। इन्फांट बबलिंग, बबलिंग बबलिंग मतलब मम्मा पापा ऐसे होना, बबलिंग करना, ठीक है। इन्फांट बबलिंग हर एबिलिटी टू यूजिंग द फर्स्ट फोर्थ रेस्पॉन्स ऑफ एडल्ट, यस आप जितना उसको रेस्पॉन्स करोगे वो बबलिंग करना चाहो, आप चुपचाप बैठोगे तो बबलिंग नहीं करेगा, ये सही है। द इन्फांट स्माइल अकम्पर्ट विथ हर गेजिंग हर वेरी इफेक्टिव मेंटेनिंग, मतलब आप जैसे कोई बच्चे के साथ आप मिल रहे हो कैसे मिलोगे, स्माइल के साथ ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चे के साथ आप बात कर रहे हो तो स्माइल के साथ बात करो। सोशल स्माइल इमरजेंस द वन ऑफ द मंथ ऑफ एज, क्या बोला है सोशल क्या बोला है द सोशल स्माइल इमरजेंस इमर्ज द वन मंथ ऑफ द एज, बोल रहा है कि 1 मंथ के बाद वो स्माइल करना चालू कर देता है। सोशल स्माइल मैंने जो देख के, नहीं नहीं ये इनकरेक्ट है, 1 मंथ में नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली कब होता है सोशल स्माइल, सोशल स्माइल समझ रहे हो ना, मतलब चारों ओर जो हो रहा है उसको देख के, ओनली और 17 मिनट है रे बाबा, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है 17 मिनट में क्विज खत्म हो जाएगा, टाइम ही दिया था मैं। हाँ ओके ओके दोस्तों, हाँ वो 3 महीने में होता है, ठीक है। चले इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू रेस्पॉन्ड द चाइल्ड क्राई, और जो बच्चा रो रहा है उसको रेस्पॉन्ड मत कीजिए, ये इनकरेक्ट है, करना है उसको बात करना है क्यों रो रहा है बच्चा। वो बोल रहा है कि द इन्फांट गेज हर मदर, इन्फांट गेज गेज मतलब देख रहा है, उधर ही देख रहा है, मतलब द लेटर फील्स द स्ट्रांगली अपलेक्शन, मतलब पता चल इन्फांट मदर के और बार बार देख रहा है, मतलब उसके साथ ज़्यादा अफेक्शन ज़्यादा है, आंसर आपका करेक्ट। देन नेक्स्ट द म्यूचुअल गेजिंग ऑफ मदर एंड चिल्ड्रेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, यस करेक्ट। देन नेक्स्ट लुकिंग द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर फेस इन्फांट लर्न द डिस्क्रिमिनेट द वेरियस इमोशन, ये भी सही है, वेरियस इमोशन वगैरह देख के सब समझ पाता है कि नहीं। देन नेक्स्ट हूँ अडल्ट एज वेल एज द चिल्ड्रेन टेन टू बेबी टक, ये सब लोग करते हैं बेबी टक, क्योंकि तो फिर ऐसे बच्चा ज़्यादा खुश होता है, बेबी टक करते हैं हम, बेबी टक मतलब बच्चा जैसा बात करते हैं ना बच्चे से। रिदिमिक मोशन ऑफ नॉट शूटिंग द बेबी, क्या बोला है रिदिमिक मोशंस आर नॉट सूथिंग द बेबी, रिदिमिक मोशन, ठीक है रिदिमिक मोशन इज नॉट सूथिंग द बेबी, इनकरेक्ट होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट द इन्फांट स्ट्रगल वार डू नॉट वर्क ऑन द एंटायर सेंटेंस, क्या बोल रहा है द इन्फांट सिंगल सॉरी इन्फांट सिंगल वार डू नॉट, नहीं नहीं इन्फांट बोलता है पानी, मतलब माँ मुझे प्यास लगा है मुझे पानी दीजिए, इतना बड़ा सेंटेंस को पानी खाली बोलता है, यह इनकरेक्ट होगा, करेक्ट सॉरी डू नॉट पढ़ा है मैं, डू लिखा है यस करेक्ट होगा, ठीक है मैं सोचा डू नॉट लिखा है, मैं बोला ना डू नॉट मतलब करता है, वो पानी बोला तो मतलब माँ मुझे प्यास लगा मुझे पानी दीजिए, इससे आपको समझना चाहिए, यस बड़ा सेंटेंस ऐसा होता है, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड द वर्ड्स दैट इन्फांट लर्न, ठीक है द वर्ड्स दैट इन्फांट लर्न फर्स्ट द रेफर द एवरीडे से ही सीखता है ना, ये उधर उधर जो भी है जैसे चाइल्ड मग जो भी दिखता है उधर से सीखता है। द गेस्चर यूज बाय द चाइल्ड द इमोशन टोन एंड रिदिमिंग फॉर द बबल वर्ड हेल्प द अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, यस इसका आंसर, मतलब जैसे बबल करेगा वो बच्चा मतलब क्या करता है ना, कोई भी चीज़ के बारे में थोड़ा बोलने के लिए चाहता है तो इसको वो गेस्चर भी करता है, ठीक है करेक्ट होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट द चाइल्ड्स अटरेंस विल कंसिडर वर्ड ओनली व्हेन सी यूज कंसिस्टेंटली रेफर द ऑब्जेक्ट और एक्शन एंड क्वालिटी, ठीक है ये भी आंसर सही है, किसी के बारे में कुछ और कंसिस्टेंटली बोल रहा है तो फिर हमें समझना चाहिए कि कुछ, ठीक है।
While queuing and babbling, the child experiment with the sound by varying the pitch. ये तो सही है, queuing babbling तो आपको मालूम है बच्चा करता है, है कि नहीं? सही है, चलो नेक्स्ट. Babbling is the earliest form of yes, babbling is earliest form of the communication of the child. So, इसका आंसर होगा incorrect. क्यों? पहले बच्चा क्या करता है? Crying. तो babbling पहले नहीं, पहले crying करता है, रोता है, बच्चा पैदा होने के बाद रोता है. तो जब उसको भूख लगेगा वो रोएगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्राइंग इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड. हाँ, आप इसको, ये जो मैं अभी क्विज देख रहा हूँ ना, क्विज लास्ट को फिनिश मारने के बाद आपको दिखेगा, मैं इसका आंसर भी लिखा हूँ, क्यों ये है, क्यों वो है, लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, आपको नहीं तो लास्ट को थोड़ा दिखा दूंगा, डोंट वरी. और 50 और 41 है नहीं, सच में खा लेना चाहिए था, गलती कर दिया. जो भी, और 15 मिनट टारगेट था, 3 घंटा 4 घंटे का, फिर भी अभी 3 घंटा होने वाला है. द चाइल्ड्स एबिलिटी टू टेक, आपके लिए ये सब हो रहा है, मैं आशा करता हूँ आप आराम से पढ़ोगे और वीडियो को 4 और भेजोगे. नहीं भेजोगे तो फिर क्या, फिर से देखेंगे और क्या. द चाइल्ड्स एबिलिटी टू टेक टर्न डेवलप ओनली आफ्टर सेकेंड ईयर. कि बोलना है टेक टर्न, नहीं नहीं वो मतलब टर्न वो कभी ले सकते हैं मालूम है. ठीक है, टेक टर्न वो जब उसको खाता है ना, मतलब ये जो टर्न टेकिंग, सर सर टर्न टेकिंग क्या है मालूम है? द चाइल्ड्स एबिलिटी टू टर्न्स डेवलप ओनली आफ्टर द सेकेंड, अगर सेकेंड है नहीं, उसको जब आप टर्न टेकिंग क्या हो सकता है कि जब आपको उसको खिलाओगे तब हो सकता है टर्न टेकिंग. ठीक है, इसका आंसर होगा इनकरेक्ट. नेक्स्ट, टर्न टेकिंग क्या है? टर्न टेकिंग इज द क्रूशियल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एंड द चाइल्ड शोज हर एबिलिटी टू एर्ली इन लाइफ. ठीक है, यहाँ हूँ कौन नहीं, ये क्या है? सोशल इंट्रैक्शन. ठीक है, मतलब टर्न टेकिंग मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि टर्न टेकिंग मतलब ये उसको दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, दोनों को समझ रहे हैं, दोनों के साथ मिल रहे हैं, ये इसको टर्न टेकिंग बोलते हैं. ठीक है, सामाजिक संबंध. ठीक है, आंसर होगा करेक्ट. देन नेक्स्ट, द स्पीच ऑफ ह्यूमन इज नॉट डाइवर्स. इनकरेक्ट, डाइवर्स यस, बहुत अलग अलग है. तो नॉट डाइवर्स बोला है तो अलग. लैंग्वेज हेल्प द थ्रू द लैंग्वेज हेल्प ऑन थॉट बट थिंकिंग इज प्रिवेंट इवन द चाइल्ड हैज नो लैंग्वेज. यस प्रेजेंट, सॉरी प्रिवेंट नहीं, लैंग्वेज थॉट बोलने के लिए हेल्प होता है, बट जब भी लैंग्वेज नहीं रहता है, थिंकिंग रहता है माइंड में, लैंग्वेज नहीं तो लेकिन सोच सकता है इंसान, सोच सकता है. तो आंसर होगा करेक्ट. नेक्स्ट, फिर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक, बच्चों के साथ रोज़ बात करना चाहिए तो फिर उसका लैंग्वेज ये हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है. आंसर होगा ट्रू. स्टोनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकलिंग इज व्हेन नेसेसरी. ठीक है, स्टोनिंग इंफॉर्मेशन एंड मतलब ये बच्चा कर सकता है, इसको बोलते हैं मेमोरी, है ना, बच्चे का मेमोरी रहता है. फिर ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एक्शन थ्रू आउट द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन. इसका आंसर कंसेप्ट बोलेंगे, मतलब सेम कंसेप्ट रहता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्रिवेंट द हाइड्रेशन ड्यूरिंग द डायरिया. अभी आ गया क्वेश्चन, कुछ आ गया. ठीक है, एंड हाइड्रेशन ड्यूरिंग द डायरिया टू चाइल्ड शुड बी गिवेन सुगर सॉल्ट सोल्यूशन एंड बॉइल्ड. ये तो आपको मालूम है, ये देना चाहिए, है कि नहीं? ये बेसिकली आपको यूज हुआ DC2 में, DC1 में क्वेश्चन आ गया तो चलेगा भी. तो इन्फेंट शुड बी लैक्टेशन टिल 1 to 5, लैक्टेशन होना चाहिए उसको कितने किधर तक, 1 to 1.5 ईयर तक लैक्टेशन होना चाहिए, वो लिखा है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, आप दे सकते हो, लेकिन कंपलसरी आपको 6 महीना तक तो देना ही देना है, उसके बाद आपको सप्लीमेंटेड फूड भी चालू करना है, आपका जो एक्स्ट्रा फूड है वो भी चालू करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट,
आप सप्लीमेंटरी फूड बहुत नेसेसरी है. फास्ट डोज ऑफ डी टी पी बी सी जी पॉलीमिथाइलेटेड ड्रॉप शुड बी गिवेन 5 मंथ ऑफ द एज. आंसर होगा फॉल्स. फास्ट डोज कब देना चाहिए रे बाबा? फास्ट डोज देना चाहिए 3 मंथ ऑफ द एज. फास्ट डोज ऑफ डी पी टी बी सी जी ऑफ पॉली जो जो आपका पोलियो है 3 महीने में देना है, 5 महीने में नहीं. आंसर होगा फॉल्स. देन नेक्स्ट, द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इन्फांट पाम. पाम में उसको प्रेशर करोगे तो वो क्या करता है कि कर्ल सर फिंगर एंड पकड़ लेता है आपको, फिंगर को पकड़ इसको ग्राफ्स बोलते हैं. मैं दिखाया था फोटो, दिखाया था यस, इसको ग्राफ्स कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, ग्राफ्सिंग रिफ्लेक्स. ये भी आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको हेल्पफुल हो जाएगा ना. और ये ला कुछ बड़ा सा साउंड सुनता है तो बच्चा क्या होता है कि वो उसका हाथ फाथ फैला देता है. मैं दिखाया था आपको, इसके हो गया इसका मोरो रिफ्लेक्स. हो गया ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया आपका इधर ही. तो इन्फान हेड एक साइड में, हाथ एक साइड में जो बोल रहा था, इसको हम टॉनिक नेक बोल रहे थे ना, है ना. नहीं तो इसका आंसर क्या होगा कि टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. देन नेक्स्ट, और कुछ है क्या? यस, हम उसका जो तरह चीक को टच करेंगे वो फिर क्या करेगा कि वो टर्न आपके तरफ करेगा, तो फिर इसको रूटिंग कहेंगे. ठीक है, इसको रूटिंग रिफ्लेक्स. देन नेक्स्ट, तो एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स क्वेश्चन क्या है? एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स व्हेन द चाइल्ड आर देयर इट्स परसिस्टेंस फॉर द लंगर नेसेसरी इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ द नर्वस सिस्टम. मतलब रिफ्लेक्स नहीं हो रहा तो फिर नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. इसका आंसर होगा ट्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनेट मतलब छोटा बच्चा. न्यूनेट कैन डिस्क्रिमिनेट मदर. यस, मदर का वॉइस को तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. तो आंसर होगा क्या? ट्रू. ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वीक से ही कर सकता है ये मेरा मम्मी का भाई से. ठीक है, फर्स्ट वीक से ही वो कर सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. न्यूनेट कैन सी क्लियरली 8 से 10 इंच का डिस्टेंस को अच्छी से देख सकता है. न्यूनेट एग्जाम में क्वेश्चन न्यूनेट आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन आया, तो आप ये वाला पॉइंट सब ऐड कर सकते हो. इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन को खजाना बोलता हूँ. आप नहीं पढ़ोगे तो ये जो आपका लैक्टेशन है इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट है जो कि बच्चे को बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए देना चाहिए. यस, मदर को लैक्टेशन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू बर्न इज नॉट हेल्पलेस. वो सब कुछ कर सकता है, सुन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. यस, आंसर सुन सकता है, सुन सकता है, देख सकता है. यस, सी इज नॉट हेल्पलेस. ओके, इट इज राइट. चिल्ड्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हेल्पिंग अराउंड देम. बच्चा कुछ नहीं सुन पाता है, कुछ नहीं जान पाता है. ये क्या बोला? इट इज राइट, चिल्ड्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, दे डिड नॉट सेंस इट. आंसर होगा क्या? बच्चा कुछ सेंस नहीं कर पाते. नहीं नहीं बच्चा दे सेंस एवरीथिंग, से सब कुछ सेंस कर पाते हैं. चिल्ड्रेन बिगन टू थिंक अंडरस्टैंड व्हेन दे बिगन टू स्पीक. वो बोलने से पहले सोचना चालू कर देते. इसका आंसर होगा राइट, वो कर सकते हैं. उसके बाद चिल्ड्रेन शो क्यूरियोसिटी टू एवरीथिंग. यस, सब कुछ क्यूरियोसिटी रहता उसका रहता है. चिल्ड्रेन शो इमिटेट अडल्ट. यस, ये भी पढ़ के हम अडल्ट को इमिटेट करते हैं. ऑल रिलीजियन सब बच्चों को बहुत प्रीशियस मानते हैं. इसका आंसर यस. उसके बाद चिल्ड्रेन एक फैमिली में बहुत लोग हैं तो ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड होता है सबके साथ. यस, आंसर यस. देन उसके साथ क्वांटिटी, आप जितना बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो अच्छा है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे बच्चे के साथ, खेलोगे घूमोगे, इस क्वालिटी टाइम इम्पोर्टेंट. इसका आंसर होगा कि इम्पोर्टेंट द क्वांटिटी ऑफ द टाइम. क्वालिटी पहले लिखा है ना. यस, क्वालिटी. यस, आंसर होगा यस, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है. उसके बाद डेवलपमेंट इम्प्लाइज क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट इम्प्लाइज क्या है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्ड, ये सारे चीज़ रहता है. क्वांटिटेटिव जैसे कि मैं बोला प्रोग्रेसिव ऑर्डरली और एक क्या है लॉन्ग लास्टिंग, ऑल द अबव. देन नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक है? बर्थ से नहीं, सॉरी, इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है? ग्रोथ रैपिड होता है, वही लिखा है, मोस्ट रैपिड ग्रोथ होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डिवाइडेड इनटू प्री स्कूल. चाइल्डहुड कब से कब तक है रे बाबा? ऐसा 2 to 6 ईयर. ठीक है, देन नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डिवाइडेड इनटू मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड का कब? 6 to 12 ईयर. मैं ऑलरेडी बताया हूँ 6 to 12 ईयर. देन नेक्स्ट, देन कहिए दैट इज कैरेक्टराइज अपीयरेंस ऑफ, हाँ, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कब आएगा? ऐसा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तब आएगा जब आपका एडोलेसन आएगा, दैट इज एडोलेसन, है कि नहीं? ओके,
देन नेक्स्ट द चाइल्ड एबल टू हिट ए बॉल, द चाइल्ड एबल टू हिट ए बॉल, तो फिर क्या उसका मोटर बॉल बॉल हिट कर लाता, मोटर डेवलपमेंट हुआ है और क्या। सो नेक्स्ट द चाइल्ड 4 ईयर ओल्ड रिकोगनाइज कलर, कलर रिकोगनाइज कर रहा है मतलब क्या है इसका, क्या डेवलपमेंट हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कलर रिकोगनाइज कर पा रहा है ना। तो फिर चाइल्ड बिकम टू टलर, बड़ा हो रहा है मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद चाइल्ड पीपल लोगों को ग्रीट कर रहा है मतलब, तो फिर इसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीट कर रहा है मतलब हेलो हाय बोल पा रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको सोशल डेवलपमेंट। चाइल्ड लर्न सब्जेक्ट, तो लर्न सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। देन नेक्स्ट द चाइल्ड शेयर टॉय मतलब सोशल डेवलपमेंट होगा, शेयर टॉय कर रहा है कि नहीं। द चाइल्ड 5 ईयर एज बिगन टू अंडरस्टैंड द स्टोन सिंक मतलब ऐसे स्टोन पानी में सिंक हो जाता है और ग्रास फ्लोट होता है ऐसे वो समझ पा रहा है, तो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको हुआ है। ये सब एग्जाम्पल काम में आएगा। उसके बाद हेरिडिटी एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, तो यस इंट्रैक्ट इंट्रैक्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा इंट्रैक्ट। यस हेरिडिटी करता है ऑल एरिया, पढ़ क्या है ना, नो टू इंडिविजुअल हैव सेम जेनेटिक मटेरियल होने के बाद भी क्या होगा, नो टू इंडिविजुअल हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक दो ए होगा आंसर, मतलब दो इंडिविजुअल में सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता जब तक वो दो ट्विंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट गैस ट्रांसमिटर, ये तो हम पढ़े, जीन्स के द्वारा जो उनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स। एनवायरनमेंट रेफर्स द कंडीशन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट जो है। देन नेक्स्ट देखो पूरा कवर किया आप लोगों के लिए, क्रिटिकल पीरियड इज ओनली टाइम्स फॉर लर्निंग पर्टिकुलर स्किल, ट्रू, मैं आप लोगों के लिए ओनली पूरा क्लियर किया हूँ। बोथ बायोलॉजिकल रेडीनेस एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस आर एसेंशियल द अर्ली लर्निंग ऑफ द डेवलपमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेजर मैच्यूरेशन रेफर्स द बायोलॉजिकल रेडीनेस टू परफॉर्म द टास्क लर्न द स्किल, मतलब मैच्यूरेशन, यस बायोलॉजिकल रेडीनेस और मैच्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस चीज़ आप सीखना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताया कि कौन सा क्या है, मैच्यूरेशन मतलब वो मैच्योर हो गया, टाइम हो गया उसका मतलब जितना जो कुछ सीखने के लिए प्रॉपर एज हो गया, और बायोलॉजिकल रेडीनेस इसी मुझे बोलने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक माउथ होना चाहिए, टंग होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, मुझे देखने के लिए मेरा आई होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रेडीनेस। और मैच्यूरेशन तो पहले मैं पढ़ाया हूँ। द चिल्ड्रेंस आर द एज आर ईच पर्टिकुलर माइलस्टोन, सभी का माइलस्टोन क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, मतलब सबका सेम कैसे रहेगा, मैं जैसे बताया ये 2 महीने 2 साल में चलेगा, ये 1.5 साल में चल पाएगा, तो फिर सबका डिफरेंट रहेगा, ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा बट टाइम स्पैन माइलस्टोन अलग रहेगा। देर आर क्या लिखा है, देर आर डिफरेंट इन क्या लिखा, देर आर डैश रेट ऑफ डेवलपमेंट बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉय एंड गर्ल में देर आर, ठीक है ठीक है, तो आंसर होगा क्या, डिफरेंस, देर आर डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट बॉय एंड गर्ल्स, ऐसे नहीं है कि सेम रहेगा, बॉय में सेम रहेगा इसमें, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी डिफरेंट है कि नहीं, ऐसे नहीं कि सेम रहेगा, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी का भी डिफरेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग द नंबर ऑफ लीड्स द कम्प्लेक्स मोर कम्प्लेक्स लाइक एडिशनल सब्सट्रैक्शन, तो एडिशनल सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या है इंटीग्रेशन, सारी चीज़ इंटीग्रेट होके हो रहा है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन। देन द चाइल्ड लर्न टू रिकोगनाइज मदर्स वॉइस, ये हो गया, ये भी हो गया आपका क्या है डिफ्रेंशिएशन, मदर का वॉइस रिकोगनाइज कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द चाइल्ड इनिशियल यूज होल आर्म टू रीच द ऑब्जेक्ट, टाइम हो गया, अरे वाह वाह इतना जल्दी किया फिर भी टाइम हो गया, ठीक है, दो ही क्वेश्चन था बट मैं आपको दिखा दूंगा वो दो क्वेश्चन। देखो जैसे सबमिशन हो जाता है पूरा, कितना अच्छा मार्क रहा था रे मेरा, छोड़ दिया, ठीक है, जो भी ऐसे आपको दिखेगा आंसर, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, मैं नीचे जा रहा हूँ वो क्वेश्चन में पहुँच जाऊँगा, वो क्वेश्चन दो देख लेंगे, एक एक कहाँ जा रहे,
ओके, ये वाला 51, 52, ये 151। ठीक है, द चाइल्ड इनिशियली यूजेस द होल आर्म टू रीच द ग्रेजुअल, इसका आंसर होगा क्या, ये जो होगा उसका सेंटर टू एंड डेवलपमेंट है, और लास्ट है द उसका क्या होता है, इसके हो गया आपका हेड टू टो, मतलब पहले हेड से टो तक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो, जो नो है क्यों नो है मैं कभी कभी लिखा होगा आपको दिखेगा। ठीक है, ये नो है तो क्यों नो है दिखता है, कभी है तो दिखा देता है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू है, कोई फॉल्स रहा तो दिखेगा इधर, कुछ फॉल्स रहा तो क्यों फॉल्स है, नीचे लिखा हूँ आप पढ़ सकते हो, आप जाकर डायरेक्ट सबमिट मार के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको बता दिया अभी, अभी क्या दिखाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना है। चलो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ मिलेगा आपको, वही हमारा एप्लीकेशन में मिलेगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, देन जाइए इग्नोर में, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके D1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, D1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लिक किया, जैसे आ गया देखो D1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो आ गया, मैं एक ओपन करता हूँ, एक ओपन किया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखना नहीं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको बिल्कुल, अभी मैं जस्ट दिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें PDF है, PDF आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सारे चीज़ आप लोगों के लिए हो रहा है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको शेयर करना है, आप शेयर करोगे तो फिर और दूसरों के लिए हेल्प होगा। ठीक है, आप बिल्कुल शेयर कीजिए, वीडियो है आप पुराना में पढ़ाया था आप देख सकते हैं, नहीं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल है। देखो पहला चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ सभी को बोल रहा हूँ, अब एग्जाम हॉल में चला गया, आपको मालूम है 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, 100 मार्क का क्वेश्चन है, तो पहले जाके ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है, आंसर 4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब एक नंबर क्वेश्चन को पूरा करना है, मैंने A 1 2 3, A B C ये तीनों करना है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 को मिस, ये 6 क्वेश्चन से कोई भी 4 करना है। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन आया है आपको, उसमें से 5 क्वेश्चन करना है, ये याद रखिए, अभी 6 क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी, एक नंबर को तो कंपल्सरी बोल दिया, ये जो 6 क्वेश्चन लगा उसमें से 4 क्वेश्चन करना है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और बाकी जैसे बोला है वो 4 मार्क है, मार्क देख के आपका आंसर लिखना है, देख के 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ऊपर देखो 1 मार्क का क्वेश्चन, ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, इसमें ये वाला, ये कितना, पहला 5 मार्क है ना, ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, ये बोल रहा है कि एन आउटडोर गेम विथ रूल्स, क्या है आउटडोर गेम विथ रूल्स, इसको क्या कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रास मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड एंड सीक गेम, तो फिर इसमें क्या ग्रास मटेरियल भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, नहीं तो ये सारी चीज़ वही, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसे आता है क्वेश्चन। तो अभी मैं क्या बोलूँगा आपको, अभी फिलहाल मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो अभी अभी जो भी 5 मिनट बोलूँगा ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप ध्यान दीजिए, पहला चीज़ है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ तो इसलिए प्लीज़ सब लोग ध्यान दीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च मारिए ORSP एजुकेशन मरा हुआ, इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें वही आपको दिखा रहा था, और हमारा एप्लीकेशन हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए पहले सर्च मारिए ओडिशा रीजनल स्टडी पेन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल। हमारा टेलीग्राम चैनल में नहीं जाने हुए तो सिंपली टेलीग्राम ओपन कीजिए, सर्च मारिए ORSP फ्रेंड सर्कल, क्या सर्च मारना है, ORSP फ्रेंड सर्कल सर्च मारना है, ORSP फ्रेंड सर्कल सर्च मारना है, मारिए तो फिर ORSP फ्रेंड सर्कल सर्च मारिए, आपको हमारा इसमें ज्वाइन हो जाइए, इसमें इतना मेंबर नहीं है एक्चुअली, अभी चालू किया गया, आपका जो DC का ग्रुप है उसमें बहुत सारे मेंबर है, जैसे इग्नो हेल्पलाइन भाई ORSP में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कितना 1257 मेंबर्स, आपको DC जुलाई में मिल जाएगा 1492 मेंबर्स, सो आपका ये सब हमारा ग्रुप है, मैं सभी ग्रुप में आपको ऐड करूँगा, 1842 मेंबर है, तो मेंबर बहुत है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। और हाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूँगा, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन है ना इसमें एक कंटैक्ट अस है फॉर्म है, दिखा देता हूँ आपको, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, लिखा है कंटैक्ट अस, इसको ओपन कीजिए, जैसे ओपन करोगे इसमें एक फॉर्म है वो भरिए, आपको कुछ भी डाउट है मैं आपके साथ, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, ठीक है, इसमें एक ए फॉर्म है इधर है, इसको ओपन कीजिए, इसमें एक फॉर्म है ये भरिए, मैं आपको बिल्कुल कॉल करूँगा, जो भी डाउट है मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्म है, इधर एक फॉर्म ओपन होगा, देखिए इसमें लिखा है, ये डिटेल लिखा है, डिटेल देखने के बाद इधर नीचे जो भी मांग रहा है दिख रहा है वो भर लीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। और क्या है,
हाँ, हम रोज रात को 8 बजे, रोज नहीं, संडे रात को 8 बजे, जैसे क्या करते हैं कि हम 30 मिनट पे डिस्कशन करते हैं, आप भी कुछ डाउट है आप आके जाने को मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लास्ट को वही बात बोलूँगा, सारी चीज़ मैं आपको समझा दिया हूँ, आपको आराम से पढ़ाया, 30-40 क्वेश्चन पढ़ाया, 152 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाया, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से बोला क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे पढ़ाई कीजिए, 100% 1 हफ्ते में इसको क्लियर कर लीजिए, अगले हफ्ते DC 2 मिलेगा, DC 3 मिलेगा, और ये वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने के लिए हेल्प कीजिए, ठीक है। तो और क्या है, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिधर भी चाह रहे हो शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, सारे चीज़ A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सारे चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ही प्रोवाइड करते हैं, 1 भी रुपया किससे नहीं लेते हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और क्या है, ठीक है, इतना ही है, और हम दूसरा भी जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, CTV, DOT, जो भी एग्ज़ाम है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसके लिए भी पढ़ाते हैं, आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, इतना ही है, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगले जो भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर करना है और खुद भी पढ़ना है। हाँ, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ क्या है, मैं एक छोटा सा वीडियो एग्ज़ाम से पहले ले आऊँगा, फिर भी इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो दे देता हूँ, जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप, आपका जो भी इसका रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं हुआ, ये हुआ, जो भी डाउट है कॉन्टैक्ट अस, फॉर्म भरिए, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, अदरवाइज आप संडे, हर संडे रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, अब आपके डायरेक्ट वॉइस में मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एग्जाम से जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके साथ लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है, एग्जाम में हॉल में जाके क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाके पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो जैसे दिखाया इंस्ट्रक्शन, और लिखना चालू कीजिए, आराम से लिखना चालू कीजिए, नो प्रॉब्लम, और हॉल टिकट लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, पेन लेके जाना है, स्केल लेके जाना है, स्केल भी लेके जा सकते हो, ठीक है, इतना चीज़ लेके जाना है, और आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका हॉल टिकट के ऊपर एक फ़ोटो लगाने का ऑप्शन होगा, उसमें आपका फ़ोटो चिपका के लेके जाना है, इतना चीज़ है। और एग्ज़ाम जब चालू होगा आपका, शायद सुबह 8 बजे चालू होगा एग्ज़ाम, 7 बजे तक पहुंच जाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। सारे चीज़ देखो, पूरा गाइडेंस, पूरा स्टार्टिंग से अभी तक पाखा पाखी अभी दिख रहा है, 3 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो हुआ है, मैं लास्ट को फिर से बताऊंगा, शुरू से अभी तक देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 90% मार्क लाने से कोई भी नहीं ये कर सकता। हाँ, मैं लिंक दिया हूँ, एप्लीकेशन दिया हूँ, इधर 39 क्वेश्चन है, और लगे तो मैं और 10 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, लेकिन आप वो लिंक देखिए, लिंक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिंक नीचे है, और 10 क्वेश्चन ज़्यादा मिल गया तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ना एग्जाम से पहले, लेकिन मैं ओवरऑल सभी चीज़ कवर कर चुका हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, याद से ध्यान से पढ़िए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, और चारों ओर शेयर कीजिए, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।